मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, या जिसको उजैर यूनिस अब द मार्क्सिस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं जिस अक्लमंद इंसान को बुलाऊं वो लेफ्ट लीनिंग होता है। हम कोशिश बहुत करते हैं राइट विंग लोगों को भी बुलाने की, लेकिन वो किसी वजह से इस पॉडकास्ट पे आते नहीं है। सो फॉर पीपल हु माइट नॉट नो आवर गेस्ट, एक तो यू रियली मिस्ड आउट बिकॉज अक्लमंद भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, क्या क्या नहीं है इनके पास। माहिर माशरत, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, मार्क्सिस्ट, सिंगर, मिस्टर शाराम अजर, हाउ आर यू सर? जबरदस्त, आप सुनाएं कैसे चल रहे हैं मिजाज? बिल्कुल सर, इतना मैंने आपका तारुफ करवाया और ट्विटर भी बहुत सारे आपके सवाल पूछ रहा था, बट द ऑब्वियस फर्स्ट क्वेश्चन इज, because you're an economist, you're a Marxist, you're a singer, the obvious first question is, how do you maintain these beautiful curls? जो ट्विटर भी बार बार पूछ रहा था। यार इसमें जो है वो मामला ये है कि ये मेरी माँ से मिला है मुझे तोहफा, तो बचपन में तो इस पे ज़ाहिर मजाक ही उड़ता था कि यार लोग मशवरा देते थे कि आपके बाल आप ठीक करना चाहते हैं, इसको इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, ये लगा लें, वो लगा लें। बचपन तो सारा कॉम्प्लेक्स में ही गुजरा है, रंगत पे भी और बालों पे भी। तो ठीक है, है। अगला गाना आने वाला है कि विरसे में हमें ये कर्ल्स हैं मिले, इस कर्ल को नया क्या हाँ यार नहीं तो, सिंस आपने मुझे अभी बताया कि आप पिंडी बॉय हैं, तो आई कैन अज्यूम के कर्ली बालों पे क्या क्या मजाक उड़ सकते थे पिंडी में। ऐसे ऐसे मजाक उड़ते थे कि जी आप ठीक नहीं करना चाहते इनको, इनको आप इस तरह करें कि वो जो है ना आप एक दफा टेंड करा लें, एक दफा टेंड करा लें, उसके बाद आपके बाल ठीक निकलेंगे। फलाना तेल आपने ट्राई किया है, इस पे बाल सीधे होने चाहिए यार, इस तरह सिल्की होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बचपन तो मैंने इसमें बड़ा जो है रंगत पे भी और बालों पे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स में गुजारा है। तो फिर एक वक्त आया मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे ही खुले छोड़ते हैं, जैसे हैं जैसे अल्लाह ने दिए हैं वैसे ही चलाओ। मैंने भी इसलिए आज खुले छोड़ दिए, गजगीले थे, मैं टाई नहीं कर सका। आई एम नॉट श्योर कि हमारी उम्र कितनी मिलती जुलती है, बट मेरे बचपन में एक वेला स्ट्रेट का ज़माना आया था। ये तेरे नाम ने हमारे लॉन्डो को बर्बाद कर दिया था। हम जा जाके वेला स्ट्रेट करवाते थे। आई डोंट नो वो परमानेंट डैमेज उसने क्या किया है बालों को, बट वो बिल्कुल सीध में जो बाल आते थे ना, दैट वाज द ट्रेंड व्हेन आई वाज यंग। हाँ नहीं, वो जाहिर बात है सारे फिल्मों के जो एक्टर थे, जो सारे हीरो थे, उनके जो है वो उस तरह के गोरों के जिस तरह के होते हैं उस तरह के बाल थे, तो हम सब जो है उनकी तरह बनना चाहते होते थे। मैंने भी ये क्रीमें ट्राई की हुई है एक ज़माने में टीनेज में। आपको पता है इंसान में थोड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सारे होते हैं, मेरे तो ओल्ड एज में भी चल रहे हैं। सो लेट्स जंप इनटू व्हाट्स हैपनिंग फॉर पीपल हु डोंट फॉलो दीस थिंग्स क्लोजली। ट्विटर पे अम्मार अली जान हो गए हैं कैंसिल फॉर सेलिब्रेटिंग गिलानीज विक्ट्री। तो सिंस आप इनसाइडर आउटसाइडर दोनों हैं, ये बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे पाकिस्तानी लेफ्ट को देखते हैं। पाकिस्तानी लेफ्ट के बारे में हजार ख्याल आते हैं, बट लेट्स टेक इट फ्रॉम द मैक्रो, लेट्स वी विल कम डाउन टू द माइक्रो के आप पाकिस्तानी लेफ्ट को कैसे देखते हैं? यार देखिए शहजाद, बात ये है कि मैं ऑब्वियसली ये सारे मेरे दोस्त हैं, मैं इन सारों को सपोर्ट करता हूँ, चाहे तैमूर हों, चाहे अम्मार हों, अम्मार रशीद हों, तुबा हों, इसमत हों, कोई भी, ये जितने भी लोग हैं ये सारे वेल मीनिंग, काइंड हार्टेड, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा चाहते हैं समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी। मैं कभी भी मैं ऑफिशियल लेफ्ट का पार्ट नहीं हूँ। मैं नज़रियाती तौर पे जो है मार्क्सियन थ्योरी को प्रैक्टिस करता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस के लिए, लेकिन मेरा जो इंटरप्रिटेशन है मार्क्सिज्म का वो बहुत मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान का जो लेफ्ट है उससे, क्योंकि मेरी नज़र में, और अगेन एज आई सेड ये सारे मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं मेरे, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा नज़रिया जो है इसमें मुख्तलिफ है देखने का कि मार्क्सिज्म से मुराद क्या है, उसका मकसद क्या है, और उसमें से किस तरह का समाज तश्कील देना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने शायद मेरे ट्वीट्स भी देखी होंगी, एक आध वीडियो में भी मैंने चाइना के मैं जो है बहुत फेवर में हूँ कि उनका बड़ा अच्छा मॉडल रहा, उन्होंने पॉवर्टी कम की, गुर्बत कम की, सारा कुछ किया, लेकिन हमें उसका क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए। एक देखिए ना, एक सोशल साइंटिफिक एटीट्यूड या एक पढ़ा लिखा एटीट्यूड जो है लाइफ की तरफ क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसकी आप अच्छी चीज़ों को भी देखें और उसकी जो थोड़ी खराबियां हैं उस पर भी तनकीदी जायज़ा लें, ताकि जब आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ पे जब आप उस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करें तो आप दोनों सेट्स ऑफ चीज़ों को देखें। तो मेरी नज़र में मिसाल के तौर पे चाइना का जो निज़ाम है मैं उसको सोशलिस्ट निज़ाम नहीं समझता, यूएसएसआर में जो निज़ाम था मैं उसको सोशलिस्ट निज़ाम नहीं समझता। मैं इन दोनों सोसाइटीज़ को स्टेट कैपिटलिज्म समझता हूँ। ये रियासती सरमायादारी है। रियासती सरमायादारी ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, जैसा कि हमने देख ही लिया है कि उस रियासती सरमायादारी के नतीजे में चाइना ने बड़े 700-800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी में से निकाला है पिछले 20-30 सालों में। सिर्फ 10 सालों में यार उन्होंने पाकिस्तान की आबादी आधी आबादी जितने लोगों को बाहर निकाल दिया, 100 मिलियन लोगों को। ऑब्वियसली इसके फवायद हैं, लेकिन वी शुड कॉल अ स्पेड। जो चीज़ जो है, जो उसकी हैयत है, जो उसकी शक्ल है, उसको वही हमें कहना चाहिए। तो मेरी नज़र में जो पाकिस्तानी लेफ्ट का जो एक नज़रियाती जो मसला है मेरे ख्याल में वो ये है कि ये लोग आज भी 1960s और 1970s का जो ऑफिशियल मार्क्सिज्म था उस ज़माने का, उसके लेंस से रियलिटी को देख रहे हैं, राइट। इनके नारे भी आप देख लें कि आज भी फॉर एग्जांपल आप जो कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप, ये कंटेंट बनाते हैं लोगों के लिए, ये सारा कुछ जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी नज़र में ये लेबर नहीं होगा। मेरी नज़र में ये लेबर है, क्योंकि आप अपने नर्व्स और मसल्स अखराजात कर रहे हैं। ये माइक आपने खरीदा, ये कंप्यूटर आपका अपना है, कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी कंटेंट यूट्यूब को मुफ्त में दे रहे हैं। एक तरह से यूट्यूब उससे जो है वो एडें बनाएगी हैं, और आप लेट्स से अगर यूट्यूब उसमें से $1000 बनाती है आपकी वीडियो से, आपको उसमें से $20 मिलते हैं। तो ये क्या है, ये इस्तेहसाल नहीं है तो और क्या है। तो ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो एक्सप्लॉयटेशन है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन है, ये कहाँ पर आ रहे हैं हमारे नज़रिए में। आज भी जो है जब हम सोचते हैं इस बारे में, तो एक बंदा जो किसी कॉरपोरेशन में सैलरी अर्निंग एक मार्केटिंग मैनेजर है चाहे, वो हमारे लेफ्ट के दोस्तों की फील्ड में नहीं आ रहा, वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन उनको नज़र नहीं आ रही। इनकी नज़र में वही आज भी जो है वो 60 साल पुराना इकोनॉमिक मॉडल है, जिसके अंदर फैक्ट्री के अंदर मजदूर जाएंगे और वो सारा कुछ करेंगे, और सिर्फ वही जो है एक्सप्लॉयटेड हैं, वो भी एक्सप्लॉयटेड हैं, वो भी इस सारे मामले के अंदर इस साल से गुजर रहे हैं। लेकिन कोई भी जमहूरी माशरा जब बनेगा तो वो इन तमाम फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को देखेगा, नई फॉर्म्स को भी देखेगा, और उनको जब आप इंक्लूड करेंगे अपने एनालिसिस में तो तभी आगे बात बढ़ेगी ना। तो मेरी नज़र में ये एस्पेक्ट अभी मिसिंग है। लेकिन ऑब्वियसली यार मतलब अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो ये जो हमारे लेफ्ट के दोस्त हैं ये फार एडवांस्ड हैं बाकी किसी और सियासी पार्टी सियासी कारकुन से। ये ज़्यादा जो है देखें आप ख़वातीन के हकूक़ पे भी ज़्यादा बात करते हैं, गरीब लोगों की भी ज़्यादा बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उस पर भी सबसे ज़्यादा आपको जो क्रिटिकल वॉइसेस नज़र आएंगी किसी भी वक्त, वो सारी जो हैं वो लेफ़्ट की वॉइसेस हैं। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से कि पीस होना चाहिए, हारमनी होनी चाहिए लोगों के दरमियान में, इसके ऊपर भी आपको लेफ़्ट के लोग सबसे आगे नज़र आएंगे। तो मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो एक सिंपथेटिक क्रिटिसिज्म है पाकिस्तानी लेफ्ट के ऊपर। इट्स अ क्रिटिक फ्रॉम समवन हु लव्स दीज पीपल, हु लाइक्स दीज पीपल। एक एम्पथेटिक क्रिटिक है, मेरा राइट विंग क्रिटिक नहीं है, मेरा क्रिटिक फ्रॉम द लेफ्ट है कि यार थोड़ा सा और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो इंटरवेंशंस हैं उनको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से इसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा उसको 21वीं सदी के उसमें लाओ। 1950 1960 की दिहाई से थोड़ा सा हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेरा ये इसके ऊपर टेक है। इसके दो थ्रेड्स पुल कर सकता हूँ, एक एकेडमिक है एक प्रैक्टिकल है। पहले एकेडमिक जरा जल्दी से उसको थोड़ा साइड पे करते हैं। तैमूर रहमान आल्सो केम ऑन द पॉडकास्ट, सम पोजीशंस ऑफ हिज आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद। उइगर मुस्लिम्स वाला भी क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा साइड स्टेप कर दिया, तो आई एम ग्लैड कि ये आपने शुरू में ही क्लैरिफाई कर दिया कि भाई चाइना जो चीज़ अच्छी कर रहा है वो माने, जो चीज़ गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। इट डजंट मीन कि आप होल हार्टेडली उसको सपोर्ट करें। जस्ट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिकली आप अपने आप को क्या कहते हैं? क्लासिकल मार्क्सिस्ट तो नहीं कहेंगे फिर आप अपने आप को? यार ये तो अल्फाज है ना, ये तो लफ्ज हैं कि आप किसी को किस उससे बुकाएंगे। मैं अपने आप को मार्क्सिस्ट समझता हूँ इन द सेंस, देखिए मार्क्सिज्म एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, उसमें जो है आप तो जानते ही मेरे से बहुत बेहतर कि यार अरे भाई क्या हो गया कहाँ से आप इतने दलील करने वाली बात है ये तो मतलब उसमें फलसफा भी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस का पर्सपेक्टिव भी है, उसमें जनाब साइको एनालिसिस का पर्सपेक्टिव भी है। मैं मार्क्सिज्म को अप्रोच करता हूँ मार्क्स की सबसे मैच्योर टेक्स्ट से। मैं मार्क्स की भी हर चीज़ से एग्री नहीं करता मैं मार्क्स की जिस टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, वो मार्क्स की कैपिटल है। जो मेरी नज़र में 30 साल की मार्क्स की डेडिकेटेड रिसर्च और काम है। आपको पता है मार्क्स की पब्लिशरों से लड़ाइयाँ होती थी, पब्लिशरों ने कहा उसको कि जी सर आपको 12 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था किताब का, आपने कहा था मैं साल बाद दे दूंगा, अभी 12 साल हो गए हैं, तो 12 साल बाद उसने खत लिखा कि मैं पाजी मैं अगले हफ्ते दे देता हूँ। 30 साल बाद भाई ने जो है जमा कराया, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपने खुद भी सेल्फ क्रिटिसिज्म करके अपने एनालिसिस को चेंज कर रहे थे। सो आई वुड मतलब मेरे ख्याल में यार जो मार्क्सिज्म है एक एक्टिव डिसिप्लिन का नाम है। कोई भी जिस तरह डिसिप्लिन होता है, फिजिक्स में अब मैं कहूँ कि जी मैं वही जो न्यूटन के जमाने की फिजिक्स थी वही आज प्रेजेंट करता रहा हूँ, तो ये एक बेवकूफाना एटीट्यूड है। इसी तरह मार्क्स ने 1867 में एक टेक्स्ट लिखी थी, तब से लेके अब तक 2021 तक सरमायादारी की नेचर बहुत चेंज हो गई है, मैशत चेंज हो गई, कल्चर चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब बात हो रही है, तो हमें अपना एनालिसिस जो है वो उस तरह से अपडेट करना है। तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि यार 1970s और 80s से ऑनवर्ड्स एक बड़ा शिफ्ट आया है मार्क्सियन थ्योरी में, इन पर्टिकुलर वेस्टर्न एकेडमी के अंदर। एक तो वो ऑफिशियल मार्क्सिज्म है जो कि मुल्कों की आइडियोलॉजी बन गई। बदकिस्मती सबसे बड़ी मार्क्सिज्म की ये है कि जब वो ऑफिशियल हो जाता है, कोई भी थ्योरी जो क्रिटिकल थ्योरी है जब वो ऑफिशियल थ्योरी बन जाती है तो वो खुद पावर में आ गई है। अब ये बड़ा एक कर्स है एक तरह का किसी भी क्रिटिकल थ्योरी का ना। तो मेरी नज़र में यार मैं अपने आप इसको पाकिस्तान में इमरान खान कर्स कहते हैं कि जब ऑपोजिशन पावर में आ जाती है। हाँ, तो इमरान खान साहब को देख लेना कि जब वो अपोजिशन में थे और उनको अपोजिशन में ही होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में ही इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन है ना, बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है उनका। रंग जी पंग पाओ जिथे कुड़ी मुंडा वेखो रंग विच पंग पाओ, है ना, किसी को कुछ ना करने दो, हर चीज पे एतराज करते रहो वगैरह वगैरह। इसी तरह मार्क्सिज्म के साथ ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बड़े वेल मीनिंग और बड़े जबरदस्त थिंकर्स थे, इन पर्टिकुलर जरा वैसे मुझे नाम शाम लेने का कोई शौक नहीं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं अगर अपने आप को क्लासीफाई करूं तो कैसे करूंगा, तो एक थिंकर थे यार फ्रांस के लुई एल्थुजर। मैं अपने आप को एल्थुजरियन मार्क्सिस्ट समझता हूं, जिसमें आइडिया प्रिसाइसली यही है कि वो क्रिटिकल थे, इसीलिए सब पार्टियों से और ऑफिशियल सर्कल से निकाल दिए गए क्योंकि वो इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन, एक सोशल साइंटिफिक डिसिप्लिन समझते थे। और वो ये कहते थे कि यार सिर्फ मैशत नहीं इम्पॉर्टेंट, सियासत भी इम्पॉर्टेंट है, कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है। हर कल्चर के अंदर मार्क्सिज्म डिफरेंट तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, हर सियासत के अंदर फ़र्क तरह से आएगा, तारीख जिसकी फ़र्क होगी उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उनका आइडिया था ओवर डिटर्मिनेशन का, ओवर डिटर्मिनेशन कि भाई कोई भी जो फिनोमेना जो हो रहा है, आप और मैं जो भी बात कर रहे हैं, जो लोग हमें देखेंगे, मैंने क्या कहा, किसी और को क्या समझ में आया, आपने क्या सैटायर में क्या बात की, किसी और को क्या समझ में आई, इसमें जो फासला है ये बहुत सारे दिमागी प्रोसीजर से भी डिटरमिन हो रहा है, राइट? कौन किस समाज में बैठा हुआ क्या सोच रहा है। तो हमें एक होलिस्टिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में सारा का सारा एम्फोसिस अगर आप देखें, सारा का सारा एम्फोसिस जो है वो मैशत पर है, नंबर 1। नंबर 2 आइडियोलॉजी पर है। उसमें आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा है कि जी जो है ये फलाना ग्रेट इंसान था और ये फलाना अजीम इंसान था, सालगिरह मनाओ। ये वो एक उसमें जो है ऑलमोस्ट एक थियोलॉजिकल एलिमेंट है, राइट? एक सोशल साइंटिफिक एलिमेंट नहीं है, एक एक्टिव डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च नहीं है ये उनके लिए, जबकि मेरी नज़र में जो होना चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली अगर आपका एनालिसिस अपडेट नहीं हो रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। और ये कुछ हमारे माशरे का भी है। आप देखें ना, हमारे माशरे में शहजाद ये एक क्वालिटी है, ये एक इंसान की क्वालिटी समझी जाती है। तो जी इमरान खान 20 साल पहले जड़ा कुछ कह रहा है, आज भी वही कह रहा है। वो 20 साल पहले जो कह रहा था वो आज भी वही कह रहा है। कल भी भाई ने तकरीर में यही बात कही, मैं 20 साल से यही बात कर रहा हूँ। ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये कोई खुशखबरी नहीं है आपकी। आप जो सुना रहे हैं हमें कि जी मैं 20 साल पहले भी वही कहता था, आज भी वही कहता हूँ, भाई क्यों? आपको रियलिटी चेंज हो रही है, आपका एनालिसिस चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। और वो रियलिटी जो अगर चेंज, एनालिसिस चेंज नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट लोगों की इमेजिनेशन के साथ नहीं कनेक्ट करेगा। आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन थोड़ा ये क्रिटिसिज्म शायद वैलिड है, या इक्वालिटी इसको समझी जा सकती है, बिकॉज अक्सर ये होता है कि समझा जाता है अच्छे पॉलिटिशियन वो हैं जिनकी खुद की कोई पोजिशन नहीं है, लाइटली ट्रेड करते हैं, जो वक्त देखेगा, जो कंस्टिट्यूएंसी देखेगा वही चीज़ें बदल देंगे। जिस तरह बर्नी सैंडर्स है, यू वुड आर्ग्यू येस ऑफ कोर्स ही इज इवॉल्वड हिज पोजिशंस, बट ही इज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट विद हिज पोजिशंस फॉर ईयर्स। तो आपने भी जिस तरह लेफ्ट का जिक्र किया एज अ प्लेस ऑफ ऑपोजिशन, एज अ प्लेस ऑफ moving society forward, वुड यू से कि फिर लेफ्ट का काम पावर में आना नहीं है, उसको बस पावर को लेफ्ट की तरफ खींचना है। जिस तरह जो बाइडन है आज, लोग कहते हैं वो ओबामा का एजेंडा फॉरवर्ड करेगा, जबकि ये गलत है। द बाइडन ऑफ 2021 इज नॉट द बाइडन ऑफ 2017। और बर्नी सैंडर्स की एग्जिस्टेंस, इवन दो डेमोक्रेटिक पार्टी और स्टेटस को ने उसको हरा दिया, बर्नी सैंडर्स की एग्जिस्टेंस ने बाइडन को फोर्स किया है या पॉपुलराइज किया है लेफ्ट पोजीशंस लेने के लिए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, एब्सोल्युटली यार। देखो 2008 के अंदर जब वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट हुई और सडनली लोगों ने वो जो ग्रेट रिसेशन था 2008 का, 7-8 का, उसको रिएक्ट किया, तो एक ग्लोबल एंटी कैपिटलिस्ट रिस्पॉन्स आया ना पूरी दुनिया में। और उसके नतीजे में बर्नी बेचारा तो यार कब से ये बातें कर रहा है। मैं कहना ही चाह रहा था कि यार प्रिंसिपल्स पे आप फिक्स्ड हो सकते हैं कि यार ये मेरा प्रिंसिपल है कि मेरे ख्याल में समाज में इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कि जी मेरे ख्याल में समाज में तबकाती इस्तेहसाल कम होना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल की पोजीशन है, राइट, अदल के साथ आपकी कमिटमेंट है, राइट, ये प्रिंसिपल है। लेकिन वो अदल का मानी जो है वो 15वीं सदी में फर्क होगा, 2021 में फर्क होगा। अदल से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी एग्जांपल है अमेरिका के बारे में आपने बात की। हाँ, अमेरिका के आइन में जो है वो लिखा हुआ है कि जी वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इक्वल। हम इन हकायक को जो है सेल्फ एविडेंट मानते हैं कि इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि तमाम इंसान जो है अल्लाह ने बराबर क्रिएट किए हैं, राइट। इंसान नहीं, मैन लिखा हुआ था उसमें। हां, मैन लिखा हुआ है, चलें कहने का। हाँ, एग्जैक्टली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये लिखा था फाउंडिंग फादर्स ने, तो उनके जहन में वाइट मैन थे जी। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये एक एस्पिरेशनल आइडिया था, कुछ अरसे के बाद इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए कि ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल, खवातीन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हाँ, हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं, बिल्कुल आ जाओ, इक्वालिटी होनी चाहिए। और हुई, हो रही है उसके ऊपर जद्दोजहद। ब्लैक पॉपुलेशन जो थी, जो फॉर्मर स्लेव्स के बच्चे थे, उन्होंने कहा 1960s में कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इक्वल, आ जाओ मैदान में। 1990s के अंदर जो दूसरे जेंडर्स के लोग थे, हैं, जो मार्जिनलाइज जेंडर्स के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हाँ भाई, बराबरी होनी चाहिए। तो एस्पिरेशन एक अलग चीज़ है, ये एक एस्पिरेशनल आइडिया है कि अदल होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। ये एस्पिरेशन पे हमारी क्लैरिटी है, सबकी क्लैरिटी, और होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि उस एस्पिरेशन को, उस ख्वाब को जो अचीव करने के और रियलिटी बनाने के जो मैकेनिज्म होंगे, जो तरीकेकार होंगे, क्या वो बदलने चाहिए? और वो बदल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? या आज भी हम वही बातें करेंगे कि जी सारा रियासत सारा कुछ पकड़ ले, रियासत सारा कुछ करे, हमारे घर में टूटी भी खराब हो तो प्लम्बर भी जो है वो रियासत का मुलाजिम हो, है जी, खादिम आला घर आए, है जी, शहबाज शरीफ आ रहा है, टूटी ठीक कर रहा है आपके घर की, है जी, साथ साथ तकरीरें भी कर रहा है। ये देखो ना, सो बर्नी सैंडर्स का जो कमाल है, आप नोटिस करें, वो यही है कि बर्नी सैंडर्स, कितनी मजे की बात है यार कि एक 80 साल का बुढ़ा जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो बच्चों में है, यंग लोगों में है। आज अगर यहाँ सिर्फ यंग लोगों का इलेक्शन हो अमरीका में, तो वो उड़ा के रख दे सबको, वो फड़का के रख दे। AOC VP होंगी उनकी, है AOC VP होंगी। क्या बात है, सोचो ना यार, मतलब कि किस किस्म की एक तब्दीली आ रही है कल्चरल उसके अंदर। आपको पता है अमेरिका के 50-55% यंग लोग जो हैं, मिलेनियल और जनरेशन जी के जो हैं, वो अपने आप को सोशलिस्ट समझते हैं। और उसकी भी कहानी बड़ी मजेदार है कि क्यों समझते हैं। वो हुआ ये, कहानी ये इस तरह शुरू होती है कि भी 2008 में जब ओबामा बने ना सदर, तो जो राइट विंग के लोग थे, फॉक्स न्यूज और रिपब्लिकन और ये वो, इन्होंने कहा कि ये सोशलिस्ट है। वो उसको एक गाली के तौर पे, एक बुराई के तौर पे यूज कर रहे, तो ये सोशलिस्ट की वजह से, है ना। वो बच्चे जो थे छोटे छोटे, उन्होंने कहा कि यार हमें तो ये बंदा बड़ा पसंद है, ये तो अच्छा आदमी है, डिसेंट आदमी है, उसकी 1000 बुराइयां सही, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये नई चीज है, कुछ पहली दफा कोई ब्लैक आदमी बना है, कुछ तो नई चीज होगी। तो उन्होंने कहा अगर ये सोशलिस्ट है तो इस बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है। तो एक तरह से राइट विंग ने खुद जो है उस डिस्कोर्स को ना चाहते हुए भी प्रमोट किया। और बर्नी, मैं समझता हूँ कि उसका एक मैनिफेस्टेशन है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है। और जैसा कि आपने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल है यार कंटेस्ट करनी चाहिए पॉलिटिकल पावर, लेकिन पॉलिटिकल पावर कंटेस्ट हम अगर उन ख्यालात से करेंगे जो 1950 और 1940 के ज़माने के हैं, वर्ल्ड वॉर 2 से आपका एनालिसिस ही चेंज नहीं हुआ। आप कभी हमारे लेफ्ट के जलसों में जाएं, वहां पे आप नारे देखें आजकल क्या लगते हैं, सुर्ख है एशिया सुर्ख है, ये वो 1960 का नारा है यार, एशिया सुर्ख है मतलब कम ऑन, मतलब 1960s से अब तक आपके नारे भी चेंज नहीं हुए, बट दे आई मीन दे आर आल्सो कंपीटिंग अगेंस्ट नाराज व्हिच हैव नॉट चेंज्ड इन 1947. सो बनिस्बत उन उसके मुकाबले में तो ये 13 साल फिर भी आगे हैं. और आपने ओबामा की सोशलिज्म भी जिक्र किया, ओबामा तो खुद कहता है कि मैं काले कपड़े पहने हुई बाइसेक्सुअल को पटाने के लिए मार्क्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन मेरे व्यूज तब से अब तक इवॉल्व हो चुके हैं. सो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी जो अमर अली जान ने गिलानी साहब के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्रेड भी लिखा है, उस पर वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई माओ की थ्योरी के प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन रखो, और हमने एज अमर अली जान इज लाइक हमने लेफ्ट या हम मेरे जो साथी हैं हमने डिसाइड किया भाई हमारी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से है. वी हैव नो क्वार्म्स के कल को PMLN PPP पावर में आए तो वो हमारे सगे नहीं हैं, वो भी हमारे साथ वही करेंगे, वो स्टेटस को का हिस्सा बन जाएंगे. लेकिन अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन हमने रख दी कि एस्टैब्लिशमेंट है, तो एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड वाली थ्योरी लेके हम चल रहे हैं. सो ये शायद थोड़ा माकियावेलियन लगे या शायद थोड़ा पॉलिटिकल लगे, आपका क्या है इस पे दिस पोजीशन इन पर्टिकुलर, एंड कनेक्टेड टू दैट अगर आप थोड़ा एक्सपैंड कर सकें, डू यू थिंक दैट, ये आजकल मैं सोच रहा हूँ कि द बेस्ट होप फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, and the best is also not good enough, but the best hope for democracy in Pakistan is a PPP PML coalition. कोई शक नहीं, बिल्कुल यार मैं अमर से एग्री करता हूँ इस जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया है थॉट को, बिल्कुल आई एग्री विद दैट कि यार देखो बात बड़ी सिंपल है, बात ये कि अल्टीमेटली ये तो सब अल्फाज है ना कि हम मार्क्सिज्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि यार हमारे माशरे में बच्चे भूखे ना मरें. ये एक जिल्लत तामीज़ स्टेटिस्टिक है कि भाई आपके आधे बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड है. ये ना हो कि जनाब जो है हर 10-10 साल बाद जो है वो हुकूमत ही पता ही नहीं है कि जी आज हुकूमत है कल क्या होना है. इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी हो. जॉब्स नहीं क्रिएट होती. हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ ले लेके 4-4, 5-5 साल जो है वो अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए. तो सवाल तो यार की पॉइंट ये है कि जी अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल है डेवलपमेंट. अल्टीमेट गोल है कि यार लोगों की फलाह हो, लोग अपने आप को फ्री फील करें, लोग अपने आप को आज़ाद फील करें, जो बात करना चाहें कर सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो. ये तमाम चीज़ें होंगी तो एक सूदमंद माशरा क्रिएट करना मकसद है ना. चाहे आप किसी भी उसको अप्रोच से, किसी भी एंगल से उसको अप्रोच कर रहे हो, दैट्स द फाइनल गोल, दैट्स द डेस्टिनेशन. तो वो जब आप करने का सोचते हो तो पहला सवाल तो ये है कि यार, और ये PTI के दोस्तों को मैं बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि यार जमहूरियत जो है वो एक व्हीकल है, एक मीन्स है जिसके जरिए ये सब कुछ होता है, राइट? और अगर जो है वो एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर जनाब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड कर रही है कि जी आज तू बन जा परसों तू बन जा, वो आपस में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लड़ा रही है जी कि चलो जी अब मेरा ये फेवरेट है, अब मैं इसके साथ जुड़ूंगा ताकि मैं अपने मतलब की पॉलिसियाँ निकाल सकूँ, और दूसरे को जो है मैं साइडलाइन करूंगा, अब मैं दूसरे के साथ मिलकर पहले के खिलाफ करूंगा. तो ये जो टग ऑफ वॉर लगी रहती है पाकिस्तान के अंदर, देखो ना इंडिया के अंदर इतनी बड़ी रिएक्शनरी पार्टी आ गई पावर में, मोदी साहब की बीजेपी की, इतनी यार मतलब फैशिस्ट किस्म की पार्टी है और उसके ओपिनियंस हैं. कोई ये नहीं कह रहा कि यार चलो जी छड़ो फौज आ जाए, किसी ने ये नहीं कहा. अमरीका में ट्रंप आ गया पावर में, 4 साल लोगों ने उसे भुगता, वो लगा रहा अपनी अजीब अजीब बातें करने. किसी ने ये नहीं कहा कि जी छोड़ो यार सारा कुछ, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है हमारी, ये आ जाए पावर में तो कितने मजे हो जाए, राइट? कोई भी ये नहीं कहता, राइट? हमारे यहाँ ये एक आर्ग्यूमेंट क्यों है? तो सवाल तो यार ये है ना कि जो सवाल हमें मेन चीज जो अमर ने भी पॉइंट आउट की है प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करके, वो ये है कि यार पहला तजाद तो जो है आप ये समझे ना कि यार जो भी ऐसी कुवत मेन स्ट्रीम पार्टीज की, चाहे वो PPP हो, PMLN हो, या कल को PTI भी हो, जो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुकदमा सबसे ज्यादा अच्छा लड़ रही है, चाहे उनसे पास्ट में आपकी लड़ाइयाँ भी हों, चाहे आपकी उनसे पास्ट में तलखियाँ भी हों, और आपका उनसे जो है तबकाती भी डिफरेंस है. ये पार्टियाँ जो हैं कोई मजदूर और किसानों की और गरीब लोगों की तो पार्टियाँ नहीं हैं. लेकिन सवाल तो ये है कि भाई कौन सा सेक्शन रूलिंग क्लास का, हुक्मरान तबके का कौन सा सेक्शन जो है इस वक्त सबसे कंसिस्टेंट लड़ाई लड़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये सवाल है। 2008 में मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब लॉयर्स मूवमेंट हो रही थी, हम सब उसका पार्ट थे, तो हम सारे पीटीआई के साथ थे। हम उस वक्त पीटीआई, आपको मैं अपनी तस्वीरें भेजूंगा, उसमें पीटीआई के साथ हम नारे मार, आप भी थे उसमें। हाँ, खान साहब को जब पड़े थे जमीयत से जूते खान साहब हमारे हीरो थे, खान साहब हमारे जो है स्पोक्स पर्सन थे। हम खान साहब को भी सपोर्ट करते थे, पीपीपी को भी, पीएमएलएन को भी करते थे। मसला तो हमारा खान साहब से नहीं है, मैं तो उनको जो है बचपन में उनके लिए जो है वो पैसे इकट्ठे करता रहा हूँ, शौकत खानम के लिए भी और उनके और चैरिटेबल कॉजेज के लिए। आई लुक अप टू द मैन फॉर वेरियस रीजंस, ही हैज मेनी क्वालिटीज। मसला तो यार ये शुरू हुआ ना 2013-14 में, जब आपने सारे जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस थे उनके साथ आपने जो है गठजोड़ कर ली। मसला तो ये शुरू हुआ है, मसला तो तब शुरू हुआ है कि जब आपने जो है, अब तो सारा कुछ लिखा जा चुका है इसके ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के आपने जो है तमाम अपने जो आपके सच्चे और सुच्चे और अच्छे अच्छे लोग थे सारे, आपने उनको सबको साइडलाइन कर दिया। सो अम्मार ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि यार बात यह है कि, और आपने भी बिल्कुल ठीक बात की, आई टोटली एग्री विद इट, कि पीएमएलएन और पीपीपी जो हैं इस वक्त, इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, कोई वो बहुत ज़्यादा कोई जो है वो कोई उनकी बड़ी कोई कमिटमेंट है इस चीज़ के साथ, उनकी अपने तबकाती इसमें इंटरेस्ट्स हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। हमारा मकसद तो ये है ना कि यार डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यार जो जिन लोगों को मैं इलेक्ट कर रहा हूँ उनके पास ये ताकत तो हो कि वो कुछ कर सकें, राइट? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल शुड बी सॉवरन। अगर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साहब को मैंने वोट डाल के भेजा है और आगे जो है वो हर 2 मिनट बाद कर्नल साहब को फोन करके पूछ रहा है कि सर जी या करिए कि ना करिए, तो ये सॉवरेनिटी नहीं है, राइट? ये सॉवरेनिटी नहीं है। मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही अगर सॉवरन नहीं है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर वो जो है वो कॉन्स्टेंटली खौफ में जिंदगी गुजार रहा है कि पता नहीं आज हम इधर हैं तो कल जेल में चले जाएंगे, तो वो कैसे पॉलिसियाँ बनाए मेरे लिए, राइट? तो वो जो है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है कि यार फौजी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं कई जो फौज में। हमारा फौज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फौज जो है, एतजाज अहसन ने कहा है ना, फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पास रहेगी। उनका काम सिक्योरिटी है और वो काम बखूबी करें, अच्छा करें, खूबसूरत तरीके से करें, जो है मुल्क को सिक्योर करें, जहाँ उनकी ज़रूरत हो वो डेवलपमेंट में भी अपना हिस्सा डालें। लेकिन एक डोमेन होनी चाहिए हर किसी की ना। अब मैं कहूँ कि जी यार जब हॉकी प्लेयर है जो है उसको मैं रेलवे का मिनिस्टर बना दूं, बेहतर होगा, तो शेख साहब से बेहतर होगा वो शेख रशीद से शायद वो बेहतर ही हो। पर अगर हम ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर इमरान खान सही है। अगर इमरान खान ने अपने जहन में रिकग्नाइज किया कि जी मेरे लिहाज से सही गलत छोड़ दें, उसके लिहाज से प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन करप्शन है कि जी करप्शन की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है और ये 2-3 पार्टियां जो सबसे ज्यादा करप्ट है, तो फिर तो ठीक है। मेरी अगर ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है तो मुझे शेख रशीद भी पार्टी में लेना पड़े, इलेक्टेबल्स भी लेना पड़े, तो फिर इसमें मसला क्या है? मसला इसमें पहले स्टेप में है कि नंबर 1 आपने ये गलत आइडेंटिफाई किया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, किसी भी गरीब मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है। देखो ना यार, सोचने की बात है कि करप्शन क्या है। करप्शन एक हिस्सा है जो हम टोटल इनकम पर, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और मैं आपकी जेब में से 2 जो है वो निकाल लूं, हैं, तो ये एक लीकेज है। आपने 100 रुपए आपके थे, मैंने उसमें से 2 रुपए जो है वो अपने जेब में डाल लिए जब आप उधर देख रहे थे, हैं। लेकिन अब 2-3 बात है सोचने की। एक तो इसमें मॉरल प्रॉब्लम है ना कि जी अच्छा यार ये मॉरली बड़ी गलत बात है ना कि भी इसमें करप्शन है। लेकिन अगर आप इस तरह से 1 मिनट के लिए मैशत के हवाले से मैक्रो लेवल के परस्पेक्टिव से सोचें तो वो 2 रुपए जो मैंने आपकी जेब से निकाले थे, अगर वो मैं जाके जो है वो पाकिस्तान में ही जो है वो किसी और चीज़ उसमें खरीदारी शुरू कर देता हूँ, तो वो 2 रुपए जो थे वो एंड में किराने स्टोर वाले के पास आ गए, मैंने उससे चिप्स ले लिए जाके, तो वो 2 रुपए तो उधर ही रहे ना, मैशत के अंदर ही रहे। मैशत के परस्पेक्टिव से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी इनकम जो थी 100 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए करनी है ताकि वो 2 रुपए आपको इतने चुभे ना। आपको 2 रुपए इसलिए चुभते हैं क्योंकि वो 2 जो है वो 100 में से 2% है। अगर 10,000 हमारी इनकम होगी उसमें से 2 जो है वो हमें नहीं चुभेगा, सिंपल सी बात है ना, 2 नहीं चुभेगा। पूरी दुनिया में यार ये मामला होता है। जो खान साहब जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना कि भाई वो पॉलिसी मेकर पॉलिटिशियन जो है वो मिल गया किसी और के साथ, उन्होंने प्रोजेक्ट बांट दिए वगैरह वगैरह, ये पूरी दुनिया में होता है। आप अमेरिका की न्यूज़ पढ़ लें, इंग्लैंड की पढ़ लें, फ्रांस की पढ़ लें, रूस की पढ़ लें, किसी भी चाइना की पढ़ लें। चाइना की मिसाल इतने लोग खान साहब भी देते हैं, राइट के भी देते हैं, लेफ्ट के भी देते हैं। करप्शन से भरी पड़ी हैं ये सारे मसाइल। ये ह्यूमन सोसाइटीज़ का प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता रहेगा, पास्ट में भी करता था। तो मेन प्रॉब्लम तो आपने आइडेंटिफाई ही गलत किया है। मेन हमारा जो सेंट्रल कंसर्न होना चाहिए वो ये है कि यार हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है, हमने अपनी जीडीपी कैसे बढ़ानी है, हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स कैसे लेके आनी है, हमने अपने लोगों के लिए जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है। मिसाल के तौर पे अब मैं सारे बिजनेसमैन पकड़ के जो है वो अंदर कर दूँ, मैं सारी ब्यूरोक्रेसी पकड़ के अंदर कर दूँ, करप्शन तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन साथ पूरी मीशत का भी पट्ठा बैठ जाएगा। तो आपने बैलेंस करना है इन दो चीज़ों को। खान साहब ने प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई किया। अब ये मॉरली क्योंकि हमें अच्छा साउंड करता है कि करप्शन खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सिर्फ ये एक कमी है। नहीं यार, पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ नहीं दिया, किसी भी मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, 200 साल की इसके पीछे गुलामी की तारीख है हमारी। हमारी जो है रिसोर्सेज जो हैं वो उस लेवल की नहीं है जिस तरह के ये और मुल्कों की होती हैं। हमें जो है अपनी रिसोर्सेज और अपनी तारीख को समझते हुए डेवलपमेंट का पाथ बनाना है ना, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अच्छा यार, चाइना को छोड़ दो, साउथ कोरिया को देख लो यार। 1960s में पाकिस्तान और साउथ कोरिया तकरीबन रफली एक ही लेवल पे थे, आज वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन गई। कैसे? ये सारी कंपनियां, सैमसंग, डेवू, ह्यूंडई वगैरह वगैरह, ये सारी कंपनियां जो हैं रियासत ने बड़े इंसेंटिव्स दे दे के बनाई ना। आपको पता कोरियन वॉर के बाद वो जो है उन्होंने एक तरह का कॉम्प्रोमाइज किया। उनको भी पता था ये सारे वॉर क्रिमिनल्स थे, ये जो सारे सरमायादार थे साउथ कोरिया के। उन्होंने उन वॉर क्रिमिनल्स के साथ भी उन्होंने बैठ के कहा कि नहीं यार, प्राइमरी जो कॉन्ट्रडिक्शन या प्राइमरी गोल जो है वो है कि यार ग्रोथ अचीव की जाए, कि ग्रोथ अचीव की जाए। उसके बाद ये छोटे छोटे, हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे ज़्यादा, फिर हम ये छोटे छोटे मसाइल की तरफ भी देखना शुरू कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आप कॉन्स्टेंटली एक ही राग लापते जा रहे हैं और उसके बाद आप, उसके अलावा आपके पास कोई थ्योरी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है कि यार अच्छा मीशत को कैसे चढ़ाना है, करप्शन 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 आप लगे हुए हैं और एक मॉरल प्रॉब्लम आपने बनाया हुआ है। तो उसका यही नतीजा होगा कि 2018 से लेके अब तक ना कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो कोई फाइल ही नहीं मूव करना चाह रहा। आपको पता ही है, आए दिन जो है ब्यूरोक्रेसी ने क्रैश कर दिया सिस्टम पूरा ना, कोई फाइल ही अग्नि ठपकी जो है वो यार जान जाती है। सब नर्वस हैं इस बात के बारे में कि यार मैंने इस चीज़ पे साइन कर दिया तो वो आगे खान साहब ने फाड़ लेना, नैब ने फाड़ लेना। तो ये इशू है इसमें। सो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने गलत आइडेंटिफाई की है और एक इंटायर जनरेशन जो पीटीआई की जो है, अच्छे वेल मीनिंग काइंड हार्टेड बच्चे हैं ये, लेकिन ये जेन्युइनली चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन इनको जो है डीपोलिटिसाइज इतना ज़्यादा किया हुआ है कि इनको एक लेजी किस्म की विलन और हीरो की थ्योरी है ये। जबकि रियल वर्ल्ड में, रियल पॉलिटिक्स में हीरो और विलन नहीं होते। हर काले के अंदर वाइट है, हर वाइट के अंदर काला है, राइट। कोई इसमें कम्प्लेक्सिटी लाए ना थोड़ी सी। तो इन्होंने एक हीरो और विलन, गुड एंड बैड की स्टोरी है ये, जिसमें एक अलोन लीडर है जिसने जो है वो सारा कुछ करना है। वो खान बेचारा क्या करे, देखो 1992 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ है जी। ये सारी स्टोरियाँ जो है ये इन्होंने खुद भी कल्टिवेट वो करते हैं, एक पर्सनैलिटी कल्ट है ना, जिसके अंदर ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री कला जेड़ी लगे होया जी बाकी सारे उसके खिलाफ ने। ये इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। और अब आप नोटिस करो, जब भी हम अमार ने बेचारे ने गिलानी साहब को कंग्रेचुलेट किया कि भाई बड़ा जबरदस्त ये काम हुआ, तो लोग आपको कहेंगे कि जी वो देखो जी ये तो जो है जी नवाज शरीफ का सपोर्टर हो गया, ये तो जरदारी का सपोर्टर हो गया, है जी अल्लाह हो गया है जी। हालांकि हमारी तो यार कोई इंडिविजुअल्स के लिए तो सपोर्ट नहीं है, हमारी एक निज़ाम के साथ कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है। जो भी पार्टी, मैं आपको आज लिख के, आज की तारीख में देता हूँ, लिख के बोल के दे रहा हूँ कि अगर कल पीटीआई जो है, ये पीएमएलएन पीपीपी पावर में आते हैं और पीटीआई जो है वो जमहूरियत का केस लड़ती है, मैं पीटीआई के साथ होऊंगा। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ। और अम्मार अली जान भी होगा, हाँ, ये सारे होंगे। उसने कहा कि कल को अगर हम खान साहब की पोजीशन सपोर्ट करते हैं तो दैट डजंट मीन वी हैव जॉइंड पीटीआई ब्रैकेट्स तौबा। उसने तौबा भी कर दी, इसका मतलब वो नहीं होगा। एंड एज आई एम आल्सो ग्रोइंग ओल्डर, अभी तौबा सईद ने बहुत एक अच्छा टर्म, आई डोंट नो उन्होंने कॉइन किया है या यूज किया है, उन्होंने बोला ये जो कौमे यूथ है ना, इसका कौमे यूथ ने जो चीजें बिगाड़ी हुई है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा टर्मिनोलॉजी। बट जो सड़क पे बंदा कहता है अक्सर, हम उसको वो जो एक कनोली हमारे अंदर का है कि ये तो अंदरून सिंध से आ गए हैं, ये तो पटवारी हैं, उनको हम जाहिल कीमे वाले नान वाला समझते हैं, बट उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्योरी इज मच बेटर देन अस एज मच एज इट इज मॉक्ड, द लॉजिक के खाता है तो लगाता भी है। आई स्टार्टेड टू एग्री विद दैट कि जिस तरह आपने भी कहा लॉबिंग हर जगह होती है, करप्शन हर जगह होती है, इट्स what else is happening, right? And PTI will unfortunately die with Imran Khan because for good or for bad, at least PPP stands for something. भले वो call or fail में ताज़ाद हो, but कुछ एक ethos तो है ना कि जी रोटी कपड़ा मकान, civil rights, social rights, PMLN infrastructure, कुछ एक philosophy तो है ना, वो सच हो झूठ हो। PTI is like we are not PPP and PMLN. That is their complete ethos. That's it. There is nothing beyond that. कुछ पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो ये करप्शन का नारा खान साहब पढ़ रहे हैं और वो जिस तरह स्कूबी डू में होता है कि एंड में मास्क उतरता है तो पता चलता है पीछे कौन था, तो ये भी जो सोचा जा रहा है कि खान साहब का भी मास्क उतरेगा और उनकी अगर कैबिनेट देखी जाए तो पीछे मुशर्रफ ही हैं। सो आपने शुरू में भी कहा कि जी डेमोक्रेसी तो हो, उनके पास पावर तो हो, लेकिन अब ये मैं बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज भी रेफरेंडम कराया जाए और कहा जाए कि जी नवाज शरीफ इज क्वाइट पॉपुलर बट चलिए जरदारी अगर आए या राहिल शरीफ वापस आ जाए, बाजवा की शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जितनी राहिल साहब की थी, वो वोट राहिल को जाएगा कि जी ये तो करप्ट है। सो दिस नैरेटिव ऑफ करप्शन ये भी तो आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया ना, जिस तरह पॉवर्टी के बारे में भी हम कहते हैं कि पॉवर्टी नहीं एम्पावरिश्ड, क्योंकि किसी ने एम्पावरिश किया है, वो पैदा ही गरीब नहीं होते। So this narrative of corruption, this has been cultivated over 30 years. This notion that all politicians are bad, all politicians are corrupt. हद तक के 17-18 साल के, and I agree with you, ये well-meaning है। अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए किस हद तक जाते हैं कि वो अगर बेनज़ीर के लिए गालियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि जी वो औरत प्राइम मिनिस्टर हुआ, nothing to celebrate because of this, without political realities of when Benazir came into power. तो ये जो करप्शन का नैरेटिव है, क्या आपको लगता है ये डिलिबरेटली इस्तेमाल किया गया है? एंड एट दिस पॉइंट इट्स लाइक दे हैव बीन पेंट, जिस तरह फेक न्यूज़ है, अब फर्क नहीं पड़ता कि उस साइड से आ क्या रहा है, बिकॉज दिस नोशन और दिस नैरेटिव ऑफ करप्शन एग्जिस्ट्स एंड इट एग्जिस्ट्स टू एम्पावर सर्टेन पीपल। बिल्कुल यार, और ये आप तो पाकिस्तान की तारीख में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इससे भी पीछे जाएं। ये बेसिकली अंग्रेजों ने एक तरीकेकार बनाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है सिलेक्टेड लोगों को लाना होता था अपनी मर्जी के, कि जड़ा साढ़े नाल है वो ठीक है, जड़ा साढ़े खिलाफ है वो नहीं, बाबू है ना। तो ये उन 1857 की जंग के बाद से ये निज़ाम चल रहा है, डिफाइन एंड रूल, कि जी बेसिकली आप ना जब आपने पर्ज करना है पॉलिटिकल सिस्टम को, तो उसके अंदर सबसे आसान तरीका जो है ये है कि आप कह दें कि जी ये लोग तो जनाब करप्ट हैं, ये तो जनाब जो हैं ये डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, ये जो हैं, आपने विलन क्रिएट करने हैं, आपने विलन क्रिएट किए, तो उसके बाद जो है आपने करप्शन 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 के राग लापे, उसके थ्रू फिर आप बहुत आसानी से जो है कुछ सोसाइटी के लोगों को जेल में डाल दें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों के, यहाँ पे तो फांसियां पे चढ़ा दिया यार हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के। सोचो ना यार, ये कोई तुक्का है, ये कोई कोइंसिडेंस है कि हमारा पहला जो इलेक्टेड वजीर आजम था वो फाय चाढ़ गया, उसकी बेटी जो है वो असैसिनेट हो गई, जो 2-3 दफा हाँ बेटे भी असैसिनेट हो गए। बेटी का इसलिए कहा कि वो भी प्राइम मिनिस्टर थी, एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनाब पहले जेल में गया, फिर जनाब अब वो यूके बैठा हुआ है, पहले सऊदी बैठा हुआ था। तो ये कोई कोइंसिडेंस है यार? हमारे सारे ही जो है वजीर आजम इस तरह के होते हैं, हम बहुत ही पैड़े लोग हैं इसका मतलब है, हम तो बहुत ही यार बुरे लोग हैं इसका मतलब है। इंडिया में क्यों? वो भी हमारी तरह के ही है, हमारी जबान बोलते हैं, उनका साथ कभी क्यों ऐसा नहीं हुआ? गिलानी के भी बेटा किडनैप हो गया था, काफी टाइम कोई कुछ बोल रहा नहीं था इस बारे में, लेकिन आप सोचो जरा ना कि वो जनाब वो 2008 में जमहूरियत रिस्टोर हुई है, तो पहला वजीर आजम आया वही यार, मतलब जो चीफ जस्टिस जिनके लिए हमने इतनी जदोजहद की थी, गाने गुने भी गाए थे, सारा कुछ किया था, वो जनाब वो पहले वजीर आजम को खा गया, दूसरा उसके मुंह से लटकता रहा एंड तक, है ना। तो ये जो है हमारी किस्मत में यही रह गया यार कि जो है बस हमारे वजीर आजम जो है वो आए और फड़क जाएं। अब ये रह गए इमरान खान साहब, वो भी आपके सामने ही हैं कि पता नहीं कहाँ तक लग रहा है कि कंप्लीट करेंगे टर्म या नहीं करेंगे। तो वही जो आपने पहले बात की ना यार कि ये जो, मैं तो उनको कौमी यूथ नहीं कहूंगा, मेरे बड़े सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई लव दिस टर्म, I have just read it. I don't know if it's been existing for a while, but मुझे बहुत funny लगा। ये पुरानी है, लेकिन मेरे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है और वो बड़े वेल मीनिंग और काइंड हार्टेड बच्चे हैं। लेकिन यार वहाँ पे जो है ना एक मसला है इल्यूजन ऑफ नॉलेज का, इल्यूजन ऑफ नॉलेज कि भाई, और ये डायस्पोरा में आपको बहुत मिलेगा, पाकिस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं ना, इल्यूजन ऑफ नॉलेज कि जी हम तो जनाब जो है वो डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, साइंसदान बन गए हैं जो भी, या कॉरपोरेशंस में काम कर रहे हैं, तो हम पढ़े लिखे हैं समाज के। और ये जो दूसरे हैं समाज के अंदर, ये जो तुम काला लोग हमेशा हमारे पाँव की जूती रहेगा, ये वाला उनके साथ उनका रवैया है कि जी इनको क्या पता, ये तो पाकिस्तान में तो लोग जाहिल हैं, इलिटरेट हैं, इनको क्या पता कि इनके इंटरेस्ट में क्या है। यार वो बड़े सियाने लोग हैं, जिस तरह आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यार वो जो लोगों ने एक बात बनाई हुई है कि जी खाता है तो लगाता भी है, वो क्या बात है, वो यही बात है ना कि यार जब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है, पीएमएलएन के केस में है ना, उनका एक एजेंडा है, तो उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, उससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उससे सड़कें बनती हैं, लोगों का ट्रैवल टाइम कम होता है, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा ताल्लुक पिंडी से है, मैं आपको बता नहीं सकता यार कि पिंडी में लोग कितने खुश होते हैं उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेट्रो जो चल रही है, कितने यार लाख 1.5 लाख बंदा जो है रोज का इस्तेमाल करता है, एसी में बैठ के आराम से सुकून से जाता है, अपने काम पे वापस आता है। तो लोग बड़े सियाने हैं, लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को समझते हैं, चाहे इंसान जो हो बिल्कुल जाहिल भी हो ना जितना मर्जी, उसकी इसके लिए कोई बहुत ज्यादा थ्योरियां पड़ी भी होनी जरूरी नहीं है। मैं अपना इंटरेस्ट जानता हूँ, मैं एक मैंने किताब या एक लफ्ज भी मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मुझे ये पता है कि यार मुझे जब ज्यादा पैसे मिलेंगे, जब जॉब्स आएंगी, जब मुझे नौकरी मिलेगी, जब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, जब सड़क बनेगी, तो उससे मेरा ही फायदा होगा एंड में, राइट। तो इंसान जो है वो इसी बुनियाद पे जो, इसलिए यार देखो ना पीएमएलएन और पीपीपी कोई वजह है जिसकी वजह से इतने पॉपुलर है, ये कोई कोइंसिडेंस या कोई तुक्का नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। मैं एज ए लेफ्टिस्ट उनका क्रिटिसिज्म भी करता हूँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं हम, पीपीपी का भी किया, पीएमएलएन का भी किया, हमेशा करेंगे और आइंदा भी करता रहूंगा। लेकिन जहाँ किसी ने कोई अच्छी चीज की है तो यार किसी को दो, कोई अच्छी बातें भी कर दो कि यार शाबाश यार, वेरी गुड, आपने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दी, छा गए हैं, वेरी नाइस, राइट। पीपीपी ने जो है खवातीन के हकूक के लिए बिल लेके आए, बहुत अच्छी बात है यार, कमाल बात है। स्टूडेंट यूनियंस की बहाली की, चलो बात ही की, 18th अमेंडमेंट किया, कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन पे एग्री किया। और यार ये पार्टियां मैच्योर हुई हैं ओवर टाइम, आई एग्री, है ना, ये मैच्योर हुई हैं, इसमें वो इमेच्योर बातें जो 90s में होती थी, गाली गलोच और वो घटिया किस्म की बातें लो लेवल की, वो सब खत्म हुई हैं। आप नोटिस करें थोड़ी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि यार ठीक है यार, पॉलिसी पर डिसएग्री करेंगे, लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, इलेक्शन भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एक फ्रेमवर्क के अंदर होगा काम। ये नहीं हो सकता कि पीएमएलएन जो है वो पीपीपी इलेक्ट हो गई है तो वो जाके जनाब तीसरी कुव्वत के साथ मिलके जो है वो कहेंगे जी इन्हों तो हटाओ ना पहले, ये नहीं होगा। अगर ये होता रहा तो सबका नुकसान है। और मैच्योर जो पार्टीज हैं उन्होंने ये रियलाइज किया है। मेरी होप है, मेरी ख्वाहिश है कि यार पीटीआई भी एक ऐसी एक फोर्स के तौर पे मर्ज करे जो इस प्रिंसिपल को माने कि हाँ यार ठीक है, चाहे आपका करप्शन का ही राग है, आप वही लगे रहें, लेकिन आप उसको आर्टिक्यूलेट जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के विदिन करें। ये ना हो कि आप दूसरे इदारों के साथ मिलके जो है जनाब सबवर्ट कर दें पूरे के पूरे इलेक्शन को, ये ना हो। बाकी आप आए, पावर कंटेस्ट करें, पॉलिसी पे यार जबरदस्त बातें होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। ये सारी डिस्कशंस पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया के अंदर बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ होनी चाहिए, उससे चीजें इंप्रूव करेंगी। उसके लिए लेकिन डेमोक्रेसी प्रीरेक्विजिट है। आई मीन मेजॉरिटी, आप जिस, इट्स आल्सो अगेन नैरेटिव्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और किस वजह से फॉर्म होते हैं, राइट। अगर आप जनरली, शायद ट्विटर तो इज नॉट अ गुड बैरोमीटर फॉर पब्लिक ओपिनियन, बट चलें जनरली अगर पोल करवा लें, पीपल वुड से यार बिलावल तो इज अ जोक, पर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बयान की बात कर रहे हैं, अभी कॉल ऑफ फेल की बात नहीं कर रहे, पीपीपी के अपने उनके मसले हैं जिसमें वो नहीं पढ़ते। ही इज क्वाइट मैच्योर विद हिज ओपिनियंस, ही इज क्वाइट मैच्योर विद हिज पोजीशंस। अगर सिर्फ मैं पोजीशंस की बात करूं, आई वुड एग्री विद 95% ऑफ व्हाट बिलावल सेज, लेकिन नैरेटिव क्या होगा, बिलावल तो इज अ जोक, मतलब शेख रसीद उसके बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं। इवन अगर आपने ऑफिस में किसी को सेलेक्ट कर रहे होते, खान साहब कम टू द एक्सटेंट के जी साहिबा बोल रहे हैं उनके मिनिस्टर्स जाकर, how can you support यार literally Sheikh Rashid threatening sexual assault वाली बातें करते हैं, and we think those are the best jokes that are happening in this country, we think that those are hilarious। हमारे जो feminist जो friends हैं वो बिल्कुल ठीक इस बारे में बात करती हैं ना कि भाई, या करते हैं, मर्द भी हैं उसमें, कि भाई ये जो toxic masculinity का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं भाई यार मतलब क्योंकि बिलावल जो है वो डिफरेंट ज़ाहिर है माशरे में पला बड़ा है, दुबई में, इंग्लैंड में वगैरह वगैरह, तो वो ज़रा डिफरेंट तरीके से उर्दू बोलता है। पहली बात तो ये है कि यार वो सिंधी बैकग्राउंड का, यही बड़ी बड़ी बात है कि वो जो है उर्दू में आपसे बात कर रहा है। मैं पंजाबी हूँ, पिंडी में पला बड़ा हूँ, मेरा एक्सेंट से ज़ाहिर है आपको एक मिनट में पता चल जाएगा कि ये पंजाबी है, लोडेड एक्सेंट है। तो भाई ठीक है यार, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। ये क्या जी आपका एक आपने माइंड में बनाया हुआ है कि जी हमारा जो लीडर है उसको जो है वो खास तरीके का जो है उर्दू बोलनी चाहिए, खास उसकी शक्ल होनी चाहिए, खान साहब की तरह यूं, संजय दत्त की तरह चलना जरूरी है? एंड इंटरेस्टिंगली बिलावल्स उर्दू इज प्रोबब्ली 100 टाइम्स बेटर देन कायदे आजम उर्दू। एग्जैक्टली, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने कह दिया तो बिल्कुल ठीक बात है कि तो ये आपने क्या क्राइटेरिया बनाया भाई यार? आपने उसको जो है वो आपने रिश्ता देना है उसको, आपने जो है उससे पॉलिसी करवानी है ना। आप ये चाहते हैं कि जी वो यार हमारे लिए जॉबें क्रिएट करता है या नहीं करता, इन्फ्लेशन कम करता है या नहीं करता, खवातीन के हकूक प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता, हिंदू माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं क्या वो सेफ फील करेंगी उसकी लीडरशिप में या नहीं। आपने यार उसको जो है आपने उसकी मैस्कुलिनिटी का क्या करना है। और फिर ये जो शेख रशीद साहब, बदकिस्मती है कि वो भी पिंडी के हैं और पिंडी में आप सड़क पे जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि लोग उनकी कितनी कोई इज्जत करते हैं, जुती तो नहीं लगता कोई उन्होंने, लेकिन जो है वो ये घटिया बातें कर रहा है। बेनजीर के बारे में भी की थी, आई रिमेम्बर करेक्टली, आई थिंक उन्होंने कहा था कि बेनजीर कहती है मेरा एक पाँव पंजाब में, एक पाँव सिंध में, नहीं एक पाँव केपीके में, एक पाँव सिंध में, तो फिर पंजाब की तो मौजा ही मौजा। मतलब ये वो लोग जो हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करें, आपकी हक है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहें। अभी रोहेल हयात ने इमरान खान के फेवर में एक ट्वीट किया था, मैंने मजाक में कह दिया कि नो सरप्राइज दैट द प्रोड्यूसर ऑफ कोक स्टूडियो सपोर्ट्स इमरान खान, मैं मजाक में कह रहा था, बट मुझे कोई इशू नहीं, रोहेल हयात जिसको सपोर्ट करना चाहे। जी हाँ हाँ बिल्कुल 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 पढ़े, माशाल्लाह काफी पढ़े, बट आई हैव नो इश्यूज, बट एटलीस्ट recognize these things, right? कि अगर सारी फीमेल जर्नलिस्ट लेटर लिखती हैं कि ये हमें जो सेक्सिस्ट अब्यूज आ रहा है वो पीटीआई से आ रहा है, ये इनकी पॉलिसी नहीं, इनका सेंट्रल टेनेंट है। पीटीआई के जो डिजिटल के हैं, मैं नाम भूल गया उनका, अजहर मशवानी, जिनके बारे में एक उनके कारकुन ने वीडियो बनाई कि ये मुझे कहते थे अंबर शमसी को गालियां दो। सो recognize these things, right? कि अगर भले शायद वाकई में सपोर्ट करते हो, मियां मिट्ठू को टिकट दी हुई थी पीपीपी ने जिसमें फोर्स कन्वर्शन, बट एटलीस्ट बात तो सही करते हैं, एटलीस्ट कहते तो हैं, एटलीस्ट रिकग्नाइज तो करते हैं कि यू नो प्रोग्रेसिंग वुमेन इज अ सेंट्रल टेनेंट और इज इंपॉर्टेंट टू अस। पीटीआई तो बोलता भी नहीं है। आपने देखा होगा वो आसमा शराजी इतनी वेल रिस्पेक्टेड और इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट। हर ज़बान पे उनकी जो है महारत है, आर्ग्यूमेंट्स पे, डिस्कशन में, और इतनी डिसेंट अंदाज में यार वो पूरा उनका पर्सोना इतना डिसेंट है, उनको वो गालियां दे रहे हैं। मतलब यार कोई शर्म करो यार। बात ये ना कि ये जो कल्चर ऑफ डिसेंसी ख़त्म हुआ है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार, ये इसमें शर्म आनी चाहिए लोगों को। मतलब कि जो बेसिकली अब सारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो सारे के सारे अब शेख रशीद के फॉलोअर बन गए हैं कि जो शेख रशीद जिस तरह से कभी बेनज़ीर को पीली टैक्सी, कभी कुछ और, कभी कोई और नाम देना, कभी कोई और जुगत कर देना, ये कोई जुगतबाजी का मुकाबला है या ये कोई हम हम सारे जो हैं वो कोई भांड हैं यार? मतलब कि हमारा काम बस यही है कि जी जो है बस मजाक उड़ाते रहें एक दूसरे को और रिडिक्यूल करते रहें। तमीज़ के तब फिर ख़वातीन हों तो वो हमारे माशरे में वैसे ही जो है वो तो हमारा कौमी मशगला है कि भाई ख़वातीन को ज़लील किया जाए। आई मीन तो नहीं ना हम यार वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर, आखिरी दो में आते हैं हम। सेरा लियोन की तजलील की है, मैंने बड़ा ऑफेंस लिया इस बात पर, आपने हमें शेख रशीद से कंपेयर करके भांडों की तजलील की है। मैं अपने आप को भी उसमें डालता हूं यार, मैं खुद एज अ रिप्रेजेंटेटिव आई थिंक इट्स क्वाइट शेमफुल दैट यू कंपेयर्ड अस टू शेख रशीद। बट ये टॉप डाउन है, ये वो जिसको डॉग विसल कहते हैं कि जी ट्रम्प आता है और कहता है इन्वेस्टिगेट करो, मुझे नहीं पता कुछ है, तो वो अपने सपोर्टर्स को स्टैंड बैक स्टैंड डाउन कहता है, वो उनको कह रहा है कि लड़ो मारो इनको। तो उसी तरह अगर इमरान खान स्टेज पे जाके नानी कहते हैं या बिलावल को साहिबा कहते हैं, वो अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि फिर हैशटैग करो राइवंड की, जो होता है जो भी लफ्ज ट्रेंड होते हैं, ये टॉप डाउन आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जी खान साहब को सपोर्टर्स अच्छे नहीं मिले, कौम अच्छी नहीं मिली, नहीं, This is their strategy. There's a method to the madness. Yeah, yes. Yeah, absolutely. कि आप जो है patriarchy और patriarchal जो सारे हमारे जो values हैं उनको in a sense use कर रहे हो ना कि भी ख़वातीन लीड यार तो वैसे ही कोई ख़वातीन की लीडर आपके पैदा नहीं हो रही, तो अगर वो आ गई हैं दो गलती से और बेचारी लड़ भी रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं और कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं, किसी भी तरीके से कर रही हैं, तो आप उनको आपके उनके खिलाफ ये क्रिटिसिज्म है किसी मर्द के ऊपर आप कभी क्यों नहीं ये क्रिटिसिज्म करते जी? शाहिद खाकान अब्बासी भी तो बहुत बोलता है, उसके ऊपर क्यों नहीं आप कहते कि जी पिंडी का ये और फलाने का ये और वो, उसको आप नहीं कहते, आपकी क्यों नहीं हिम्मत पड़ती? आपकी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो है वो जो है मर्द है और ख़वातीन के ऊपर सिर्फ ये पीटीआई वाले नहीं, ज़ाहिर है पीएमएलएन वाले भी आगे से रिस्पांस में वो आबिद शेर अली इज अ डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग, राना सलाउल्लाह अगेन वन ऑफ दोस, तलाल चौधरी। तो ये सारे जो आप सोचो ना मिसोजिनी को यूज करना ख़वातीन के खिलाफ, और बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यार ये पूरी एक स्ट्रेटजी है कि भी क्योंकि वहाँ पे जो है स्पेशली ट्विटर और ये सोशल मीडिया के थ्रू एक एनोनिमिटी आ जाती है ना, एक डिस्टेंस आ जाता है। आप और मैं अभी फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो एक हमारा एक वो है आपस में कि यार किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी, मैं उधर मुँह करूँगा तो वो कोई और बंदा जो है कुछ और कहना शुरू हो जाएगा, है जी। तो वो रिडिक्यूल करना जो है ये एक, और वो ट्विटर पे अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल एक जंग होती है कि बस आपने जो है अपनी साइड की लाइन लेनी है, चाहे जो है उसमें जो है कोई किसी की माँ बहन की इज्जत, किसी इंसान की इज्जत, उसका वकार, सब कुछ मजरूह कर दो, पकड़ के उसको जलील कर दो। भाई यार सूदमंद एक कोई अच्छी खूबसूरत डिस्कशन भी सिविल हो सकती है यार। यार हम सारे जो है कुछ अचीव करना चाह रहे हैं कॉमन, ठीक है डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट आर ग्रेट बिकॉज आप एक इंसान से बात कर रहे होते हैं। एंड मैं अक्सर ये वोक कल्चर या कैंसिल कल्चर को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आई एग्री विथ यू, जिस तरह आपने भी कहा कि आपके भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं, दे आर मच बेटर इन्फॉर्म्ड देन अस, दे हैव अ लॉट मोर विल देन अस। जिस तरह आपने लॉयर्स मूवमेंट की बात की, शायद उस वक्त भी हमारी जो लड़ने मरने की विल थी अब नहीं एग्जिस्ट करती, उम्र का तकाजा भी होता है उसमें। सो आप स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च देखते हैं, आप औरत मार्च देखते हैं, यू फील के ये शायद कुछ कर लें जो हम ना कर सके। या जिस तरह यूएस में भी आप पार्कलैंड वाले देखते हैं और लाइक वाओ यार, ग्रेटा को देखते हैं, मलाला को देखते हैं, यू हैव होप। द प्रॉब्लम इज कि कुछ तो ये है कि मैस्करेड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, पर वो होते फार राइट स्टेट ट्रोल्स हैं और उन्होंने लैंग्वेज सीखी हुई है। तो टोन पुलिसिंग मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। अगर BLM सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है तो भाई आप उनको सड़कों में मार रहे हैं, अल्फाज पुलिस उनको ना करें जो उनके साथ हो रहा है। बट देयर सर्टेन टर्मिनोलॉजी विच इज़ मिस यूज। जिस तरह अभी किसी ने ट्वीट किया हुआ था, अम्मार अली जान ने रिप्लाई किया था, किसी 20 साल के कोई हैं शायद प्रोग्रेसिव, उन्होंने कुछ अम्मार को क्रिटिसाइज़ किया था, अम्मार ने रिस्पॉन्ड किया, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा वाओ यू आर ग्रेट गेट कीपिंग द लेफ्ट फ्रॉम यंग प्रोग्रेसिव्स, कांट वेट टू सी यू बैक इन जेल। तो क्योंकि उन्होंने अब एक लफ्ज यूज कर लिया, ही इज गेट कीपिंग, अब ये बहुत बुरी चीज कंसिडर की जाती है, गेट कीप कर रहा है। अब ये लफ्ज वोक टर्मिनोलॉजी में काफी यूज किया जाता है। आपने एक दफा किसी को ब्रांड कर दिया गेट कीपर, उसके बाद आप आपको लगता है आप सही कर रहे हैं ये कहकर के तुम जेल चले जाओ, यू आर डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज वो जो आपने जिस तरह एनिमी की बात की थी ना, आपने एक एनिमी बना दिया कि ये हमारे वोक क्राइटेरिया में, ये देखो यहाँ चूक गए, अब मैं इसको जेल भी भेज सकता हूँ, अब मैं इसको गालियाँ भी दे सकता हूँ, एंड आई एम जस्टिफाइड विद दैट। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली यार, बिल्कुल ये जो अल्फाज हैं, मतलब देखो ना वोक कल्चर में ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि भाई आपने किसी भी इंसान के खिलाफ कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद ये है कि जी कुछ बड़े नोड्स हैं ना ट्विटर पे इधर उधर, जो कि ये सारा जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाती है, फिर वो सारे शुरू हो जाते हैं, सारे एक बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर एक बंदे को जिस तरह फड्डों में मारना शुरू कर देते हैं, वो वाला काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपने वो गंदे अल्फाज यूज़ कर दिए, उसको आपने ठोक दिया उस बंदे के ऊपर, और सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये प्रॉब्लमेटिक है और ये इंटरनल क्रिटिसिजम्स करने की ज़रूरत है यार वोक कम्यूनिटी को और लेफ्ट और लिबरल्स को। इसके ऊपर एक इंटरनल क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि यार किस हद तक इसका फायदा किस हद तक है, और कोई मेरे से अगर डिसएग्री करता है तो ये जरूरी है कि यार मैं उसको अब ये विश करना शुरू कर दूं कि यार तू जेल जाएगा ना फिर मजा आएगा, हैं तुझे चांटे पड़ने चाहिए क्योंकि तूने जो है मेरी पोजीशन के खिलाफ ले ली बात। तो यार बस कर दो यार, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, चिल करें, थोड़ा सा आराम से बातचीत करो, ठीक है यार कोई बात नहीं, डिसएग्रीमेंट भी हो जाते हैं। अब अगर हम इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी हमारी भी जो दो पोजीशंस हैं क्वाइट सिमिलर वेयर वी आर, लेकिन अगर ये हम इजहार करें, पीएमएलएन वाले फिर भी समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द लेफ्ट। अगर आप पीपीपी का जिक्र करें तो वो एक इवन फ्रॉम आई डोंट वांट टू से पंजाब सेंट्रिक बट इट इज़ क्वाइट पंजाब सेंट्रिक, के वहाँ से ये क्रिटिसिज्म आता है कि ठीक है आप जो बातें कर रहे हैं हम सारी पोजीशंस पे एग्री करते हैं, लेकिन आप पीएमएलएन के हद तक रहें तो फिर भी ठीक है। पीपीपी का तो नाम भी ले लो, दर लाए खुदा का खौफ करो यार, हाउ कैन यू इवन सपोर्ट देम, व्हिच इज व्हाई अम्मार को भी गिलानी पे ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। ये अगर शायद खाकान अब्बासी होते तो शायद कैंसिल नहीं होते अम्मार उनको कांग्रेचुलेट करने में। डू यू फील देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एथनिसिटी आल्सो, कि जिस तरह हम जेंडर की बात करते हैं, इट्स आल्सो दैट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थोड़ी ऑफ पंजाबी एंड सिंधी? यार बिल्कुल जाहिर है ये वाला एलिमेंट भी है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है यार ये हुआ है कि 1990s ऑनवर्ड्स ना, 1993 इन पर्टिकुलर के बाद पंजाब के अंदर पीपीपी की अगर आप पॉपुलैरिटी देखें तो हर साल कम होती गई है, हर इलेक्शन में कम होती गई है। फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन रफली जो है 2014 के जो 14 कह रहा हूँ 13 के जो इलेक्शंस थे उसमें लाहौर के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे पीपल्स पार्टी 70s में इतना बड़ा गढ़ होता था उसका, वहाँ पर 12 कंस्टिट्यूएंसीज में 24,000 वोट डले पीपीपी को, 2-2 हजार। तो इसमें कुछ तो यार पीपीपी को भी इंटरनल क्रिटिसिज्म करने की जरूरत है भी, क्योंकि आपने अपना जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो आपका पर्सपेक्टिव था, रोटी कपड़ा मकान, गरीब लोगों के साथ जुड़ना, ये वर्किंग क्लास के साथ जुड़ना, पेजेंट्री के साथ जुड़ना, ख्वातीन के हकूक की बात करना, थोड़ा सा उन्होंने भी रिसीड किया 90s और 2000s में इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा वो भी गलती है एक, लेकिन फिर भी मैं उनको प्राइमरी ब्लेम नहीं दूंगा। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हुआ है ठीक ठाक, और पंजाब आपको पता है यार गढ़ है इस्टेब्लिशमेंट का भी और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, हर तरह से जो रूलिंग क्लासेस का वो गढ़ है, तो ठीक ठाक प्रोपेगेंडा हुआ है, ठीक ठाक बीबी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, 10%, 5%, 6%, ये सारी कहानियाँ जो हम बड़े हो रहे थे तो यार हमारे अंदर लिटरली स्कूलों में जो है दोस्तों के सर्कल्स में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं वहाँ पे भी यही हर बंदा जो है वो पीपीपी के खिलाफ बातें करना शुरू हो गया, और ये बड़ी एक वो जो है उस तरह की डिस्कोर्स थी। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि इसमें एथनिसिटी का एलिमेंट है, जाहिर है इसमें, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग यार ये मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ये रीज़न है प्राइमरी। इसमें प्राइमरी रीज़न जो ये करप्शन और उसके साथ जो जोड़ा गया है ना, मतलब इस हद तक यार मैं आपको बताऊं कि जब 8 से 13 जब हुकूमत थी पीपीपी की, तो वो जो स्क्रैच कार्ड नहीं आते हमारे, वो जो फ़ोन में हम डालते हैं है ना, वो हम काटते थे तो वो उसमें से टैक्स कट जाता था 30 रुपये, तो लोगों ने मार्केट में मशहूर कर दी। आपने सुना होगा लोगों ने मशहूर कर दिया कि जी ऐसा 10 रुपए जोड़ा ज़रदारी नू जांदा, 5 रुपए गिलानी नू जांदा। ये थ्योरी मशहूर हो गई। तो फॉल्स आइडियाज बहुत ज्यादा जो है और प्रोपेगेंडा जो है पीपीपी के खिलाफ बहुत ज्यादा किया गया है, दबा के किया गया है। क्यों किया गया? ऑब्वियसली क्योंकि 90s में पीएमएलएन जो है वो पीटीआई थी उस जमाने की, है ना, तो उस जमाने की जो पीटीआई थी उसने बेनिफिट किया, वो जुड़े हुए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने दबा के प्रोपेगेंडा किया उस टग ऑफ वॉर में जो 90 की दिहाई में होती गई, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है। तो दो इसमें मेरे ख्याल में एलिमेंट्स हैं, मैं नहीं समझता कि रेसिज्म का एलिमेंट इसमें जो है इतना डोमिनेंट। रेसिज्म नहीं बट मे बी प्रिविलेज आल्सो, राइट, कि जिस तरह पीएमएलएन जो बातें कर रहा है या नवाज शरीफ जो कर रहा है, द फैक्ट दैट ही इज पंजाबी कंट्रीब्यूट्स टू हिम बीइंग एबल टू से दोस थिंग्स। मतलब शायद थोड़ा एलिमेंट है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकाया गया तो वो सिंधी हैं, वो थोड़े पेरिफरी पे हैं। इट वुड हैव बीन मच हार्डर अगर नवाज शरीफ को फांसी लग जाती, डिस्पाइट ऑल द करप्शन नैरेटिव, डिस्पाइट खान साहब पॉपुलैरिटी, आई थिंक अगर नवाज शरीफ को फिर भी फांसी नहीं लग सकती थी। यार अगलों ने 10 साल के लिए मुल्क से बाहर निकाल दिया, हाईजैकिंग का केस चला दिया, कर तो ये कुछ भी सकते हैं, इनसे कुछ भी little harder, it would have been a little harder reaction ज़्यादा होता है assassinate नवाज शरीफ as compared to assassinating बेनजीर। even in terms of narrative form मुझे नहीं पता actually क्या हुआ, हो सकता है but popular narrative again आप referendum करा लें, लोग क्या बोलेंगे, जरदारी ने मारा है, लेकिन ये भी तो देखो ना, ये थ्योरी भी जो है जरदारी ने मारा है, इसने मारा है, उसने मारा है, ये भी तो कहीं से माशरे में वो की जाती है ना, डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरियों के थ्रू लोगों के कानों में डाली जाती हैं इस तरह की बातें, सो दैट बड़े बड़े यार पढ़े लिखे लोग ये बात बिलीव करते हैं विदाउट एनी एविडेंस, कंस्पिरेसी थ्योरी है। तो पीपीपी के खिलाफ एक बड़ा सस्टेन्ड किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ है, दबा के हुआ और आज भी हो रहा है। और पंजाब के अंदर जाहिर सी बात है कि वो जो मैस्कुलिनिटी और वो सब भी कल्चर में ज्यादा है, तो उसके अंदर अब शेख रशीद की कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि शेख रशीद ये बातें कर रहा है, क्योंकि शेख रशीद की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ये हंसी और ठट्ठे का जो है वो एक वो है मटीरियल कि जी इस पर ठट्ठे मारो कि जी मैं तो चुम्बी ना ला लूँ, है जी, ये इस तरह की बातें जो वो कर रहा है, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उसमें ज्यादा है ना उस सोसाइटी में। दैट आल्सो गोस बैक टू कॉलोनियलिज्म बाय द वे। ये कंस्ट्रक्ट की गई है पंजाब की ये आइडेंटिटी कि जी एलाइड और मार्शल रेसेस हैं और ये बड़े लड़ाके और बड़े उस टाइप के हैं, ये पूरी कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन है, ये कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन है सारी। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप वजाहत कर सकें, बिकॉज ये थोड़े सीमिंगली डिफरिंग आइडियाज हैं कि एक तरफ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये मार्शल रेस है, बट दूसरी तरफ उनकी अपनी आइडेंटिटी को भी क्रश किया गया है कि आज अगर पंजाबी नहीं बोली जाती पंजाब में, जिस तरह मैंने स्कूबी डू का जिक्र किया था, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि दूसरा मास्क भी जब उतरे तो पीछे कॉलोनियलिज्म में अजाब होता है। सो दिस नोशन के बीकन हाउस में आप पंजाबी बोले तो फाउल लैंग्वेज है, ये तो डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म से जाता है। सो ये सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो इसमें थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं मार्शल रेस है, दूसरी तरफ पंजाबी प्राइड इन फीलिंग एनी थिंग, जिस तरह बुल्ले शाह के स्टैचूज लगने चाहिए, स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, शेक्सपियर से बड़े थिंकर हैं वो। दिस डिटैचमेंट फ्रॉम योर ओन हिस्ट्री एज वेल कि कॉलोनियल स्ट्रेटजी की अपनी जबान, अपने हीरोज, इनसे तो दूर लेके जाओ ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों कनेक्टेड हैं यार, दोनों कनेक्टेड वाले। देखो सबसे पहली बात तो ये कि एलाइड और मार्शल रेसेस थी कौन, किस बुनियाद पे ये तय होता था कि जी ये जो है ये वो है और ये वो है। ये 1857 के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि 1857 में आपको पता ही है कि पंजाब 1848 में कॉलोनाइज हुआ है, बंगाल वगैरह तो 1757 में हो चुके थे, तो पंजाब तक आते आते 90 साल लगे हैं। ये 100 साल का पीरियड है तकरीबन, बड़ा लंबा अरसा है, राइट। तो इसमें आप सोचो कितनी इंग्लैंड के अंदर भी तब्दीलियां आई होंगी, कितनी गवर्नमेंट्स तब्दील हुई होंगी, इंडिया में कितनी तब्दीलियां आई होंगी। तो 1857 जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी तारीख में, क्यों? क्योंकि जब वो रिबेलियन हुआ तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इसके ऊपर कहा कि यार अच्छा इस पर सोचना चाहिए कि ये हुआ क्या है, इतनी हमने इनके लिए जो है ये ट्रेनें भी लगाई, ये भी किया वो भी किया, फिर भी ये लोग हमारे खिलाफ लड़ पड़े। तो उन्होंने जो एनालिसिस किया, उन्होंने एक तो ये एनालिसिस किया कि यार हमने इनको बहुत ज़्यादा सिविलाइज करने की कोशिश कर दी, उन्होंने रेसिस्ट एनालिसिस ही किया उस वक्त भी 1857 में कि यार इन कमियों को इतना ज़्यादा सिविलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इनको ज़्यादा सिविलाइज कर दो तो फिर ये खिलाफ हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी यार इस तरह करते हैं कि हम इस सोसाइटी को रीइमेजिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारे एलाइज कौन है, राइट। जो एलाइज है हमारे साथ उनको हमने अब यूज करना है एज फॉडर अगेंस्ट एवरीवन एल्स, राइट। तो पंजाब जो है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 1857 में उसका रिलेशनशिप जो है वो कोई बहुत जबरदस्त नहीं था इंडिया के साथ, उसकी भी रीजन है कि 1848 में वो ये कहते थे कि भाई यार जब रेस्ट ऑफ इंडिया, आपको पता है पंजाब एक अलग रियासत थी बेसिकली रंजीत सिंह के दौर में, काबुल तक उसका जाता था, तो उन्होंने कहा कि जी जब 1848 में हमें जरूरत थी तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने मिलके जो है हमारी हुकूमत गिराई पंजाब में राजा रंजीत सिंह की। तो उन्होंने इन सेंस कहा कि चलो ठीक है फिर हम असी भी रल जाते हैं उन्होंने नाल, हम उनके साथ मिल जाते हैं फिर। तो एक तरह की एलाइड और मार्शल रेसेस की ये पूरी एक स्टोरी जो है ये घड़ी गई, जिसमें जो भी ब्रिटिश के साथ रूलिंग क्लासेस का सेक्शन था उन्होंने कहा कि जी ये हैं एलाइड और मार्शल रेसेस, और जो बाकी जो ईस्ट पे सब लोग हैं, आप कभी गौर करें इंडियन फिल्मों में, अब तो शायद कम हो गया हो, लेकिन 1950s, 60s, 70s में हमेशा जो आपको कभी ईस्ट का, फॉर एग्जांपल आपको अगर मद्रास के कोई कैरेक्टर दिखाएंगे तो वो हमेशा उसको अफेमिनेट दिखाएंगे। आपने नोटिस किया है कि चातुर नारे करे कैसेगा, उसमें उसको अफेमिनेट दिखाएंगे उसको थोड़ा सा, राइट, कि यार ये लेस मैनली है जबकि पंजाब है ना, हाँ एग्जैक्टली आप नोटिस करो उसको एफेमिनेट करना। तो ये कनेक्टेड है आपस में चीजें कि जी जो हमारे साथ है वो मर्दाना है, वो जो है वो सही मार्शल है और वो जो सही लड़ने वाला है। World War I में इन्होंने जो है वो सिख रेजिमेंट्स बनाई और वो सारी इन्होंने यूज की अपनी जंगें लड़ने के लिए। आज भी इंग्लैंड में दोबारा एक सिख रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट आ चुकी है। तो ये दोनों कनेक्टेड है। दूसरी जो चीज आप कह रहे हो ना कि यार पंजाब की जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसका ताल्लुक जो है वो पोस्ट 1947 के रिफॉर्म्स के साथ है, क्योंकि पंजाब जो है वो डोमिनेंट प्रोविंस था और क्योंकि जो है हमने ये फैसला किया 1947 में हमारी कंट्री ने, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई बंगाल और बाकी वेस्ट पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, कि जी हमारी एक कौमी जुबान होनी चाहिए और सबको वही बोलनी चाहिए। तो जो डोमिनेंट रूलिंग क्लास थी उसने कहा कि यार ये तो फिर हमारी जुबान होनी चाहिए। आप नोटिस करो यूपी के लौंडे जो थे एग्जैक्टली वो जॉन ने जो बात की है, बिल्कुल ठीक जॉन ने बात कही है कि भाई, तो वो फिर बेसिकली उसका जो बेड़ा है वो 1947 के बाद वो पंजाब ने उठा लिया। आप पंजाब कभी जाओ ना तो वहाँ पे लोग ऐसी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में जो आपको जो है लखनऊ में नहीं मिलेगी। आपका इस्म शरीफ क्या है, आइए तशरीफ रखिए। पंजाबी बोलना, हमारे घर में पंजाबी बोली जाती थी तो हमारे लिए ये बायसे शर्म होता था कि यार उर्दू नहीं आती यार सही तरह बोलनी, उस तरह की हम अच्छी उर्दू नहीं खालिश बोल सकते। स्कूल जाके कभी दोस्तों में आपस में, मेरा आज भी यही है, अगर मैं ज़्यादा थक जाता हूँ तो मैं पंजाबी पे शिफ्ट कर जाता हूँ क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट वही है, हमारे घर में यही बोली जाती थी। तो लेकिन आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको लोग जो है वो आपके एक्सेंट का मजाक उड़ाएंगे, आपका लफ्ज़ का तलफ़ुज़ जो है वो। आधा टाइम तो हम इस कम्प्लेक्सिटी में गुजार दिया यार स्कूल में कि जी यार कोई गलती से हम वक्त को वक़्त ना कह दें, नज़म को नज़म ना कह दें गलती से। और आज भी आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोग ये जो हैं ये इसके ऊपर वो करते हैं कि जी ये लफ्ज़ यूँ नहीं होता यूँ होता है। मैंने वो जो हमारा पहला एल्बम था उसमें उम्मीद सहर को उम्मीद सहर कह दिया था, उस पर यार वो लोगों ने आज तक मेरी जान नहीं छोड़ी। सहर, मैं तो हूँ भी नहीं पंजाब से। सहर का मतलब है मैजिक, सुबह। सहर का मतलब सुबह है, सहर का मतलब दूसरा है। ये दो अलग लफ्ज हैं। वो ठीक है, बात ठीक है, मैं इसके हक में हूँ। आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी प्रोनाउंसिएशंस भी ठीक करने की और मैं बस पे वर्क भी करता हूँ, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी, पंजाबी में भी, सारी लैंग्वेजेस को उसका हक अदा होना चाहिए, खूबसूरत तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी से गलत निकल भी गया है, कोई अगर पंजाबी बैकग्राउंड का है, वो फर्क तरीके से भी बोल रहा है, तो थोड़ा सा फॉरगिविंग एटीट्यूड रखो। I mean, लोग तो इस तरह बात करते हैं जिस तरह कोई डेड सी स्क्रोल्स में लैंग्वेज लिखी होती है। लैंग्वेज वो होती है जो लोग बोलते हैं। फ्रांस में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो अमेरिकन अंग्रेजी नहीं होती, वो कोशिश भी नहीं करते। अगर वो लफ्ज अपनी तरह बोल रहे हैं वो कोशिश भी नहीं करते उनको सही करने की। सो अगर इफ सर्टेन डायलेक्ट्स में वर्ड्स खराब हो रहे हैं, वी शुड प्रायोरिटाइज द डायलेक्ट नॉट द वर्ड्स। जिस तरह वो जो है खबरनाक वाले वो इस तरह बात करते हैं, जिस तरह मैं सर पकड़ लेता हूँ कि आप जो लफ्ज यूज करते हैं ना खत लेटर्स के लिए, ये गलत है क्योंकि शुरू में जो खत लिखा था वो खतने के लिए था, तो आप सब गलत हैं। अबे भाई, अगर हजारों साल से लोग खत एक चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट दैट्स व्हाट्स द करेक्ट यूसेजेस, टू द एक्सटेंट कि हैरी पॉटर में जो लफ्ज हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डाल दिए। एग्जैक्टली दिस गोइंग बैक। आपने खबरनाक का जिक्र किया, उनका तो खैर इतना ही होलियर देन दाओ एटीट्यूड है। वो आपने वो मॉडल भी अगर आप गौर करो ना तो वो बड़ा कॉलोनियल और क्लासिस्ट किस्म का मॉडल है, जिसमें जनाब वो एक बैठा हुआ है बाबू जो बाकी सबको ये इस तरह होता है लफ्ज, ये उस तरह होता है, तुम्हें क्या पता, तुम जाहिले मुतलक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। वो बेचारे आगे रीजनल लैंग्वेज में बैठे हुए हैं जो सारा मजाक कर रहे हैं, जिनको भांड कहा जा रहा है सारा कुछ। और वो जो है जनाब वो जो है सारों को बैठ के कुर्ता में बैठ के जो है वो कह रहे हैं कि जी लफ्ज इस तरह है, ये उस तरह है। यार ये ओरिजिनलिटी जो मुगल दरबार उन्होंने अपना रखा हुआ है, ये ओरिजिनलिटी के साथ क्या इतना फेटिश है कि भी वो मुगल दरबार में 500 साल पहले जो है इस लफ्ज का, जिस तरह आपने कहा, इसका ये मतलब होता था और हुआ ये होगा कि फरंगे आसफिया में ये हो गया होगा, तीसरे बंदे ने आके ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। और हर चीज में आप उनका वो खबरनाक वालों का, पिछले आपने दो परसों या तरसों देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि जी जो है इमरान खान बेचारा क्या करे, पाकिस्तान में जमहूरियत है, अगर वो डिक्टेटर बन जाता तो कितना जबरदस्त कर देता। ये आपको एक फिनोमेना नजर आ रहा है इसमें, ये एक केस स्टडी है उसी एलिटिज्म की कि भाई यार बाकी जो जाहिल बैठे हुए हैं उनको मैंने जो है बाबू साहब ने बताना है कि जी अच्छा तू आ कर ला, तू आ कर ला, इस तरह बोलते हैं, उस तरह बोलते हैं। ये एक पूरा क्लासिस्ट और एलिटिस्ट किस्म का एटीट्यूड है जो टिपिफाई करता है उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, जिससे फ्रैंकली स्पीकिंग अब बहुत बू आती है। ये इट्स कॉलोनियलिज्म से जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया है, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को प्रोजेक्ट करने के लिए कि तुम लोग सारे जाहिल हो। वो चले वो अंग्रेजी नहीं कर रहे लेकिन वो कर वो ही रहे हैं जो कनोली के ओनर ने किया था, सिर्फ वो कॉलोनियल नहीं, शायद नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट के तहत जो उर्दू इम्पोज की गई है। अभी मैं भी ट्विटर पे कैंसिल हो गया था क्योंकि कनोली के इंसिडेंट के बाद मैंने कह दिया कि हमने अब एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया है कि इंग्लिश जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट से आता है। चलें अब उर्दू के जो कॉलोनियल लेगेसी और नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के तहत इम्पोज की गई थी उसको भी ज़रा डिस्कस कर लें। तो लोगों ने फिर तो उसको सिंधी महाजर इशू बना दिया। एंड देन आई सेड कि मेरी तो, मैं थोड़ा फैसिचसली कह दिया था कि मेरी तो पर्सनल ट्रेजेडी है कि मुझे डिटैच किया गया सिंधी से, मुझे स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। सो इवन ग्रोइंग अप आई वाज लुकिंग एट शेक्सपियर, आई वाज लाइक यार शेक्सपियर जैसा लिखना है, मैंने इस ऑथर इस थिंकर जैसा बनना है। मैंने तो कभी बिठाई पढ़ा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी हिस्ट्री में भी हीरोज़ हैं। तो मुझे अपनी हिस्ट्री से एक नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट के तहत डिटैच किया गया। या अगर मैं एक अमीर फैमिली से नहीं आता और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि यार इसको एक ऐसे स्कूल भेजो जो इसको उर्दू पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, ताकि इसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो, मैं कोई माँ बाप पे भी नहीं इल्ज़ाम डालता, स्कूल पे भी नहीं डालता, नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट पे डालता हूँ। बस दे वर लाइक कि तुम तो खुद नहीं सीखी, फिर तुमने औरों पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और तुम तो हो ही सिंधी, इसलिए तुम्हें महाजरों से नफरत है, इसलिए तुम्हें उर्दू से नफरत है। हम लाइक यार 7% लोग उर्दू बोलते थे, क्या लॉजिक है इसको नेशनल जबान होने का? वो देखो ना, वो किसी ने बड़ा खूबसूरत एक दफा कहा था कि जी रेसिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इज व्हेन योर हिस्ट्री एंड लिटरेचर इज कंपल्सरी एंड माय हिस्ट्री एंड लिटरेचर इज ऑप्शनल। ब्लैक हिस्ट्री है ना, ब्लैक वालों ने ये बात की थी, लेकिन ये हमारे यहाँ भी ट्रू है कि पंजाबी अगर मैंने पढ़नी है या आपने सिंधी पढ़ना चाह रहे हो या पश्तो पढ़ना चाह रहे हैं हम, तो वो जो है वो हमें स्पेशल उसके लिए क्लासों में इनरोल करना पड़ेगा जिसमें जाके हम बहुत मेहनत करके, पंजाबी की तो अब स्क्रिप्ट भी नहीं है हमारे पास, है ना, पंजाबी की स्क्रिप्ट भी खत्म हो गई, गुरुमुखी में लिखी जाती थी, अब हम उर्दू में लिखते हैं बेचारे, उसमें कई वर्ड्स बोले नहीं जा सकते। इस तरह आप सिंधी की बात कर रहे हो, सेम स्टोरी है कि वो अनफैशनेबल भी समझी जा रही है, हालांकि क्या खूबसूरत लिटरेचर है यार सिंधी का। सिंधी जो है वो मतलब इतनी कदीम ज़बान है कि उसमें ऐसे ऐसे फोनेटिक्स हैं जो मैं बोल नहीं सकता। मैं आइडियाज़, पीस, लव, टॉलरेंस, सूफीज्म, ओहो, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं पंजाबी के अंदर, पश्तो के अंदर क्या क्या मामलात प्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, लेकिन हम उस सारे कल्चरल विरसे से कट गए हैं। क्यों कट गए हैं? क्योंकि हम इसको अनुकूल समझते हैं। अब देखो ना, हमें कटाया है, कटे नहीं है, हमें कटाया है। तो आप देखो ना उसको हायरार्की के साथ जुड़ा हुआ है कि जी अगर आप अपना नोटिस करो, आपको कभी अगर कोई जो है पुल ओवर करे कोई पुलिस वाला, कहीं पे आप लेट से जा रहे थे कहीं, आपको पुल ओवर करे, अगर आप उससे जो है वो सिंधी में बात करेंगे, चाहे वो सिंधी ही हो, तो वो आपको बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा। या मैं पंजाबी में बात करूंगा तो मुझे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा। अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल, अगर मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो वो सलूट करके मुझे कहेगा सर सॉरी आपको जो है मैंने रोका, बड़ी बड़ी माजरत, है ना। वो पूरा का पूरा हायरार्की जो है ये सारा का सारा जो है, और ये चेंज हो सकता है यार, और माशरों ने किया है। कभी आपने किसी चाइनीज को देखा कि वो फर अंग्रेजी बोले? कर ही रहे हैं ना, डेवलपमेंट बेहतरीन चल रही है। फ्रेंच लोग हैं वो डिटेस्ट करते हैं अंग्रेजी बोलना, बिल्कुल ठीक है, अपनी जबान पे फोकस करें अपनी। सो ये सारी जबानें खूबसूरत हैं यार, सारी जबान के, उर्दू भी हमारी जबान है, मैं तो कहूँगा यार इवन अंग्रेजी भी अब हमारी जबान है किसी हद तक, right? हमने बनाया है, आई मीन इंग्लिश वाज योर ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप चलें उर्दू को कहते हैं नेशनल, तो सेकंड फिर इंग्लिश है। इट्स नॉट बंगाली, इट्स नॉट पंजाबी, इट्स नॉट सिंधी, इट्स इंग्लिश। तो हम जब कहते हैं इंग्लिश हमारी जबान नहीं है, आपने अपनी जबान खुद बनाया है, इंग्लिश को आपने अपनाया है मोर देन योर रीजनल लैंग्वेजेस। एग्जैक्टली। और यार स्टडीज तो ये शो करती हैं कि जितना आप किसी बच्चे को ज्यादा जबानें सिखाएंगे, उसके पास ज्यादा मेटाफर्स होंगे, उसके पास ज़्यादा मुहावरे होंगे, उसके पास तशबीहात ज़्यादा होंगी, उसके पास सोच के ज़्यादा पैराए होंगे, उसके पास डिफरेंट कल्चरल की एक्सेस होगी। सोचो ना, आपको अगर फ्रांसीसी भी आती हो, आप फ्रेंच मूवीज़ देख रहे हो, आपको पर्शियन आती हो, आप पर्शियन मूवीज़ देख रहे हो, आप क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या डिफरेंट शायरी। ये बड़े बड़े स्कॉलर्स देख लो, जॉन एलिया जो थे, अब वो अरबी भी भाई ऐसे बोलते थे कि भाई किसी अरब के साथ बैठे हों तो अरब को शर्मिंदा कर दें। पर्शियन भी वो ऐसे फरफर बोलते थे। फैज साहब देख लो, इंग्लिश लिटरेचर के वो उस्ताद थे, अरबिक लिटरेचर के वो उस्ताद थे, पर्शियन वो जानते थे, उर्दू वो जानते थे, पंजाबी वो जानते थे, सराइकी वो जानते थे। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी और एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, जिसमें आप सारी जबानों में प्ले कर सकते हैं। तो हम जो है बजाय इसके ऊपर हम फख्र करें हम जो है इसको बिल्कुल ही हमने जलील करके रख दिया रीजनल लैंग्वेजेस को, इसमें कुछ है ही नहीं है। इस अभी मनान आसिफ केम ऑन द पॉडकास्ट, तो वो भी यही कह रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट में इसी तरह गुफ्तगू होती थी, पीपल वुड जस्ट स्विच लैंग्वेजेस। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर उर्दू नहीं होती तो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम सालों साल से कैसे कर रहे हैं। आज हमने उर्दू इम्पोज करने से पहले कोई किसी से बात ही नहीं करता था, सब कॉन्टिनेंट में एक दूसरे से बात ही नहीं होती थी। सोचो ना, उर्दू की जगह तो यार वैसी बन जानी थी, उर्दू की जगह वैसी बन जानी थी। आप देखो ना, पंजाब के लोग पंजाबी बोल रहे थे, अगर केपीके के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं पश्तो बोल रहे थे, या दूसरे कोई सिंधी बोल रहा था, कोई बरोही बोल रहा था, कोई, उन्होंने आपस में भी तो बात करनी है ना, तो वो किस ज़बान में करते हैं। तो उर्दू की जगह वैसे ही बन जानी थी। ये आपको ऊपर से इम्पोज करने की कि जी हमारी नेशनल लैंग्वेज ये हो जाएगी और हमारा ये कौमी ज़बान हो जाएगी, ये करने की आपको जरूरत क्या है? वो वैसे ही ऑर्गेनिकली वो हो जाना था। बाय इम्पोजिंग इट, बाय सेइंग दैट दिस इज व्हाट इट इज एंड एवरीवन एल्स इज डिविएंट, आपने बेसिकली अपने बंगाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आइसोलेट कर दिया ना। आपने उनको जो है कहा कि यार तुम 52% हो गए, लेकिन जो है कौमी जुबान ये है। आपको कौमी जुबान डिक्लेयर करने की ऑफिशियल जरूरत क्या थी? द सेम कमी कि ये लोग तो कमतर हैं। हसन सार ने शायद ये कहानी सुनाई थी कि याया खान ने तो एक दफ़ा जब टॉयलेट्स आए थे कहीं से, तो उन्होंने बोला नहीं बंगालियों को देने की क्या ज़रूरत है, ये तो पत्तों से अपनी धोते हैं। ये तो हमारी एक फ़िलासफ़ी थी उनके बारे में, ये तो हम उनको समझते थे। सो इट्स नॉट जस्ट द एलिवेशन ऑफ उर्दू, इट्स ऑल्सो द शेम दे वुड हैव फेल्ट कि हम वेस्ट पाकिस्तानी, हमारी नेशनल ज़बान बंगाली है। वो एक अपने आप से ना उनको खौफ आनी शुरू हो जाती। That was probably the bigger concern. नहीं, इसके अंदर racism definitely शामिल है। और वही ये जो गोरे ने बनाया है ना, ये जो सिस्टम कि जी जो है आपको पता ही है कि भाई 1757 में जब बंगाल की जब फॉल हुई है, तो उसके बाद ये पूरी कंस्ट्रक्शन हुई है जिसमें जितना जो ईस्ट पे है आप नोटिस करो, वो उतना ही उसके खिलाफ रेसिज्म ज्यादा है। अगर आप इंडिया का एज अ होल तज्जिया करें, एज यू गो ईस्टवर्ड्स, उसकी वो जो है आइडेंटिटी ज्यादा क्रश्ड है। और पाकिस्तान बनने के बाद तो जाहिर सी बात है कि वही चीज़ कंटिन्यू हुई है ना, कि जी बंगाली लोगों के साथ जो है खास किस्म का, कि इनका रंग भी काला है, इनके कद भी छोटे हैं, और ये बोलते भी ऐसे हैं, और ये दिखने में ऐसे हैं, उनकी जो है हर चीज़ के ऊपर आपने जो है उनको डिमीन करना है और जलील करना है। Even though some of the best thinkers are actually Bengali thinkers, Indian history, thought, poets, playwrights, बंगाल के are far superior। क्या बात है, क्या बात है। क्या फिल्म राइटर्स हैं, क्या यार हमारे रॉबिन घोष जैसे कमाल म्यूजिक के लोग हैं। आज भी आप रॉबिन घोष का गाना सुने तो आप कहेंगे यार कि आर डी बर्मन और एस डी बर्मन के लेवल का काम तो इस आदमी ने किया है। तो ये इवन कल्चरली हमारे अब जिस तरह ये टके की चीज़ है, अगर आप कहते हैं टके की चीज़ है, ये क्यों कहते हैं आप टके की चीज़ है? किसी को बोंगा कहते हैं तो क्यों कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसको अब अगर हम प्रेजेंट से कनेक्ट कर लें, हम बहुत ही हिस्ट्री में चले गए थे, तो वापस अगर प्रेजेंट में आए, व्हाई इज द बांग्लादेशी इकोनॉमी डूइंग बेटर देन अस? बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा रेलेवेंट सवाल है। किस शुक्र है किसी ने पूछा। यार बात यह है कि देखो ना, जो है हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसके लिए जो है आप चाहे हम ये चाहें या ना चाहें, बदकिस्मती है कि पैसे जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में है, राइट। तो जो भी आप चीज़ें बनाते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें माल बेचना जो है ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए, तो माल आप किसको बेचेंगे? माल आप उसके लिए बनाएंगे ना जिसके पास पैसे हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स, आपको चाइना का भी यही है, मलेशिया का भी यही है, और बांग्लादेश का भी यही है कि जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, जो यूरोप और अमेरिका को चीज़ें बेचता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं। चाइना ने भी ऐसे ही पैसे बनाए हैं। तो 1997 के बाद क्या हुआ मामला कि जो हमारी सबसे बड़ी सेक्टर थी बांग्लादेश की भी और पाकिस्तान की भी, वो टेक्सटाइल थी, है ना। ये हमारी मेन इंडस्ट्री थी जिसकी हमारी आज भी हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट वही है पाकिस्तान की। लेकिन हुआ ये कि 1997 ऑनवर्ड्स एक न्यू लिबरलिज्म जब शुरू हुई, ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि जी स्पेशली 2005 में एक चीज़ आई, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट उसे कहते हैं, MFA। तो उसमें जो है आइडिया ये था कि जी जो गरीब ममालिक हैं उनको एक्सेस मिलेगी मार्केट्स की, अमीर मुल्कों की। तो फाइबर एग्रीमेंट था जिसमें जनाब जो टेक्सटाइल्स हैं आप अपने फ्री ट्रेड से बेच सकते हैं अगर आप चाहें तो। बांग्लादेश वालों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा अच्छा, मजे की बात यह कि जब ये हो रहा था तो जो IMF और दूसरे थे इदारे, उन सब की रिपोर्टें ये कह रही थी कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे इन ममालिक में साउथ एशिया में एडवांस टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, तो हमें एक एज होना चाहिए था। लेकिन हम वो एज नहीं हासिल कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, आप तो पोर्ट सिटी में रहते हो कराची में। मेन चीज़ जो है वो क्या होती है कि यार कितनी जल्दी माल जो है वो आपके बॉर्डर के अंदर आता है और कितनी जल्दी बाहर जाता है। कराची पोर्ट के ऊपर जब कोई चीज़ कोई आइटम पहुंचती है तो वो 27 दिन तक फंसी रहती है उसी जगह पे, मतलब कि उसे कहते हैं लास्ट 2 माइल्स या लास्ट माइल, कि जी कराची पोर्ट तक तो वो लेट्स से 2 हफ्ते में पहुंच गई, 14 दिन में पहुंच गई। अब आगे उसको जो है वो पोर्ट से जो है अगर उसने जो है वो रिटेल स्टोर तक जाना है उसमें उसको 27 दिन लग जाएंगे। इसी तरह अगर आपने माल बेचना है तो वो जो है वो 30-30 दिन तक आपका माल जो पोर्ट पे फंसा हुआ है। बांग्लादेश ने इन सेट ऑफ चीज़ों में रिफॉर्म किया। उन्होंने ये समझा कि यार हमने बड़े कंपनियों से प्रोजेक्ट लेने हैं, H&M से प्रोजेक्ट लेना है, JCPenney से प्रोजेक्ट लेना है, हम लोकल जगह पे चीज़ बनाएंगे और फिर हम ये यूरोप और अमेरिका को बेचेंगे, और जितना ज़्यादा वैल्यू एडेड होगी चीज़ के अंदर उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अब हम जो है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल में ये तौलिया शौलिया बेचता है, बस हाउस लिनन हमारी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो हाउस लिनन है। तो हाउस लिनन में आप कितना को पैसा बना लोगे? जितनी आप वैल्यू ऐड करोगे उतनी जॉबें क्रिएट होंगी, उतनी नौकरियां होंगी, उतने लोगों के पास ज़्यादा काम होंगे करने को। तो बांग्लादेश ने जो है बड़ा सिस्टमेटिक अंदाज में ये जो प्रॉब्लम्स थे इनको सॉल्व किया, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे। मिसाल के तौर पे आप किसी भी बड़ी जो ये हैं कंपनीज, रिटेलर्स जो हैं, क्लोथिंग लाइंस जो हैं, इनकी अगर देखें तो उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है उसको लीड टाइम कहते हैं वो अपनी ज़बान में। लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब ये है कि यार कितना टाइम लगता है एक चीज़ शिप होने में। यानी कि प्रोडक्ट 3 स्टेजेस में चल रहा है ना, फाइनेंस, प्रोडक्ट और रिटेल। तो एक स्टेज से एंड की स्टेज तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने काम नहीं किया, देखो ना, इसीलिए PMLN का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ जान है। अगर आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, अगर आपने अपने कस्टम्स का जो निज़ाम है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्लो डाउन हो जाएंगी। जब स्लो डाउन हो जाएगी तो बिजनेस का जो बंदा है जो यूरोप में बैठा हुआ है, स्वीडन में बैठा हुआ है, H&M का मिसाल के तौर पर, तो वो ये नहीं कहेगा कि यार अच्छा यार देखो कितने मजबूर लोग हैं, इनको जॉबें देनी ज़रूरी हैं। उसने फ्लाई इदारा नहीं खोला हुआ, उसने अपने कस्टमर तक कपड़े पहुंचाने हैं, क्योंकि डिज़ाइन फैशन में चेंज हो जाते हैं, सारे मसाइल हैं उसके अंदर। आप 3-3 महीने बाद चीज़ भेज रहे हैं, तब तक कॉलर का डिज़ाइन ही चेंज हो गया, फैशन ही चेंज हो गया। सो यू हैव टू बी क्विक अबाउट इट, यू हैव टू बी फास्ट अबाउट इट। टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो है, मार्क्स ने भी जो बात की कि प्रोडक्शन टाइम जो है वो बड़ा क्रूशल वेरिएबल है पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। किसी भी आप बिजनेसमैन से पूछ लें या बिजनेस वुमन से पूछ लें तो वो आपको यही बताएगा या बताएगी कि यार मेन चीज़ जो है वो है कि प्रोडक्शन टाइम कितना तेज़ है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। बांग्लादेश ने बड़ा सिस्टमेटिक काम किया है इस चीज़ के ऊपर और उसका उनको समरात मिले हैं। आप देख लो कि नुकसानात भी हैं, बाय द वे कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव होती है उसमें कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। आपने देख ही लिया है राना प्लाजा फैक्ट्री वाले वाकयात भी हुए हैं सारे। So, rose colors it's not like we're very different. उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, ऐसा हम बेहतर नहीं है उनसे इन मामलों में। हाँ, तो आप देख लो यार अब हुआ क्या है कि GDP पर कैपिटा एक मेजर हम यूज़ करते हैं। उसका मतलब क्या है कि टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, पैदावार जो पूरी जो हो रही है एक मुल्क को, उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप और मैं लेट्स से 2 लोग हैं एक मुल्क में, हम लोग मिल के जो है 5 रुपए की चीज़ बनाते हैं टोटल आउटपुट, तो 2.5 रुपये है इसके अंदर, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 रुपये जो है GDP पर कैपिटा है। तो बांग्लादेश की जो है वो 1900-2000 के करीब पहुँच रही है, हम 1000-1100 पे जो है वो वेवर कर रहे हैं। और देखो ना, इसीलिए फिर वो उनकी जो करेंसी है वो भी तगड़ी हो गई। करेंसी कैसे तगड़ी होती है? वो ऐसे ही होती है ना, जब आप दूसरों को चीज़ें बेचते हो, है ना, दूसरे मुल्क की चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हो चीज़ें, उससे आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, उससे आपकी जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती है, है ना। जब आप कुछ बेच ही नहीं रहे हो किसी को, आप जो है वो सिर्फ जो है फॉरेन एड और इन चीज़ों पर रिलाय कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर यही होगा कि 60 से आपका डॉलर जो है 2006-07 में जो है वो उठ के अब एक 158 पे आ गया है ना, तकरीबन अब डबल का रिश्ता हो गया। एक ज़माने में ये मुहावरा होता था पाकिस्तान में 90s में कि जी ये पाकिस्तानी रुपए हैं, कोई बांग्लादेश के टके थोड़ी हैं, ये एक मुहावरा होता था, आपको याद होगा। अब उनकी जो है करेंसी आप देख लो, आपसे जो है 1.5-2 गुना जो है तगड़ी है, इंडिया की भी आपसे तगड़ी है। इसका ताल्लुक एक्सपोर्ट मार्केट से है। दिस इज व्हाई इट्स सो ऑकवर्ड टू कैरी योर सिस्टर्स मनी इन बांग्लादेश। पीपल आर लाइक ये तुम्हारी बहन का टक्का है। सॉरी मैं बिल्कुल इतनी अकलमंद बात है यार। एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है सर्टेनिटी लाओ। H&M जो है ऐसे मुल्कों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहता जिसमें हर 2 साल बाद निजाम चेंज हो जाता है। H&M ऐसे मुल्क को, रिबॉक ऐसे मुल्क में शूज नहीं बनाएगा। नाइकी जो है सारे शूज वियतनाम में क्यों बनवाती है, सोचने की बात है ना। 1 टके का भी शू जो है, मैंने भी वो लफ्ज यूज कर लिया, 1 टके का भी जो शू है वो नाइकी जो है वो अमेरिका में या कैलिफोर्निया में कहीं और नहीं बनवा रहा, या बांग्लादेश में नहीं बनवा रहा, या इंडिया में नहीं बनवा रहा, वो वियतनाम में बना रहे हैं। क्योंकि उनको प्रॉपर वो चाहिए कि यार डिलीवरी टाइम दो, हमें एग्जैक्टली बताओ। तो हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली यही मसले ख़त्म नहीं हो रहा है कि जी फौज ने हुकूमत करनी है या सिविलियंस ने करनी है, या इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा, प्रेसिडेंशियल होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। ये 1947 के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आप कैसे। फिर बिजली का मसला था बहुत बड़ा थ्रूआउट द फर्स्ट डेकेड, हमारी जो 21st सेंचुरी की है। तो कट टू कट बात यार, लंबी स्टोरी जो है वो छोड़ें। छोटी स्टोरी ये है कि हम बेनिफिट नहीं ले सके। न्यू लिबरलिज्म बुरी चीज़ है, लेकिन उसके कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। चाइना ने आपको शो किया है ना कि यार 2000 मार्केट हमें माल तो बेचने दो, हम तुम्हें टोस्टर जो तुम $50 का बनाते थे हम तुम्हें 5 सेंट का बना के दे देंगे, है ना। वो चलेगा 1 साल ही। तो उन्होंने कहा जैसी मार्केट वैसा हम कट टू कट मार्जिन अपना कट करेंगे, लेकिन तुम्हें हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे। बांग्लादेश ने ये काम किया, उन्होंने टेक्सटाइल उठाई और टेक्सटाइल को उन्होंने जो है अपने चढ़ा दिया, पूरी फ्लड कर दी मार्केट जनाब बांग्लादेश की प्रोडक्ट से। ये है, और आगे आप देखते जाएं, अभी तो वो उन्होंने पार्टी शुरू की है, वो आगे और एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो ये पीटीआई ने जो मसला रिकग्नाइज किया था वो तो प्रॉब्ली शायद सही किया था कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है हमारी, वी हैव टू स्विच टू एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। तो जब मसला सही किया था, व्हाट आर द हर्डल्स दे आर फेसिंग, या आपको लगता है कि नीयत में मसला है, विल में मसला है, या दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू द थिंग्स दैट दे आर डूइंग? दोनों बातें ही हैं कि देखो, एक तो ये है कि जो है मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि आपको समझना चाहिए ना कि भाई एक्सपोर्ट्स कैसे हो रही हैं। एक्सपोर्ट्स ऐसे हो रही हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बाकी मुल्कों से, है ना। H&M, नाइकी, दूसरी कंपनियां आपको प्रोजेक्ट देती हैं, और उनके पास पूरी दुनिया के गरीब मुल्क हैं, वो कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं दुनिया में, है ना। कि जी H&M आज चाहे तो वो कंबोडिया को अपना प्रोजेक्ट दे दे, कंबोडिया वाले, कंबोडिया में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहेंगे छोड़ो कंबोडिया को यार, जाके जो है निकरागुआ में बना लेते हैं चीज़, निकरागुआ में प्रॉब्लम होगा तो वो जाके जनाब वियतनाम में बना लेंगे। तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की बहुत ज़्यादा जगह हैं। तो की पॉइंट ये है, चाइना से भी यही नज़र आता है, इंडिया से भी यही नज़र आता है, बांग्लादेश से भी यही नज़र आता है, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें से यही नज़र आता है कि यार आपने कोई ऐसा इंसेंटिव स्कीम क्रिएट करना है जिससे आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, जिससे आपके मुल्क को वो कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके बिजनेस प्रोड्यूसर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलेंगे। और जिस तरह हमारे यहाँ कराची में अब एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है सूरती जो है, उनके पास वो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो चीज़ें बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, बेचते हैं दुनिया को, उनको मिल रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह की और कंपनीज को भी मिलने चाहिए थे, और कंपनीज को मिलेंगे और जॉब्स मिलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके लिए आपको पॉलिटिकल सर्टेनिटी क्रिएट करनी है। कोई भी इन्वेस्टर, आप अगर यार अपना सोचो शहजाद, आप अगर बिलियनर हो, मजा आ रहा है सोच के या नहीं, आप बिलियनर है, आपकी गालियां पड़ती तो गुड दैट आई एम नॉट, आप ही ट्विटर पे जाके मुझे गालियां दे रहे होते कि इसको तो पहले मारो ना, इसके तो पहले सीज करो सारे मीम्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सोचो ना कि यार, मतलब कहने का मकसद यार, ये देखो ना 2 लेवल्स पे सोल्यूशन सोचने की जरूरत है। एक है बियॉन्ड द सिस्टम, जिसमें आप कहो कि यार हाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की कोई फॉर्म्स होनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन एक है कि अब आप कहो कि यार अब हम सरमायादारी के अंदर हैं, अब हमने कुछ रियल वर्ल्ड के अंदर भी कुछ रहते हुए भी कुछ चेंजेस लेके आनी है, रियल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए भी हमने जो है अपनी कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उसके लिए आपको चाइना को फॉलो करना पड़ेगा, बांग्लादेश को फॉलो करना पड़ेगा कि यार एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे होता है। चाइना जो है वो सर्टेनिटी देता है, प्रिडिक्टेबिलिटी देता है अपने कस्टमर को, कि चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, फ्रीडम्स नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सर्टेनिटी है। जब एप्पल जो है फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि यार तुम मैन्युफैक्चर करोगे ये जो प्रोडक्ट है, आईफोन, आईपैड जो भी है, तो उसको ये पता है कि जी ये डिलीवरी डेट है, जो उसने डिलीवरी डेट दी है वो होगी। ये नहीं होगा कि जी 3 दिन बाद जी नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका कि जी वो जनाब धरना दिया हुआ था खान साहब ने, ये नहीं होगा काम। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किल करती है। आपको पता ही है, आप किसी भी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, किसी भी इनकी वेबसाइट्स पे देखें तो उन्होंने हर कंट्री का वो एक स्कोर दिया हुआ होता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रिस्क एनालिसिस होता है। वो अपने सिटीजन्स को भी भेजते हैं कि इतना ना जाना बाबूजी, इधर इन्वेस्ट ना करो, इधर ये ना करो, उधर वो। तो वो लोग फॉलो करते हैं, इन्वेस्टर $1 बिलियन कोई क्यों लगाए आपके मुल्क में, जब आप जो है उसको पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं दे सकते, आप उसको इकोनॉमिक सर्टेनिटी नहीं दे सकते, आप उसको बता ही नहीं सकते कि यार तेरा इतना प्रॉफिट होगा, मैं तुझे गारंटी करता हूँ तेरा इतना प्रॉफिट होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चैरिटी पे नहीं चलती, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट पे चलती है। अगर H&M ये फील करेगा कि पाकिस्तानी वर्कर्स को हायर करके, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दे के वो प्रॉफिट बना सकता है, तो H&M कॉन्ट्रैक्ट देगा। लेकिन अगर उसको ये अनसर्टेनिटी है कि यार हमने H&M ने कॉन्ट्रैक्ट दिया और 3 दिन बाद जो है हमने जिस गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया था वो गवर्नमेंट ही चेंज हो गई और वो कल दूसरी आ जाएगी, वो कहेगी कि जी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो मेरे $1 बिलियन तो जाया हो गए। ये अनफॉर्चुनेट बात है, मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ी कोई अच्छी कोई जबरदस्त बात है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट पे चलती है, तो लिहाजा, लेकिन हमें उसकी लॉजिक को समझते हुए अपने आप को अडैप्ट करना है ना उसके अंदर। आई मीन ऑब्वियसली फॉक्सकॉन में जिस तरह सुसाइड नेट्स लगे हुए हैं, सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बेनिफिट या इंसानों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है अगर, लेकिन हम सिर्फ जो फॉर प्रॉफिट बात कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। और पहले भी आपने जब कहा था कि खान साहब ने मसला ही गलत रिकग्नाइज किया हुआ है, दिस धरने, ये करप्शन, ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस जो है जिसकी वजह से आप धरने लगा देते हैं या सिर्फ वोट्स लेने के लिए या पॉपुलैरिटी लेने के लिए, कभी कोई फ्रांस को गालियाँ पड़ रही हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही हैं, कभी डैनिश, इससे आपका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस होता है जो आप किसी खाते में नहीं डाल सकते कि ये तो नवाज शरीफ ने ₹200 अपनी जेब में डाले हैं। बट यू आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म, यू आर थिंकिंग शॉर्ट टर्म कि जी अभी बेनज़ीर की हुकूमत गिराओ, नवाज शरीफ को लाओ, नवाज शरीफ गिराओ, बेनज़ीर की लगाओ। और PDM ने भी सही बात की कि यार आपकी जो इंटरनेशनल डील्स होनी चाहिए, वो जो भी हुकूमत आए ये तो लिखो ना कि ये 10 साल तक होंगी, लोग अग्री करेंगे, इसमें आगे पीछे नहीं होगा। अभी सर LNG आपने क्राइसिस देखा, जो लोग कुछ कर भी रहे थे उनको आपने एंग्रो के CEO को उठा के जेल में डाल दिया। चले नवाज शरीफ आपको बुरा लगता है, करप्ट है, मिफ्ता पे तो कोई करप्शन नहीं है, मिफ्ता तो बाय ऑल अकाउंट्स इज अ गुड मैन, उसको आपने उठा के जेल में डाल दिया। खाकान अब्बासी डिसेंट मैन, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया। व्हाई वुड अदर पीपल इन्वेस्ट? एग्जैक्टली, एहसन इकबाल बेचारे ने नारोवाल में बच्चों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स का वो बना दिया, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स है जी। तो यार नारोवाल के बच्चे डिजर्व नहीं करते कि स्पोर्ट्स की जगह हो, फैसिलिटी हो। उसने जो है वो बेचारे ने वो बना दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उस पे वो बन गई, वो जेल में बैठा हुआ है, कभी जेल से बाहर आ जाता है। जब वो तो पहले सूट पहनते हैं वो जेल में, ये मुझे खबर मिली है कि वो जेल में स्पोर्ट के सूट पहन लेते हैं। लेकिन देखो ना यार, ये ज्यादती वाली बातें हैं कि भाई आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जितना भी ऑलरेडी यार इतना टाइट बजट है पाकिस्तान का, है ना, कि यार आप सोचो अगर हमारे पास ₹100 बनते हैं मिसाल के तौर पे, तो उस 100 में से यार 70-80 जो है आधे तो हम जो है वो क्या कहते हैं डेट रीपेमेंट्स, दूसरे लोगों के कर्जे जो लिए हैं उस पर इंटरेस्ट दे दिया, आधा वहां चला गया। आपके पास बचता कितना है? पॉलिसी के पास रूम कितना है मूव करने का? 100 में से आपके पास 16-17-20 रुपए की मूव करने की जगह है। उसके बावजूद आपने यार एक मेट्रो भी बना दी, आपने जो है कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं आप, बजाय इसके कि आप इस तरह के इंसेंटिव्स जो चीज़ें कर रहे हैं जो लोग, उनको आप रिवॉर्ड करें। ऐसे पॉलिटिशियंस को जो पॉलिसी मेकर अच्छा है उसको रिवॉर्ड भी तो करो ना, और उसकी तारीफ भी तो करो। सिर्फ जलील ही करते रहना है, सिर्फ बुराइयाँ ही करते रहना है, उसकी तारीफ भी कर दो। अगर कोई बुरा है उसको बुरा भी कह दो, लेकिन जो कोई अच्छी चीज़ कर रहा है उसको अगर थोड़ा सा रिवॉर्ड भी कर दो, उसको यार शाबाश यार, चलो ये अच्छी चीज़ की है, 9 बुरी की है लेकिन ये अच्छी की है, इस पर मैं तेरे साथ हूँ, इस पर मैं तुझे शाबाशी देता हूँ। बजाय इसके कि वो हो, आपने मिफ्ता को भी जो है वो फड़का दिया, वो जो है वो एहसन इकबाल को भी आपने जो है वो जेल में डाल दिया, बेचारा सूट पहन के बैठा हुआ है अंदर। देखिए ये भी तो कॉलोनियलिज्म है ना बेचारा। सॉरी एहसन, आई फाइंड दिस फनी, इट्स क्वाइट ट्रेजिक कि आप जेल में, लेकिन इट्स क्वाइट, क्यों आप जेल में सूट पहन रहे हैं यार? खुदा का वास्ते टी-शर्ट पहन लें, सलवार कमीज पहन लें, क्यों आप जेल में सूट पहन के रोज सुबह बैठते हैं? क्या आपको लगता है क्या होगा आपके साथ? बट इट्स जस्ट कि कौन है कि लाहौर मेट्रो जो है वो करप्ट भी है, वो मुल्क दुश्मन भी है। इसमें गुलरेज रोज ये बात करता है और बहुत अच्छी बात करता है कि मेट्रो की सब्सिडी सबको चुपती है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सब्सिडी किसी को नहीं चुपती क्योंकि वो तो हमने लेनी है ना, वो तो खूबसूरत है, वो तो अच्छा है, उसमें तो जहाज आते हैं, वो सब्सिडी नहीं चुपती कि यार वो गवर्नमेंट ने कितने पैसे लगाए, फर्टिलाइजर की भी नहीं चुपती, फर्टिलाइजर की भी नहीं चुकती, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जो मिलती है ना, आपको पता है ना, पाकिस्तान की लार्जेस्ट कंपनीज में से एक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है FFC, उसको गैस में सब्सिडी मिलती है। आपको और मुझे गैस एक रेट पे मिलती है उग्रा से, दूसरे इनको और रेट पे मिलती है। You're a good person to ask this. क्या दुनिया में कोई और आर्मी है जो कॉन्फ्लिक्ट्स बनाती है या हम ही हैं सिर्फ? नहीं, ये एजाज हमें ही हासिल है कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स भी बनाते हैं जनाब। हमारी जो है वो पोल्ट्री की भी है बिजनेस, हमारे जनाब इंश्योरेंस भी है, सीमेंट भी है, और हमारे प्लॉट भी। आपने अभी पोस्ट किया था कि पाकिस्तानी यूरिया 400% ज्यादा है इंडियन यूरिया से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम सब्सिडी भी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के भी पैसे लग रहे हैं, टैक्स भी लग रहे हैं, फिर फार्मर भी 400% ज्यादा दे रहा है, क्यों? सर जी इसे कहते हैं बिजनेस। सोचा ना बिजनेस का मजा क्या है। आप जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें, इसका मजा लें एक मिनट के लिए, फिर आपको मजा आएगा इसका। बिजनेस का मजा ये है कि यार बिजनेस क्या है, मैंने इनपुट पे चीज ली है ना, मैंने 5 रुपए की चीज ली और 10 रुपए की बेच दी, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कीमत पे मुझे चीज मिले, जो मेरे इनपुट अंदर जा रही है वो कम से कम हो और आउटपुट की प्राइस सबसे ज्यादा हो। मजा इसमें है, इसको कहते हैं प्रॉफिट, है ना। तो अगर मैं ऐसा कोई निज़ाम क्रिएट कर सकूं जिसमें जितनी भी मेरे अंदर इनपुट्स जा रही हैं मेरे प्रोडक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं फर्टिलाइजर बनाता हूँ तो उसका मेन इनपुट गैस है, नेचुरल गैस, है ना। तो अगर मुझे नेचुरल गैस में टैक्स पेयर्स के मनी के थ्रू सब्सिडी मिल जाए, और वो क्यों मिल रही है पाकिस्तान में फर्टिलाइजर कंपनियों को, क्योंकि आइडियोलॉजी की डोमेन में ये है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान के फार्मर को चीप फर्टिलाइजर मिलेगा, तो वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपने आइडियोलॉजी एक खूबसूरत सी क्रिएट स्टोरी आपने बनाई, वेरी नाइस। अच्छा जी, नेचुरल गैस जो है आपको मिल रही है सस्ते रेट पे मार्केट से, आम कंज्यूमर से, वगैरह वगैरह, क्योंकि ओगरा सेट करता है प्राइसेस। अच्छा, वेरी नाइस, तो आपने सस्ता फर्टिलाइजर बना लिया, वेरी गुड, यहाँ तक भी अच्छा था। अब सवाल ये कि यार जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुम मेरे फार्मर को सस्ती तो दो ना फर्टिलाइजर, या आप ये तो नहीं हो सकता ना एक टिकट से दो दो मजे, कि मैं गैस भी सस्ती लूं, है ना, गैस भी सस्ती लूं और बेचूंगा मैं अपनी कीमत पे, है ना जी। ये है बात। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये एक मोनोपोली है जिसके अंदर इनपुट प्राइस भी मेरी मर्जी की, आउटपुट प्राइस भी मेरी मर्जी की। नंबर 1, इंडिया में ये कैसे होता है, सवाल है। इंडिया में भी तो फार्मिंग चल रही है, वो भी तो एग्रीकल्चरल कंट्री है। इंडिया में एक कोऑपरेटिव है, जो फार्मर्स हैं वो खुद ही अपना एज अ वर्कर्स कोऑपरेटिव, वो खुद वो बिजनेस ऑन करते हैं और खुद ही खाद फर्टिलाइजर जो है वो सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री को। अच्छा, आप नोटिस करो कि जितने भी हमारे फौजी ग्रुप के बिजनेसेस हैं ये सारे ऐसे ही हैं, ये एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते। ये सारे की सारी जो बिजनेसेस जिनमें ये हैं वो सारे वो हैं जिनकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन डोमेस्टिकली कंट्रोल हो सकती है। सोचने की बात है। इसमें हर चीज, हर एक इनपुट की कीमत जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। गैस की कीमत आपको क्या मिलेगी, बिजली में आपको क्या सब्सिडी मिलेगी, सीमेंट कहाँ बनेगा, क्या, सारी लोकल चीजें। एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी है DHA सारा सबसे बड़ा बिजनेस, पूरी की पूरी चीज डोमेस्टिक बिजनेस है। तो ये एक डोमेस्टिक मोनोपोली है बेसिकली। वो खुद अपने आप को एक कंग्लोमरेट कहते हैं, मेरा लफ्ज नहीं है, आप जाके देख लें। तो सवाल तो ये है ना यार कि जो है एज अ रिजल्ट इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान इसका नंबर 1 तो फार्मर को होगा कि जी वो फार्मर बेचारा जो है वो जाएगा, वो कहेगा यार वो सामने वागे के उस तरफ जो है अमृतसर का जो फार्मर है उसको जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, मुझे वो चीज़ 400 रुपए की मिल रही है। तो 1 of 2 things would make economic sense। मैं दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट को जब ये स्टोरी सुनाता हूँ ना, जब ये मैंने, तो मुझे कहता है कि स्पेशली गोरा हो, जिसको ज़्यादा पता ना हो इंडिया पाकिस्तान के हालात के, वो कहता है कि वुडंट इट मेक सेंस टू जस्ट इम्पोर्ट इट, राइट? वो मेरे से ये सवाल पूछेगा बड़ा मासूमाना अंदाज में कि यार वो सामने है अमृतसर जो है, वो 5 मिनट दूर है, वो चुक के बोरी उधर ले आओ, क्यों नहीं आप ला सकते बोरी? इसका जवाब आपके इंडो पाक के रिलेशनशिप्स क्यों नहीं ठीक हो सकते, इसका इसमें जवाब है कि अगर मैं वाकई में, सही बात है, कंपटीशन होना चाहिए ना। कैपिटलिज्म बहुत अच्छी चीज है, जो कैपिटलिज्म के हक में लोग हैं वो ये कहते हैं इसमें कंपटीशन होता है, वेरी गुड, लेट्स डू इट। FFC को कम्पीट कराओ इंडिया की फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री के साथ, ट्रेड खोलो, है जी, आने दो वहां से जो है 100 रुपए की फर्टिलाइजर। जब मेरे फार्मर को मिलेगी 100 रुपए की फर्टिलाइजर, तो वो आपको टमाटर भी सस्ता बेचेगा, वो आपको आलू भी सस्ता बेचेगा, वो आपको हर चीज सस्ती बेचेगा। और आप और मैं जब मार्केट में जाएंगे तो हमें फूड सस्ता मिलेगा, हमें रोटी ज्यादा खाने को मिलेगी। इतनी मुल्क, जिस मुल्क में मेल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन हो, उसके लोगों को खाना सस्ता नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन खाना है जो बनाने वाला है, जो फार्मर है, उसने कोई फलाई इदारा तो नहीं खोला हुआ, उसने बिजनेस करना है, बेचारा ने खून पसीने की कमाई कमा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसमें सारा इनपुट आउटपुट कर रहा है, तो उसको सस्ता इनपुट कब मिलेगा? उसको सस्ता इनपुट तब मिलेगा जब आप उसको डायरेक्टली सब्सिडाइज करो। तो मुझे अक्सर ये मैं सवाल पूछता हूँ कि वेरी नाइस यार, आप बहुत अच्छे लोग हैं कि आप फार्मर का इतना ख्याल करते हो कि आपने फार्मर को कहा कि यार तुझे सस्ती फर्टिलाइजर मिलेगी, हम तुझे फर्टिलाइजर सस्ती क्योंकि देना चाहते हैं इसलिए हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हो, तो उस बेचारे को डायरेक्टली दे दो ना सब्सिडी। कान यूं पकड़ने की क्या जरूरत है कि हम फर्टिलाइजर को सब्सिडी देंगे फिर फर्टिलाइजर बनाने वाला फार्मर को सस्ती देगा। फार्मर को डायरेक्टली सस्ती दे दो, डायरेक्टली फार्मर को कहो यार ये ले सस्ती फर्टिलाइजर तू ले, अब तू खाना सस्ता बना लोगों के लिए, हमारे लोग भूख से मार रहे हैं, हमारे बच्चों को खाना दो। इट्स द सेम अभी जो स्टिमुलस दे वर लाइक यार कंपनीज, ताकि लोगों को फायर ना करें, कंपनीज को इंडस्ट्रीज को हमने फेवर करना है। आपने फेवर भी किया, आपने टैक्स मनी उनको भी दी कैपिटलिस्ट को, और फिर उन्होंने वर्कर्स को भी निकाल दिया। इसमें आपको नैरेटिव बिल्डिंग भी देखेगा, लोग गालियां देंगे, बहुत हिस्ट्री है फैशिस्ट लव्स की, बट ये एक फैशिस्ट चीज़ है कि आप एक एनिमी, इजी एनिमी बना रहे हैं कि जब टमाटर की प्राइस सस्ती होती है आप किसको गालियां देते हैं? या तो आप दोगे मंडी वाले को कि यार ये महंगी बेचता है, या खान साहब टीवी पे आके क्या बोलते हैं, होर्डर्स, होर्डर्स आर टू ब्लेम, हु आर दीज पीपल, कि ये होर्ड करते हैं इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन आपने अब जिस तरह समझाया ये तो अनडिनाइबल है, लोग जाके प्राइसेस चेक कर लें, लोग जाके सब्सिडी चेक कर लें, दिस शुड बी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सर जी 2011 या 12 की बात है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एफएफसी के ऊपर वो कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको याद होगा उस जमाने में गैस की बड़ी वो होती थी प्रॉब्लम पाकिस्तान में, लेकिन इनको तो गैस वो डिफरेंट लाइन से मिलती है, डिफरेंट इनका निज़ाम और है, तो गैस की शॉर्टेज चल रही थी। तो जिसका जो मेन कंपेटिटर है एफएफसी का, एंग्रो फर्टिलाइजर, उसको सप्लाई में प्रॉब्लम थी गैस के, है ना, उसको सप्लाई में प्रॉब्लम थे गैस के। तो जनाब उस बेचारे उस कंपनी को अपनी कीमतें जो है बढ़ानी पड़ी, ना? तो इन्होंने जो है एफएफसी ने साथ साथ अपनी कीमतें ये बढ़ाते गए, इनको हालांकि प्रॉब्लम नहीं था गैस का, ये साथ साथ अपनी कीमतें बढ़ाते गए। तो एक साल में एफएफसी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। आप इमेजिन करो, एक साल में प्रॉफिट अगर 100 रुपए था, अगले साल 200 रुपए हो गया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनसे पूछा, ये आप सर्च करें आपको उस जमाने की खबरों में भी मिल जाएगा, कि यार भाई हमने तुम्हें सब्सिडी इसलिए दी थी ताकि तुम जाके बेचारे गरीब फार्मर को, किसान को जाके सस्ती फर्टिलाइजर दो, तो तुसी इतने भी मजे ले रहे हो, गैस दे तो उतने भी मजे, है ना। तो वो अब हुआ कुछ भी नहीं उस केस का, जाहिर है कुछ भी नहीं होना था, वो मौजें लगी हुई हैं। 2008 में ये भी कहा जा रहा था ना कि असद उमर के कोई पीपीपी से फड्डे चल रहे हैं जिसकी वजह से एंग्रो को गैस नहीं मिल रही। जाहिर है ये सारे तो ये प्रॉब्लम है ये हमारे बिजनेस मॉडल में, जिसकी वजह से हम एक अच्छी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं बना सके। हम तो आप और मैं तो चाहते हैं ना कि यार इससे भी आगे की कोई बात की जाए, कोई सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और इस तरह की चीजें भी हों, कोई गरीब लोगों के लिए और भी अच्छा कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम बने। चलो यार वो नहीं कर सकते हो, कोई भी वजह है आपकी, पहले अच्छी सरमायादारी मीशत तो बना लो, एक ऐसा सिस्टम बना लो कि यार चलो सरमायादारी बुरी सही, उसमें भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, कुछ ना कुछ तो। उसमें मार्क्स कहता है कि यार इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कंपटीशन होता है, उससे कंज्यूमर को फायदा होता है वगैरह वगैरह। हर चीज में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आप कोई अच्छी यार सरमायादारी बना लो जिसमें कंपटीशन ले आओ, जिसमें जो है कंज्यूमर को कुछ सस्ता कोई चीज दे दो। लेकिन आपने जो है वो हर तरह से एक रेंट सीकिंग बनाई हुई है इकोनॉमी, जिसमें जनाब इनपुट से लेके आउटपुट तक आपने जो है कंट्रोल करना है, एक एस्पेक्ट को, उसकी कॉम्पिटिशन अराइज नहीं करने देना, कोई नया बिजनेस इमर्ज नहीं करने देना, कोई जो है नई कैपिटलिस्ट एक्टिविटी नहीं होने देनी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ने देनी। और अगर कोई कहे कि यार मैशत को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करो तो वो बता रहे। तो हर तरह से भाई वो जो है भाई हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, ये वाली बात है ना। एंड इट्स समटाइम्स इट्स नॉट इवन द एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली, राइट, कि चलें फौज यहाँ पे। तो अगेन हम फौज को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, फौजी एक कैपिटलिस्ट कंपनी, हायर्ड लोग हैं, इट्स अ कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट द सोल्जर ऑन द स्ट्रीट। तो उनके क्रिटिसिज्म को तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि साचन में लोग मर रहे हैं, जिस तरह को नाल कामरा कहते हैं, क्योंकि ये तो फिर कैपिटलिस्ट रिटायर्ड लोग हैं जो फ़ायदे उठा रहे हैं आपकी इकॉनमी, आपकी मैशत से। बट इट्स ऑल्सो दिस एलीट कैप्चर का लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट जिस तरह मेरी इंडस्ट्री है प्रोडक्शन, सबको पता है डिजिटल आ रहा है, सबको पता है OTTs आ रहे हैं, सबको पता है कि ये यहाँ पे तो कोई एक्सपोर्ट भी नहीं रोक सकता है कि चुड़ैल Z5 को बेच रहा है, आप रोक नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन हाउसेस जाकर इन्होंने पहले Z5 बैन करवाया, अब वो लोग VPN से देख रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे से बैन कर दिया कि Z5 पे आप पेमेंट नहीं कर सकते। बैंक्स के साथ मिलकर यू कांट पे फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर Z5। तो आप अगर खोल भी लें आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, मनी कांट गो। तो ये प्रोडक्शन हाउसेज, लॉ मेकिंग, अभी बीच में इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं ये जी टैक्स दें, ये साल का एक फी दें टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज यूट्यूबर। तो ये मिलके स्टेट के साथ बैरियर्स खड़े करते हैं जानबूझ के कि कोई आ ना जाए, कोई कंपटीशन ना आ जाए, कोई हमसे आगे ना निकल जाए, हमारे पैसे और हमारे सरमाया पे कोई हाथ ना डाले। एग्जैक्टली देखो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है एक कैपिटलिस्ट फ्रेंडली कंट्री भी नहीं है। अगर आप एक बिलियनर हो और आपके पास ऑप्शन हो कि यार मैं दुनिया में कहीं भी अपना सरमाया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप लास्ट कंट्री होगी पाकिस्तान जिसके बारे में मेरी तो फर्स्ट होगी। मैं तो एक वेस्ट वर्ल्ड खोल लूंगा कि पाकिस्तान में ये फायदा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक जमीन लें, वेस्ट वर्ल्ड खोल लें आप, उसमें पाकिस्तान आपको खुली इजाजत देगा कि सर हम रोबोट्स नहीं है हमारे पास, हम पाकिस्तानियों को गुलाम बना के भेजेंगे, आप गोलियां मारें, कोई मसला नहीं है, खुला है आपके पास खाता। एग्जैक्टली तो सोचो ना, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो सकती इस तरह के सोसाइटी में। स्लेवरी हो सकती है, आपकी स्टीलें बंद हो रही हैं आपकी, देखो ना। वरना तो एक आर्ग्यूमेंट जो पूरी दुनिया के जो प्रो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं वो आर्ग्यूमेंट यही देते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन का ये बड़ा फायदा है कि जिन कंट्रीज में वेजेस कम है, जिन कंट्रीज में लेबर चीप है, क्योंकि आबादियां ज्यादा हैं। आबादी ज्यादा होना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आबादी ज्यादा होने के ये फायदे हैं कि आपके पास इतना बंदा है कि आप कम कीमत पे काम करा सकते हो, राइट। तो वैसे तो आपकी हक में जाना चाहिए था, जैसे चीन के हक में गया, इंडिया के हक में जा रहा है, बांग्लादेश के हक में जा रहा है। हमें वो भी फायदा नहीं हो रहा ना, हम इधर से भी मारे जा रहे हैं, उधर से भी मारे जा रहे हैं कि यार ना सरमायादारी होने देनी है, ना जो है वो दूसरी चीज होने देनी है, स्टेट के थ्रू काम होने देना है। कोई एक रास्ता तो चूज कर लो ना, पिक वन, आइदर गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम और गो फॉर दिस, जिसमें लोगों को मुकम्मल बेनिफिट्स एक चीज के तो मिले। आपने तो दोनों ही नहीं लेने देने हैं। तो एज ए रिजल्ट आप देख लो कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं। अगर लेबर फोर्स सर्वे आप देखो ना पाकिस्तान का, तो उसमें एक नंबर जो हर साल बढ़ता जा रहा है उसको कहते हैं अनपेड फैमिली वर्क, अनपेड फैमिली लेबर। कि भाई ऐसा काम जिस तरह के आपने देखा होगा कि मेरे मिलट से मेरे पास एक किराने का स्टोर और मेरा एक डिस्टेंट कजन है, वो मेरे पास आके अब काम कर रहा है मुफ्त में, मैं उसको रोटी दे देता हूँ। अब ये लेवल आ गया कि लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, रोटी पानी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, उसमें उनको वेजेस भी ठीक तरह नहीं मिल रही। तो ये लेवल आ गया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप होने ही नहीं दे रहे हो। पोलिटिकली भी अनसर्टन क्रिएट करना, पोलिटिकल अनसर्टनिटी क्रिएट करना, बिजनेस फ्रेंडली कोई इन्वायरमेंट ना क्रिएट करना। YouTube के कंटेंट अपलोडर्स हैं बेचारे, वो थोड़ी सी आपको फॉरेन एक्सचेंज ही अर्न कर देंगे यार। YouTube की एक्सप्लॉयटेशन तो है ही इसमें, ऊपर से वो पाकिस्तानी रियासत को भी अब टैक्स देना शुरू कर दें उस चीज पे। यार कोई तो आप इंसेंटिव स्कीम क्रिएट करो ना कि भाई आपका कंटेंट मोर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग पार्क ट्यूब, इनका बस चले। आपको अगर याद हो इन्होंने YouTube बैन करके अपना खोल दिया था कि यार ये YouTube को जो पैसे जा रहे हैं ये भी हमारे पास आ जाए, ये नहीं कि हम दुनिया खोल लें। इनका अभी तो मुश्किल हो गया है लेकिन फिर भी कर सकते हैं। लेटर्स तो ये लिखते रहते हैं गूगल फेसबुक को कि हम बैन कर देंगे आपको। आई वुडंट पुट इट बियॉन्ड देम इवन दो इट्स मच हार्डर नाउ देन वाज व्हेन दे बैंड यूट्यूब, पर ये कर सकते हैं। इनमें काबिलियत है कि ये कल उठा के फेसबुक यूट्यूब बैन करके अपनी खोल लें, बिल्कुल, ताकि जो जनाब एक फौजी पाक यूट्यूब बने है जी, उसकी है ना, वो भी जनाब उसको और उसको सेल किया जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर इदारा जो है वो आ गया है इस मार्केट में और सारे हटो बच्चो हो जाओ, है ना। तो जनाब वो जो है उसके ऊपर कंटेंट अपलोड होगी और आपकी जो मेहनत है, जो आप इतनी ये जान लगा रहे हैं, इतना रात को 8-9 बजे बैठे हुए हैं मेहनत कर रहे हैं, वो सारी किसी और के खाते हुए मजा होगा। देखिए वो आपने इतने गाने नहीं रिलीज किए होंगे जिंदगी में जितने वो हर साल कर देते हैं। तो कंटेंट तो अच्छा डेवलप कर रहे हैं माशाल्लाह, हर साल गाना आता है। इतना माल हो बंदे के पास तो यार फिर तो कंटेंट बनती है ना। तो इसमें इवन हम जब क्रेडिट देते हैं हिस्टोरिकली, द रीजन इन्वेस्टमेंट कम्स ड्यूरिंग मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज बिकॉज़ वहाँ सर्टेनिटी देता है ना, वो मुशर्रफ आके कहता है कि भाई मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो लॉ शो सब छोड़ो बाहर में। हाँ मैं 10 साल इधर ही हूँ, सर्टेनिटी होगी, हम जो बात कर रहे हैं तेरे मेरे बीच रहेगी, हमारा एग्रीमेंट पक्का है, लिखत पढ़त भी कर लो, सारा कुछ हो जाए तो वो चल पड़ता है निजाम आपका। व्हाट वुड यू से टू दिस नोशन के इट्स नॉट के पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है वो बना ही इसी तरह चलने के लिए था। द आइडिया वाज ऑलवेज के कॉलोनियल क्लास बदलनी है बस, कि वो गोरे की जगह हम बन जाएं, बट चलना वो इसी तरह से था। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इंटरनेट आ गया है, लोगों के जहन में ये गंदे ख्याल आ गए हैं कि हम सबको इज्जत होनी चाहिए, हम सब फ्री होने चाहिए। इवन हिस्टोरिकली हम जब ये बातें करते हैं, आई वाज क्वाइट सरप्राइज इन माय रिसर्च फॉर ऑल ऑफ हिज इल्स, आप सिंध में जाके लोगों से बात करें, देयर लाइक भुट्टो से पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम पासपोर्ट बनवा सकते हैं, कि हम इतने पाकिस्तानी हैं कि हम NIC बना लें। सो आप जब हिस्टोरिकली चीज़ों को देखते हैं आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि थे कहाँ हम और वो कहाँ लेकर आया, तो वो क्रेडिट नहीं देते। खैर वो एक अलग बात है। बट वुड यू से कि पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि एक नई एलीट क्लास बने जो गोरी नहीं है, जो अपनी ही है, और बाकी सब वो ही रहे हैं, सब्जेक्ट्स ही रहे हैं। यार बिल्कुल किसी हद तक इसमें जरूर सच्चाई है, लेकिन ना यार एक माइनॉरिटीज की मूवमेंट थी ना, ओप्रेस्ड एक माइनॉरिटी थी यूपी और सीपी की, उसकी एक मूवमेंट थी। और देखो ना सबसे बड़ी आयरनी जो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और हमारे आज के लिए भी उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, माजी में तो जो हो गया सो हो गया, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी की मूवमेंट थी यूपी और सीपी की, लेकिन जिन जगहों पे आपने पाकिस्तान बनाया वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, राइट। पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब के अंदर या दूसरे सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, के पी के अंदर जो है वो कांग्रेस की मेरे ख्याल है गवर्नमेंट्स थी। तो कहने का मकसद ये है कि यार आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी की मूवमेंट थी जो कि जाहिर सी बातें फील करती थी कि यार मेजॉरिटी जो है उसके अंदर हम रह के हमें नौकरियां और हमें सारे मसाइल होंगे। लेकिन जब आपने बनाया है मुल्क तो आपने वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में बना दिया जहां उसकी डिमांड ऐसा उस वक्त नहीं थी, राइट। ये माइनॉरिटीज़ की मूवमेंट थी, मेजॉरिटी एरियाज में तो ये मूवमेंट नहीं थी। तो डे वन से ये एक प्रॉब्लमेटिक, फिर जनाब ऑब्वियसली जो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी हमने पढ़ा है कि जी इतना बड़ा दूसरा मुल्क है एक और दूसरे के दरमियान में, बंगाल और जो दूसरा हमारा है। सो इन अ सेंस श्योर आई एग्री कि यार देखो जितने भी मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है इसमें, जनरली ये हमारा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जितने भी मुल्क World War II के बाद आज़ाद हुए हैं, है ना, बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए हैं ना उसके बाद, उन सारों के अंदर कोई ना कोई जो है जाते हुए भी जो डिवाइड एंड रूल है वो जाते हुए भी ट्रू था, जाते हुए भी जो है ये काम था कि अच्छा यार परमानेंटली हमने स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में दुनिया को डिवाइड कर देना है, कंट्रोल करना इजी हो। उनके पर्सपेक्टिव से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक मैनेजरियल प्रॉब्लम था कि कैसे मैनेज किया जाए, अफ्रीका के मुल्कों को ऐसे डिवाइड कर दो जी, अब इथोपिया और इरित्रिया आज तक बेचारे लड़ रहे हैं आपस में, क्यों लड़ रहे हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही उनकी कल्चर है, सारा कुछ लड़ रहे हैं, एक कुत्ता चल रहा है वहाँ पर। वो जो है कभी आपने देखा मिडिल ईस्ट के, आप कभी किसी कंट्री के देखें, इराक के वो देखें क्या कहते हैं मैप्स देखें, तो उसमें स्ट्रेट लाइंस लगी हुई है इस तरह, तो कुछ सीधी सीधी लाइन है, किसी ने रूलर पे रख के ना यूं करके खींची है लाइन। तो ये डिवाइड एंड रूल जो है ये थ्रू आउट चलता गया है। तो ऑब्वियसली स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था कि कौन सा मुल्क हम कैसे किसकी रूलिंग क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। So it's not just about Pakistan, it's about every third world country कि यार at the moment of their birth एक नया किस्म का डिपेंडेंसी मॉडल क्रिएट किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ उनजे भी रावां औखियां सन, कुछ दिल ते गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो हमारे यहाँ भी हमने यार जो भी हमारे अच्छे लीडर थे जिनके पास अच्छे आइडियाज़ थे, फैज़ साहब को हमने 51 से लेके 55 तक जेल में तो नहीं रखा, जो है सज्जाद ज़हीर को हमने मुल्क से निकाल दिया, हसन नासिर को हमने वो जो है लाहौर फोर्ट में डाल के मार दिया, हमने जो है जनाब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे उसको असैसिनेट हो गया, हमारा जो सेकंड था जो भी था यार बेचारे ने, जिस तरह आपने भी कहा कि भुट्टो साहब ने कुछ तो इंडिजिनस डेवलपमेंट करने की कोशिश की, कुछ तो कहा कि यार चलो हम भी यार कोई मतलब नॉन अलाइंड हो सकते हैं, हमारा ये तो नहीं है कि हम बस सारा दिन जो है गोरों के पिट्ठू बने रहें। उन्होंने कोशिश की कि नॉन अलाइंड बनाए पाकिस्तान को, कोई नई अपनी कोई इंडिपेंडेंट कोई शनाख्त हो दुनिया की। इसमें भी नैरेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है ना कि आप इकोनॉमिक्स अगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई भुट्टोज नेशनलिज्म बोल दे, गलती से ज़बान से निकल जाए ये लफ्ज़, लोग ऐसे जलील करेंगे कि यार उस देखा क्या डिज़ास्टर था। एट द सेम टाइम 1971 में सारा मलबा जो है वो भुट्टो के उसमें डाल दिया जाता है, जबकि आप खुद सोचें, खुद अपना लॉजिक लगाएं कि खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाती है किसी भी वजह से, वुड यू से इमरान खान इज टू ब्लेम? वुड यू से कि इमरान खान की कोई गलती? खुद बंदा सोचे कि एक सिविलियन जो उस टाइम पावर में भी नहीं था, उस टाइम जब हुई है तब वो पावर में नहीं था, बाद में उसको सिविलियन मार्शल लॉ डिक्टेटर भी बना दिया, क्या ही पावर हो गया और उसके पास जंग करने की। सोचो ना बेचारे के पास क्या ताकत होगी। मार्शल लॉ रिजीम थी 58 से 68 तक, फिर वो यही साहब आ गया, पिछले वाले गए तो ये आ गए। फिर जाहिर सी बात है कि जब ये आते हैं तो इन्होंने वही डिवाइड एंड रूल करना होता है, तो इनके कुछ फेवरेट्स होते हैं, और उन फेवरेट्स को यूज करते हैं फिर कि यार तू हमारा जो है सिविलियन फेस है, तूने जो है ये सारा जो है। अब गौर करो पाकिस्तान में हर चीज में ये ट्रू है। एक जो है ऑफिशियल मैकेनिज्म है किसी चीज का, बॉर्डर के ऊपर मिसाल के तौर पे सारा जो मलबा है स्मगलिंग का वो कस्टम्स के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली अगर आप बलोचिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएं तो वहां पे तो 2-5 माइल तक एफसी बैठी हुई है। तो इसी तरह जो है पुलिसिंग में कराची में मिसाल के तौर पे वैसा सारा कुछ रेंजर्स के हाथ में है, लेकिन जिल्लत बर्दाश्त, कहीं चोरी डकैती हो जाए तो पुलिस ने उसकी जिल्लत लेनी है। यही ऊपर भी हो रहा है कि डिसीजंस कोई और कर रहा है लेकिन जलालत लेने के लिए जब वो प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो जी प्राइम मिनिस्टर जाओ जनाब नवाज शरीफ साहब जाएं अब आप बिल क्लिंटन के पास और बताएं कि ये जो है ये क्या हुआ है मामला, हैं जी किया किसी और ने, फैसले किसी और के, जलील होने के लिए आपका इसमें भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लिटरली लाइक मुशर्रफ खुद अगर आप उसके बयान सुन लें, हमने तो पहाड़ी कर ली थी। भाई क्यों तूने पहाड़ी ले ली? चल तूने ले ली, करना क्या था तुम्हारा, आगे प्लान क्या था? दिस इज नॉट अ गेम कि जी हमने जाके पहाड़ी पे कब्जा कर लिया, उसके बाद तुम क्या करते? उस पहाड़ी का तुमने उखाड़ क्या लेना था? जस्ट टू शो कि ये हम दिलेर एसएसजी कमांडर, हमने जाके पहाड़ी ले ली। व्हाट वाज द प्लान आफ्टर दैट? वही ना, क्योंकि देखो ना ये एक वो है मिलिट्री माइंडसेट कि उसके अंदर जो है और उसके अपने एडवांटेजेस हैं एक फील्ड के लिए कि भाई वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि यार इसका फॉरेन रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका आपकी जो है इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका जनाब आपकी जो है जो आपके बारे में फिल्में बनेंगी उसमें आपका क्या इमेज पोर्ट्रे होगा, आपकी नेबरिंग कंट्रीज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी वगैरह वगैरह ना। आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देख रहे हो कि जी पहाड़ी पे कब्जा कर लो पकड़ के जी, वो उसका फायदा कोई नहीं है ना, वो पहाड़ी का क्या करना है आपने अल्टीमेटली? तो यार इट्स ऑल अबाउट कि यार इंडिया के बच्चे भी तो भूखे मार रहे हैं, इंडिया के वहां पे भी गुर्बत है, आप विन विन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? हम विन विन सिचुएशन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते कि यार चलो यार तुम भी खाओ हम भी खाते हैं मिल के, यार कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरियां। The reason I brought up 47 is the same logic, right? कि वहाँ तो हमें नौकरियाँ नहीं मिलनी, यहाँ एक इंडिपेंडेंट तो नहीं मिलनी, जरा इधर कर लो जहाँ पावर हमारे पास होगी। तो एक अगर हम खोल दें तो फिर तो हमारा फर्टिलाइजर नहीं बिकना, तो फिर इसको बंद ही रखो तो बेहतर है ताकि हम यहाँ तो कमाए ना पैसे। हाँ, लेकिन वो फिर फार्मर नहीं बना रहा ना पैसे, वो तो उसने कभी बनाने नहीं थे ना। That's what I'm saying. They were never meant to. They were always going to be subjects. So true. Exactly. Independence नहीं है ये, dependence है। Dependence है, बिल्कुल dependence है। इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की थी जो हम नहीं करते कि when we say India is poor, we don't say India is poor because Britain is rich. We don't say Indonesia is poor because Holland is rich. तो आपने शुरू में जिस तरह मार्क्स का भी जिक्र किया था कि थोड़ी आइडिया और फिलॉसफी को मॉडर्न उसमें आने की ज़रूरत है। अभी हमने स्टेट को भी डिस्कस किया। वुड यू से कि द क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी एक्चुअली is very dependent on the state and the state doing a lot of things, whereas maybe in the modern world the notion of the state is also not as solid as it was कि वेस्टफेलिया के बाद सबने बोला हमें भी चाहिए नेशन स्टेट। लेकिन अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये नेशन स्टेट इटसेल्फ उस पे एक सवालिया निशान है कि यार ये is this the best way for human emancipation, the notion of the state? Absolutely यार, देखो ना एक तो नंबर वन बात यह है कि यार 20वीं सदी में मेरी नज़र में मार्क्सिज्म की जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो मेरे ख्याल में इनकरेक्ट है। ये जो आइडिया है ना कि जी या तो सोशलिज्म का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें रियासत सारा कुछ करे और कैपिटलिज्म का मतलब है ऐसा जिसमें प्राइवेट कैपिटलिस्ट सारा कुछ करे, ये डिबेट चल रही है मार्केट वर्सेस स्टेट, है ना। मेरी नज़र में ये डिबेट ही गलत है, डिबेट डिफरेंट होनी चाहिए। डिबेट ये होनी चाहिए मार्क्सियन थ्योरी के परस्पेक्टिव से, क्योंकि मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स ये आपको बता रहा है कि यार कोई भी ऐसा निज़ाम जिसमें जो इंसान जो पैदावार करता है, जो अपने नर्व्स और मसल्स को यूज़ करके इनपुट से आउटपुट बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है। आप अभी ये यूट्यूब की कंटेंट बना रहे हैं अपने नर्व्स और मसल्स और अपनी रिसर्च को यूज़ करके, ये लेबर है। कोई भी इंसान जो आउटपुट बनाता है उसके नतीजे में जो रेवेन्यूज़ क्रिएट होते हैं जो भी यूट्यूब आपको देगा उसके बारे में फैसले कौन कर रहा है, राइट? मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जी यार जो YouTube की कंटेंट है सारी वो शहजाद बनाएगा, लेकिन उसमें से जो भी रेवेन्यू होगा उसके बारे में शाराम अजर फैसले करेगा, राइट? तो ये एक क्या हुआ कि जो बनाने वाला है रेवेन्यू वो खुद फैसले नहीं कर रहा अपनी चीज के बारे में। अब मिसाल के तौर पे आप तो एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 10 लोग मिलके एक कंपनी बना लो जो सारे मिलके यूट्यूब पे कॉन्टेंट डालते हैं और उससे रेवेन्यूज बनते हैं उस बिजनेस के। एक ये हो सकता है कि आप 10 के 10 जो है वो किसी एक बंदे के गुलाम बन जाए वो आपको ओन करता हो, आप कंटेंट बनाएं और वो उसके बारे में फैसला करे, ये स्लेवरी है। एक ये हो सकता है कि आप वैसे तो उसके गुलाम नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि यार तूने जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी के लिए काम करना है, किसी और के लिए नहीं कर सकता तू, ये सर्फडम है, ये फ्यूडलिज्म है। एक ये हो सकता है मैं कहूँ कि जिस मर्जी के लिए कर, लेकिन मैं तुझे, तुम 10 लोग मिलके जो रेवेन्यू बना रहे हो इसके लिए मैं तुम लोगों को एक तनख्वाह दूंगा पर मंथ 50 रुपए, बाकी जो तुम लोग रेवेन्यू बना रहे हो लेट्स से $1000 पर मंथ, वो सारा मैं उसके बारे में फैसला करूंगा, तुमने 5 पे काम करना है, ठीक। एक और ये हो सकता है कि हम ये 10 लोगों को कहें कि यार ये सारे के सारे अब स्टेट की ओनरशिप में आ गए, रियासत जो है इनको करती है, रियासत इनको तनख्वाह देती है 5 रुपए, बाकी सारा कुछ जो है वो जो फैसले हैं वो रियासत के ब्यूरोक्रेट करेंगे, ये स्टेट कैपिटलिज्म है। ये भी कैपिटलिज्म है लेकिन स्टेट कैपिटलिज्म है। तो जब तक ये डिबेट, तो जो मजदूर था बेचारा जो अपनी लेबर कर रहा था वो तो उसमें भी जलील हुआ, इसमें भी जलील हुआ, उसको तो दोनों में ये हक नहीं मिला कि मैं अपने प्रॉफिट्स जो मैं बना रहा। तो मैं जिस मॉडल की बात कर रहा हूँ जो मेरी नजर में आज के जमाने में मार्क्सियन थ्योरी के साथ अलाइंड है, उसको कहते हैं वर्कर्स कोऑपरेटिव। कि यार 10 लोग, अगर आप 10 दोस्त हैं मिलके एक बिजनेस बनाते हो, आप 10 खुद उसके बारे में फैसले करो। यही अगर मॉडल बन जाता है, माइक्रो मॉडल बन जाता है, मैक्रो मॉडल बन जाता है, तो ये ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा, ज्यादा एथिकल होगा। हम जो प्रॉफिट्स बना रहे हो, अगर आप सोचो ना, अगर आपको मिल रहे हैं, आप बनाते 1000 रुपए का रेवेन्यू हो लेकिन आपको हर मंथ 5 रुपए ही मिलनी है वेज, तो आपका क्या इंसेंटिव है फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ाने में? आपका कोई इंसेंटिव नहीं है बढ़ाने में, आपका कोई इख्तियार ही नहीं है आपने उसके ऊपर। सो अभी तक तो जो डिबेट होती रही है वो है जी स्टेट वर्सेज मार्केट, क्या मार्केट के जरिए होगा या क्या रियासत की जगह होगा। ये डिबेट ही चेंज करने की जरूरत है। और अब इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी जो सबसे बड़े दुनिया के मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, रिचर्ड वुल्फ फॉर एग्जांपल, जो मेरे उस्ताद भी थे, मैं सब लोगों को कहूँगा उनकी यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी देखें, उनका नजरिया सीखें। उन्होंने पूरे कंसेप्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने कहा है कि यार हमें एक नए अंदाज से इसको अप्रोच करना है। ये स्टेट वर्सेज मार्केट की डिबेट 20वीं सदी की डिबेट है। This is irrelevant. This is an old debate. This is not going to solve the problem. Number 1. Number 2, यार इसको practical perspective से सोचो जरा एक मिनट के लिए। 1950s और 60s में जो सुर्खे थे वो ये कहते थे कि जी यार nationalization कर दो, जड़ी फैक्ट्री फड़ो और स्टेट के कंट्रोल में ले आओ। आज भी हमारे कई दोस्त यही कह रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे जी क्या सोल्यूशन है, वो कहेंगे जी नेशनलाइज कर दो। मुझे एक बात बताओ यार, आप अपने ईमान से, आप ये डिजिटल मीडिया भी करते हो, डिजिटल कैपिटलिज्म को भी समझते हो, एप्पल जो है उसका डिज़ाइन कैलिफोर्निया में बनता है, वो लेट्स से चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी, उसके वो चाइना के मजदूर सारे के सारे पकड़ के वो फैक्ट्री नेशनलाइज भी करते हैं, तो एप्पल क्या करेगा? एप्पल क्या, ले लो बेटा बिल्डिंग, एंजॉय करो, शाबाश, इस बिल्डिंग को मजे करो, इसमें इस बिल्डिंग में हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अब दे रहे हैं कम्बोडिया को, हम कम्बोडिया में जाके बना लेते हैं चीज़। H&M जो है वो अगर सूरती को दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट कराची में और वो उसे कह रहा है कि जी ये हम चीज़ बनवा रहे हैं, कराची के वर्कर्स अगर वो उस फैक्ट्री पे कब्जा भी कर लें और उसको नेशनलाइज भी कर दें स्टेट, तो वो कहेगा ठीक है एंजॉय करो बिल्डिंग को, मजे करो, इसमें मशीनें ले लो तुम, हम जो है जाके वो बांग्लादेश को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स इम्प्रैक्टिकल, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एंड इवन इफ इट डज, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट ना, कि यार 1970s के मॉडल्स में USSR में क्या हुआ मिसाल के तौर पर, कि जी वो ठीक है आपने प्राइवेट कैपिटलिस्ट को तो भड़का दिया, आपने जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी की एलीट क्रिएट कर दी। आज सारे मिलियनेयर्स क्यों हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के KGB के। चाइना में देख लो सारी वेल्थ इनइक्वालिटी। तो कुछ लर्न करो ना 20वीं सदी के एक्सपेरिमेंट से। मैं ये मानता हूँ उसमें बड़ी सारी अचीवमेंट्स हुई, एजुकेशन हुई, ग्रोथ हुई, खवातीन के हकूक में बड़ी सारी अचीवमेंट्स। आई वॉन्ट टू रिटेन ऑल ऑफ दैट, बट आई वॉन्ट टू चेंज सम थिंग्स दैट दे गॉट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, पोलिटिकल फ्रीडम्स नहीं थे चाइना में। वीगर्स की आप बात कर लो, चाइना में Tiananmen Square की बात कर लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जाके बोलो तो सही वहां पे कुछ। ये जो आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, इतनी सारी हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ बात कर दी, थोड़ी सी तो चाहिए थी ना कि हम चाइना में करके देखो ना जरा 2 मिनट में। इंटरनेट तक तो चलता नहीं है वहां पर क्योंकि हर चीज मॉनिटर हो रही है ना। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। रियासत जो है उसका काम कंडीशंस क्रिएट करना है जिसके अंदर जो है आम लोग, आम इंसान जो है वो अपनी जहानत, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके अपना जिंदगी अपनी बेहतर कर सकें। यू जस्ट हैव टू क्रिएट द कंडीशंस। ये नहीं कि आप क्या सब कुछ हमने खुद ही करना है, प्लम्बिंग भी खुद ही करनी है हमने जनाब, गाड़ियां भी सबने वही चलानी है, लाडा की गाड़ी जो रूस में आती थी सबने वही गाड़ी चलानी है क्योंकि रियासत ने बना दी है, राइट। यू हैव टू लर्न समथिंग एंड डेवलप पीपल स्किल्स। लोगों में एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी लेके आओ कि लोग अपने बिजनेसेस खुद चला सकते हैं। आप इतना जबरदस्त अभी ये चला रहे हो, आपके साथ 10 लोग और मिलके एक फर्म बनाएं, जिसमें सारे मिल के कलेक्टिवली कोई जो है मार्केटिंग पे फोकस करे, कोई कंटेंट पे फोकस करे, कोई किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस करे, तो ये 10 लोग मिल के क्यों नहीं अपना डेमोक्रेटिकली अपनी एक फर्म चला सकते? क्या कोई जरूरी है कि कोई बॉस ही हो? क्या जरूरी है कि रियासत ही आपको बताया कि शहजाद तुमने ये आज कंटेंट बनानी है और ये नहीं बनानी, इतने बजे काम करना है, इतने बजे नहीं करना? Why cannot it be based on free will? Why cannot it not be based on community? तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ मॉडल, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मेरी कोई इन्वेंशन नहीं है, ये दुनिया के बड़े बड़े मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट जो इस सवाल के ऊपर आज रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने लर्न किया 20वीं सदी की मिस्टेक से, वो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, मॉन्ड्रगॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है स्पेन की, 6th लार्जेस्ट कंपनी है, 80,000 से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, वर्कर्स कोऑपरेटिव के तौर पे चल रही है। 80,000 लोग मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 अपना काम जैसे करते हैं वो करते हैं, चीजें बनाते हैं, लेकिन महीने में एक दफा, साल में एक दफा वो ये भी फैसला करते हैं कि जो प्रॉफिट्स बने हैं हमारे काम के नतीजे में, उन प्रॉफिट्स के बारे में कौन फैसले करेगा? वो खुद फैसले करेंगे, वो खुद ये डिसाइड करेंगे। इसके बड़े सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, कैपिटलिस्ट फर्म में क्या होता है कि जब डिमांड गिरती है प्रोडक्ट की, लेट्स से आप और मैं मिलके, हम 10 दोस्त मिलके एक फर्म बनाते हैं और उसका एक कैपिटलिस्ट एक उसके बारे में फैसले कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में क्या होगा, अगर शूज़ की डिमांड गिरेगी तो वो आपको और मुझे फायर कर देगा, वो कहेगा यार तू जो सामान बना रहा है वो बिक नहीं रहा, तू फारग, तेरी नौकरी गई। अगर यही वर्कर्स कोऑपरेटिव हो तो ना आप मुझे फायर कर सकते हो, ना आप मैं आपको कर सकता हूँ, हम दोनों कॉलीग्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के बॉस नहीं हैं। तो क्या होगा, मैं कहूँगा यार शहजाद इस तरह करो, तुम जो है जितने पैसे ले रहे थे तुम 5,000 रुपये अपने काम कर लो, मैं अपने 5,000 रुपये काम कर लेता हूँ क्योंकि डिमांड गिर गई है। लेकिन हम करते ये हैं कि पहले हम 10-10 घंटे रोज काम करते थे, अब हम 4.5 घंटे कर लेते हैं क्योंकि डिमांड भी गिर गई है। तो वो 4.5 घंटे तो हमारे फ्री हुए ना, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट तो गिरी, राइट? इन अ सेंस इसके फायदे ही फायदे हैं। ये एक बिजनेस फ्रेंडली मॉडल है जिसमें चीजें भी बनेंगी, एफिशिएंसी भी होगी। यू आर कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन अ सेंस, राइट? सो यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम व्हिच इज एथिकल, which is non-exploitative, in which workers control their own lives, etc., etc. और आप रियासत पे इतना बोझ नहीं डाल रहे हो कि यार सारा कुछ ही अब रियासत ने करना है। और जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि यार ये तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के नतीजे में मुल्क बने हैं। इंसानी माशरा 2 लाख से सालों से ज़्यादा हमारी स्पीशी जो है इस प्लानट पर है, हमेशा से मुल्कों में तो हम नहीं एग्जिस्ट करते थे ना। और दूसरी बात ये कि यार आज के ज़माने में तो इतना ग्लोबलाइज्ड मॉडल है कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है हो सकता है इसका दायां स्लीव जो है कंबोडिया में बनाओ, बायां स्लीव जो है बर्मा में बनाओ, शोल्डर इसका जो कॉलर है हो सकता है कि लेओस में बना हुआ हो। तो अब ये एक ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, ये मल्टीनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स का दौर है। इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि रियासत के लेवल पे, एक रियासत के लेवल पे आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ये 1930s-40s का ऑब्सोल्यूट मॉडल है। आज हम हमारा इकोनॉमिक सिस्टम मुल्कों के लेवल पे नहीं चल रहा। जो वॉल स्ट्रीट पे होता है उसका इफेक्ट कराची में भी आपको तारिक रोड पे नजर आएगा। जो है वो हो ची मिन्ह सिटी में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट आपको कोविड को देख लें यार, आप कोविड को देख लो, राइट? सो इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इन विच आपको विन विन क्रिएट करनी है, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने हैं जिसमें को डिपेंडेंसी और ऐसे अरेंजमेंट्स हों जिसमें सबका बेनिफिट हो, जिसमें सारे वर्कर्स का बेनिफिट हो एक साथ। चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम, उस तरफ ना जाइयो। सो एट अ कंपनी लेवल दिस वुड वर्क, राइट? बट कुछ चीज़ें तो स्टेट इंटरवेंशन करनी होंगी कि अगर लेट्स से 80,000 वर्कर्स हैं, वो बैठे हैं, दे डिसाइड कि यार हमारे प्रॉफिट्स इस तरह बढ़ें, करो। लेकिन वो अगर रिवर में डंप करते हैं जिससे कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं होता, बट 25 साल बाद पूरी दुनिया को नुकसान होगा। बिल्कुल। हाउ डू वी आल्सो टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स? तो देखो ना, जिस तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जिस तरह यूएस में एफडीए है मिसाल के तौर पे, वो कोई दवाई अगर बनाता है या कोई चीज़ बनाता है तो वो एफडीए पहले रेगुलेट करती है उसको। कोई आप अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि यार तुम पोल्यूशन कितनी करोगे, ये कितना, वो कितना, सारा कुछ। ये चीज़ें आप रेगुलेट करें। आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार इनकम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, किसी एक वर्कर्स कोऑपरेटिव को बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए, आप टैक्स करो। कैपिटलिज्म में आप करते हो ना, नॉर्वे का इतना हाई टैक्स रेट है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कह लो या जो भी, टैक्सेस के थ्रू करो वो काम। अगर कोई पोल्यूशन कर रहा है, कोई डंपिंग कर रहा है, इस तरह की जो आप कह रहे हो, ये सारे रेगुलेशंस के थ्रू सॉल्व करो। तो मैं कहना एग्जैक्टली यही चाह रहा हूँ कि एक ऐसी रियासत हो जो कि ये रेगुलेशंस पास करे, अच्छे कवानीन बनाए, अच्छे रेगुलेशंस बनाए जिससे इन्वायरमेंट साफ सुथरी रहे, कंज्यूमर के जिस्म में क्या जा रहा है ये रेगुलेट हो। मैं ये नहीं कह सकता कि 80,000 वर्करों ने अपनी डेमोक्रेसी में फैसला कर दिया कि हमने लोगों की लेट से वो ब्रेड बनाते हैं हमने उसमें जहर डाल देना है ब्रेड में, है ना, ये नहीं, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स की भी कोई सॉवरेनिटी होनी चाहिए, तो वो अप्रूवल हो, उसका प्रॉपर चेक हो, उसमें रेगुलेशंस हो। ये सब काम है रियासत के, अच्छे कवानीन बनाना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कंज्यूमर फ्रेंडली हो, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी डन। लेकिन ये कहना कि भी रियासत अब खुद ही ब्रेड बनाना शुरू कर देगी, रियासत खुद ही जो है फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर देगी, दिस इज इनएफिशिएंट। दिस कई इंडस्ट्रीज में ये हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिनको हम अपनी जबान में कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली का मतलब ये है कि यार उसमें मुनाफा होना ही नहीं है, वो सिरे से ही खूह खाता है, वो रसवाई का काम है। इस तरह डैम लगाना, सड़कें बनवाना, बिजली के बड़े बड़े जखायर, कोल के जखायर, इसमें कोई प्राइवेट कोऑपरेटिव या प्राइवेट कैपिटलिस्ट का कोई इंसेंटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कहेंगे जी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यार मैंने जाके जो है वो वाना में फैक्ट्री लगानी है, बिजली के मैंने डैम लगाने हैं जाके उधर, या जो भी करना है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको वहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो बनानी है, ट्रेन चलनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो, ये सारी चीज़ें जो कि नेचुरल मोनोपोलीज हैं जिनमें मुनाफा नहीं बनेगा। इनका मकसद ही नुकसान पे चलाना है, इनका मकसद ही नुकसान पे चलाना है। पाकिस्तान रेलवे को कोई ये मसला नहीं है जो लोग कहते हैं ना वो देखो जी साद रफीक ने इतना नुकसान कर दिया, अच्छा किया, अच्छा किया, नुकसान पे चलना चाहिए था। क्यों? मैं उसकी रीजन बताता हूँ आपको कि जब पाकिस्तान रेलवे सस्ती फ्रेट पहुंचाएगी ना, बिजनेसमैन को देगी कि यार तू इस तरह कर, तू 100 रुपया दे, खर्चा तो रेलवे का आ रहा है 150 का यहाँ से लोकेशन ए से लोकेशन बी पे लेके जाने का, लेकिन हम 100 रुपये पे तुम्हें दे देंगे, हम सब्सिडाइज करेंगे तुम्हारी फ्रेट चार्जेस को। क्यों करेंगे? ताकि जो है नेट बेनिफिट हो, कि कंज्यूमर को सस्ती चीज मिले, राइट। तो नेट बेनिफिट्स क्रिएट करना स्टेट का काम है। स्टेट ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करे जो कि यूटिलिटीज़ हैं, नेचुरल मोनोपोलीज हैं, वगैरह वगैरह, जो कि प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं करेगी। लेकिन बाकी बिजनेसों में कि जी अब यार जूते भी जो हैं वो स्टेट ने बनाने हैं, गाड़ियाँ भी स्टेट ने बनानी है, प्लम्बिंग भी स्टेट ने करनी है, टूटियाँ भी स्टेट ने ठीक करनी है, ये इनएफिशिएंट है। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपने अभी कोल का जिक्र किया, इसमें एक छोटा सवाल है, फिर एक शायद फ्यूचरिस्टिक सवाल है। छोटा सवाल ये है कि लेट्स से रिसर्च आ गई कि भाई कोल ने तो बस दुनिया तबाह कर दी है, भले जितने भी वर्कर्स हैं, ट्रंप ने कोल को अपना वो बनाकर सारा सपोर्ट लिया, वेयर एज व्हाट यूएस शुड हैव डन इज मूव्ड अवे फ्रॉम कोल। बट कल को लेट्स से बाइडन फैसला करता है कि नहीं जी कोल तो हम सारे बंद कर रहे हैं, एक वर्कर्स रेवोल्यूशन आ जाएगा, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। B, maybe the futuristic question is कि हम लेबर मार्क्सिस्ट लेबर पे करता है फोकस। कल को आ गई AI तो फिर क्या करेंगे? फिर तो लेबर का नोशन ही नहीं रहता। Exactly. दो अलग बातें, एक तो जो पहले आपने कोल की बात की उसमें एनवायरनमेंट का एलिमेंट भी है जी। देखो यार बिल्कुल सही बात है कि ये तो एक प्रॉब्लम है ना जो मार्क्सिज्म से आइडेंटिफाई हो रहा है कि जी वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये एनवायरनमेंट का क्या है, राइट। इस पे बड़ा गहरा सवाल है कि भाई इन्वायरमेंट ही नहीं कर रहेगी, अर्थ ही खत्म हो जाती है, तो फिर क्या सरमायादारी और क्या सोशलिज्म, फिर मौजें करो, फिर सांस ही अच्छी नहीं आ रही है ना, फिर कर लो जो करना है। तो इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, इसमें हमें इकोलॉजी की जरूरत है। और मार्क्सियन इकोलॉजी बाय द वे एक फील्ड है जिसके अंदर ये सारी बातें डिस्कशंस हो रही हैं। आपने जो दूसरी बात की क्या थी एग्जैक्टली, सॉरी मैं भूल गया हूँ। कल को AI आ जाती है और जॉब ऑटोमेट हो जाती है। हाँ देखो ये एक बड़ी मज़ेदार एक तजाद है कैपिटलिज्म के अंदर, एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टली सोचें आपको मज़ा आएगा कि यार नोटिस करो कि सरमायादारी एक ऐसा सिस्टम पे चल रही है जिसमें आपको और मुझे मिलती हैं वेजेस। हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उससे हमें तनख्वाह मिलती है, हमें जब तनख्वाह मिलती है हम प्रोडक्ट्स जाके खरीदते हैं मार्केट से, है ना। तो अब अगर एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि हाइपोथेटिकली फ्यूचरिस्टिक एक ख्वाब देखते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जी सारी जॉब्स जो हैं हर चीज़ वो ऑटोमेट हो गई है। रोबोट जो हैं सुबह उठते हैं 9 बजे काम पे जाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और वो चलते भी उस पे हैं, ग्रीन एनर्जी पे चलते हैं, विंड और सोलर से खुद ही वो अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और खुद ही सारा कुछ बना देते हैं। वेरी गुड। अच्छा चीज़ें तो बन रही हैं वैसे सिस्टम में, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, कोई और बना, रोबोट्स बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको और मुझे अब तनख्वाह नहीं मिल रही, है ना, क्योंकि हमारी नौकरियाँ चली गई हैं। हमारी नौकरियां क्यों चली गई हैं? रोबोट ने ले ली हैं। अब जब हमारे पास वेजेस ही नहीं है तो आपके और मेरे पास जब इनकम ही नहीं है तो वो चीज़ें खरीदेगा कौन, राइट। तो ये कैपिटलिज्म के अंदर एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है. मार्क्स इसको कहता है कि इट्स वन ऑफ द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस, टू गो बैक टू व्हाट अमार वाज सेइंग. ये एक प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऑन द वन हैंड कैपिटलिज्म में एक टेंडेंसी है जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है. हाँ, क्यों करती है? क्योंकि कॉम्पिटिशन है. मैं नहीं करूंगा तो मेरा कंपेटिटर कर देगा, वो कम कीमत पे चीज बेचेगा, मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा. तो एक तरफ टेक्नोलॉजी के जरिए कैपिटलिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता जा रहा है, चीजों को सस्ते से सस्ता करता जा रहा है. ऑन दी अदर हैंड सेम स्टोरी का जो फ्लिप साइड है वो ये है कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है तो लेबर पावर रिप्लेस होती है. एआई उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें अब कॉन्शियसनेस वाले काम भी, अल्फा जीरो जो है वो मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड चैंपियन है चेस का, उसको 2 मिनट में फड़का दे. इतना जबरदस्त वो सॉफ्टवेयर है अल्फा जीरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. कहने का मकसद ये कि इवन जो कॉन्शियसनेस की चीजें हैं वो भी अब मिसाल के तौर पर सोचो हम फीड कर दें उसके अंदर और मुझसे कहें कि यार जॉन एलिया तो मर गए हैं, लेकिन इस तरह करो यार आज मूड हो रहा है कोई जॉन की नई गजल सुनने को, तो वो खुद जो है वो जॉन एलिया के स्लूब में मुझे नई गजल सुना दे, या शेक्सपियर का कोई नया प्ले आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. तो इवन ऐसे काम जो हम आप और मैं ये समझते थे कि यार ये तो हमारी ईगो के साथ कनेक्टेड है कि क्रिएटिव सिर्फ हम ही हैं दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी अगर ले लेती है तो आप और मैं फिर क्या करेंगे? नंबर वन तो हम चीजें ही नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि हमारी जॉबें गई. अब जब हम चीजें नहीं खरीद सकेंगे तो चीजें बनेंगी क्यों? सो मार्क्स का जो प्रेडिक्शन है कि बड़ा जबरदस्त प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन ही एग्जैक्टली यही है कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म डेवलप होगा इट क्रिएट्स इट्स ओन ग्रेव डिगर्स, इन द सेंस कि ऑन द वन हैंड वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है बिकॉज ऑफ कम्पिटिटिव फोर्सेज, बट एट द सेम साइड द फ्लिप साइड ऑफ दैट स्टोरी इज कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो जीरो को टच करना शुरू हो जाता है. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं यूरोप वगैरह में. तो नोटिस करो ये बड़ी फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है. तो मार्क्स इसमें से ये आर्ग्यू कर रहा है कि वन ऑफ टू सॉल्यूशंस इज पॉसिबल. या तो ये हो कि हम कहें कि ठीक है यार लोगों की जॉबें चली गई, हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले आते हैं. हम कहते हैं हर बंदे को बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग लेट्स से सर्टेन नंबर ऑफ पैसे जो हैं वो उसकी खुद ही अकाउंट में आ जाएंगे, वो अकाउंट से वो जाके चीजें खरीद ले, तब भी मजे. वरना मार्क्स कह रहा है ऑल्टरनेटिव ये है कि हम एक डिफरेंट किस्म का मॉडल अज्यूम करें जिसमें लेबर का मीनिंग ही चेंज हो जाए. लेबर का मीनिंग अब ये हो जाए लेबर एज अ सोशल रिलेशनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट. अब आप और मैं जो है वो सिर्फ वो काम करें जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपसी ताल्लुक ठीक करना, मिसाल के तौर पे एक दूसरे के शाना बशाना चलना, लोगों के साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करना, आर्ट प्रोड्यूस करना, वो काम करें जो कि जो है हमें मजा देते हैं, हमारी 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 जिंदगी को मीनिंग देते हैं, हमें जो है एक दूसरे के करीब लेके आते हैं. वो काम करें जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही परफॉर्म कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे लिसनिंग एयर जो है, अगर मेरा कोई दोस्त जो है वो परेशान है, उसका ब्रेकअप हो गया है, तो उसको लिसनिंग एयर सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ. मैं उसे कहूँ कि यार आजा यार बात करते हैं, कोई नहीं चीज़ें तो रोबोट बना लेंगे, ये खिलौने खिलौने जो चीज़ें हैं ये तो मटीरियल वेल्थ तो रोबोट बना लेगा, ये सिर्फ तू और मैं ही कर सकते हैं कि यार मैं तुझे एक एम्पथी देता हूँ, आजा बात करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी नरमी से पेश आते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, सिविलिटी से पेश आते हैं. These will be the activities that human beings will be performing. Because जैसे कि आप कह रहे हो लेबर का इशू खत्म होने वाला है, ये और 10, 20, 15, 20 साल की कहानी रह गई है. ऑलरेडी यार आपको पता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स 2030 तक आ जानी है मार्केट में, राइट? 2030 में तो ड्राइविंग जो आपने और मैंने सीखी थी किसी न किसी उस्ताद से, वो एक ऑब्सोलीट किस्म की वो चीज़ हो जाएगी. तो वो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जो अपनी जॉब्स लूज करेंगे सारे, राइट, दैट विल क्रिएट मोर सिविल कॉन्फ्लिक्ट. और मार्क्स कहता है बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि यार जैसे जैसे ये पॉसिबिलिटी करीब आती जाती है, अभी तो चलो मैं 16वीं सदी के आदमी को जाके बताऊं कि यार ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि सब लोग फीड हो सकते हैं, तो वो कहेगा यार तू पागल तो नहीं है. लेकिन अब आज मैं किसी को 2021 में जब ये कहूँ कि यार ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, ये जो तू खजल ख्वार होता है सुबह 9 to 5, ये तुझे करने की जरूरत नहीं है, रोबोट कर देगा, चीजें बना देगा, वो तू जो है वो चीजें कर जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं. सो इन अ सेंस इसका एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट है और एक रिग्रेसिव एलिमेंट है. कैपिटलिज्म के विद इन टेक्नोलॉजी का ये प्रॉब्लम है कि वो ह्यूमन लेबर को क्योंकि रिप्लेस करता है, उससे इंसान के अंदर एंगर क्रिएट होती है. इस तरह आप देख लो यूएस में वर्किंग क्लास में कितनी एंगर है, और वो कभी ट्रंप की सपोर्ट में निकलती है, कभी किसी चीज में, कभी किसी में. इंग्लैंड में देख लो कितनी एंगर है लोगों में. तो ये टेक्नोलॉजी का रिग्रेसिव एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉसिबिलिटी मौजूद है. ये पॉसिबल है आज, ये मुमकिन है आज कि हम दुनिया से ये जो तमाम बड़े बड़े प्रॉब्लम है बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट एनी मोर। लेकिन नोटिस करो ना कि डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी हमारे सोसाइटी में इतनी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बावजूद ईंटें कैसे बनती हैं, ईंटें भट्टा मजदूर जो हैं वो गुलामी की कंडीशंस में, बॉन्डेड लेबर की कंडीशंस में बना रहे हैं। यार कुछ तो बनती है यार, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जो है इतनी बढ़ चुकी है, आप ईंटें जो है वो आज भी गुलामी के थ्रू बना रहे हो। ये मार्क्स कह रहा है ये पागलपन है कि पॉसिबल ना हो। मैं समझता हूँ कि 1000वीं सदी के अंदर 1180 के अंदर मैं समझता हूँ ये बात कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, चलो ठीक है यार, फेमिन आई मर गए, खत्म हो गए, अर्थक्वेक आ गया मर गए, डील नहीं कर सके। आज टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, फिर भी स्टारवेशन है, फिर भी स्लेवरी है, फिर भी फ्यूडलिज्म है, फिर भी जो है इंसान जो है बेचारा जलील हो रहा है। दैट इज मैडनेस। और मार्क्स कह रहा है कि हम एज अ स्पीशी वी कैन एंड वी मस्ट डू बेटर देन दैट। ये है उसमें। Do you feel Pakistan will do better? आपको हमारे अगले 2-3 साल कैसे नजर आ रहे हैं? यार मैं सच्ची बिल्कुल आपके ऑथेंटिक बात करूँ ना, मैं यहाँ पर वो इन ऑथेंटिक किस्म की बात भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऑथेंटिक दिल की बात करूँ ना, आपने कौन से इलेक्शन लड़ने हैं? मैंने कौन से इलेक्शन लड़ने हैं, मेरा कोई सियासी स्टेक्स नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में। मैं अगर बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बात करूँ ना, तो यार वेरी अनफॉर्चुनेट एज इट इज एंड एज इट साउंड्स, मुझे लगता है कि यार जो लास्ट 3 ईयर्स जो गुजरे हैं ना, पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो बहुत ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ले आए हैं ये लोग। एवरीवन इज अफ्रेड, ब्यूरोक्रेट्स आर अफ्रेड, पॉलिटिशियंस आर अफ्रेड, बिजनेसमैन आर अफ्रेड, एवरीवन इज अफ्रेड। तो इसमें से निकलने में ग्रोथ रेट बिल्कुल डिप कर गया है। 5.8 से आप बिल्कुल जो है वो 1-2 पे आप आ जाएं तो आप बड़ी आप समझेंगे याशी वाला ईयर था, तो वो इतना ज़्यादा डिप कर चुका है। मेरा ऑनेस्टली यार ये ख्याल है कि पीपीपी पीएमएलएन अगर पावर में आ भी जाते हैं ना, कोई कोएलिशन नेशनल गवर्नमेंट, 4-5 साल अगले जो है मुश्किल के गुजरेंगे रिगार्डलेस कोई भी आ जाए। इमीडिएटली दिस नोशन हिस्टोरिकली के हमें लगता है कि पीपीपी पीएमएलएन की गवर्नमेंट बुरी गुजरी हैं, लेकिन उनको हमेशा गवर्नमेंट इकोनॉमी बर्बाद करके दी जाती है। तो एटलीस्ट आई मीन 2008 टू 2013 अगर हम देखें जरदारी की गवर्नमेंट, डॉलर क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, 10 ईयर्स ऑफ मुशर्रफ, सोचो यार बिल्कुल एब्सोल्युटली 2008 से 13 तक उन्होंने उठाया, ग्रोथ रेट को चढ़ाया। पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, उसने और चढ़ाया, 5.8 पे पहुंची ग्रोथ रेट, उसके बाद धड़ाम करके अब नीचे आ गई है। तो आप वापस जो है यार पुराने वाले लेवल्स पे, तो मुझे तो लगता है कि हमें 2018 के लेवल तक जाने के लिए, जिस जिस लेवल पे हम 2018 पे थे उस पे जाने के लिए वी नीड 5 ईयर्स। सो यू लॉस्ट अ टोटल ऑफ आई थिंक ये जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है इसके नतीजे में 7-8 साल आपके लूज हुए हैं जो सारे आपको गेन करने पड़ेंगे। और अब कम से कम यार अगर हम इसमें से चलो यही रियलाइज कर लें कि यार चलो ठीक है, हमारे इस गंद की वजह से, हाइब्रिड रजीम की वजह से बच्चे भी भूखे मरे, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई, इन्फ्लेशन भी हुई, सारा कुछ हुआ। चलो आप इसको बिजनेस टर्म्स में एक इन्वेस्टमेंट समझ लो। आप कहो कि यार हमने एक लेसन लर्न करने के लिए, ये जो हमारा ख्वाब था ना एक कि जी इनू भी ट्राई करके देख लो, इसे भी ट्राई करके देख लो, आप ये कह दो कि यार चलो ठीक है ये कॉस्ट हमने पे की है इसको ट्राई करने की, है जी, अब हमने ट्राई कर लिया, हमने कहा यार बातों से नहीं बदलता काम, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक और बड़े सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिसमें सारों को मिल के चलना पड़ेगा। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अदर पीपल, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे हैव नेवर सॉल्व दिस प्रॉब्लम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? यू हैव टू ट्रस्ट द मैसेज। लोगों को ट्रस्ट करो कि यार वो सियाने हैं, वो अक्लमंद हैं, वो अगर जरदारी के लिए वोट डालते हैं सिंध में उसकी कोई वजह होगी, अगर वो MQM के लिए वोट डालते थे कराची में या डालते हैं उसकी कोई वजह होगी। ये चाहे आपको वो लोग अच्छे लगते हों या ना लगते हों, चाहे आपको उनकी शक्लें अच्छी लगती हों ना लगती हों, चाहे वो अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, आपको उसकी विल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग सियाने हैं और लोगों को गलती भी करने दो यार, डेमोक्रेसी में लोग गलतियां भी करते हैं, लर्न करने दो। अब कभी गलती की ना, जिन लोगों ने सपोर्ट किया था पीटीआई को उसमें से बेशतर आप अगले इलेक्शन में देख लेना वो स्विच करेंगे, ज्यादातर लोग स्विच करेंगे। कुछ होंगे डाइट इन द बोल किस्म के जो कहेंगे नहीं 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 खान साहब खूबसूरत इतने हैं कि इन्हों फिर भी करना ही है ना। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें एक एवोल्यूशन का यही एक खूबसूरती है। एंड आई थिंक यार इवेंचुअली अगर हम इसको एक बिटर पिल समझ के कि यार ठीक है यार हमसे गलती हो गई, सब ये नेशनल कंसेंसस एक डेवलप करें कि यार ठीक हो गया, हमारा ये ख्याल था कि ये जो कह रहा है ये कुछ कर सकता है और ये जो है ये जो बातें कर रहा है इसमें कुछ ना कुछ सदाकत है। हम भी सुनते थे यार मजा आता था 2014-15 में ना कि नहीं यार आप उसके दिल की बात करो, मजा आता था कि यार ये जो कह रहा है ना मजा करे वैसे, अगर ऐसा हो जाए तो वो जो इमेजिनरी था वो अब बिल्कुल टूट चुका है। वो जो इमेजिनेशन था ना कि नहीं यार इसको ट्राई करके देखो, खान कर लेगा, 1992 का वर्ल्ड कप जिताया था इसने, राइट, ये सारा कुछ, वो अब इमेजिनरी जो है वो टूट चुका है। एंड वी शुड टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट दैट वी मेड इन आवर फ्यूचर कि हाँ यार ठीक है, हमने कॉस्ट बेयर की, ये 3 साल, अगर 5 साल, आई होप ही कंप्लीट्स हिज टर्म, 5 इयर्स की हमने कॉस्ट बेयर की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमें ये रियलाइज हो गया कि यार ये करप्शन नरेटिव, ये होलियर देन दाओ एटीट्यूड, ये जो सारे मसाइल हैं कि वो संजय दत्त की तरह चलता है वगैरह वगैरह, इससे हैंडसमनेस हैज नथिंग टू डू विद साउंड पॉलिसी, राइट। दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न आउट ऑफ दिस, एंड इफ वी डू इट्स वर्थ इट। चलें, कोई नहीं, इकॉनमी तबाह हो गई, लोग मर गए, बट अल्लाह का शुक्र है कम से कम एक अहमदी इकोनॉमिक एडवाइजर तो नहीं आया ना पाकिस्तान में, ये अच्छा हो गया। देखे ना आप, ये भी तो फायदे हो रहे हैं ना, आप ये भी तो नहीं सोचते आप इन चीजों के बारे में। सही बात। आपने अभी वो लोगों की विल की बात की, तो इसमें तो इलेक्टेबल्स एंड मे बी दिस क्वेश्चंस आर कनेक्टेड के जो खबरनाक के, मैं उनका नाम भी भूल गया, इकबाल समथिंग, आफताब इकबाल, वो आमरीत की बात करते हैं। वो पिछले पॉडकास्ट में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया कि मैंने एक्सपर्ट्स की थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। मैं उन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा था जो कनाडा में बैठ के बोलते हैं इस कौम को डंडा दो, इस कौम को आज़ादी ना दो, शरिया नाफिज करो, जो जनरली आई मीन वी आर टॉकिंग टू शाराम, ही डजंट लिव इन पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट experts and their opinions, and you obviously have a stake in all of this. वो experts जरा जलील होने के काबिल हैं जो और मुल्कों में जाके सारे फायदे उठाते हैं, इंडिपेंडेंस उठाते हैं और कहते हैं ये मुल्क जाहिल है, इनको डंडे दो, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। So maybe the connected questions are के do you think the regime or the deep state has created a government के government कमजोर ही रहे जानबूझकर? So maybe इमरान खान के पर्सनल ओपिनियन जो भी हों, या चले इमरान शेरी मज़ारी को देख लें यार, अगर वो हमारे साथ कहीं किसी कैजुअल पार्टी पे मिल रही होती है, आपके मेरे शेरी मज़ारी के 99% शायद ओपिनियन सेम हो, बट हर पब्लिक ओपिनियंस वी ऑल नो व्हाट दे आर। तो क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं कि उनको फार राइट के भी चाहिए इत्तेहादी, उनको एक सर्टेन नैरेटिव भी देना है, इस वजह से वो चीज़ें नहीं कर सक रहे जो शायद उनके अपने ओपिनियंस हों। इवन थिंग्स अबाउट ब्लास्फेमी लॉ और अहमदी, इमरान खान क्या पहले ओपिनियंस देख लें, यू वुड अज्यूम दोज आर हिज पर्सनल ओपिनियंस, बट हिज पब्लिक ओपिनियंस नीड टू बी डिफरेंट। सो इज इट बेटर कि एक गवर्नमेंट है जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, एंड बी जो आपने कहा था कि लोगों की विल को रिस्पेक्ट करें, लेकिन पाकिस्तान में तो इलेक्टेबल्स होते हैं, सो अगर वो एक स्लेवरी के नोशन से अपने लैंडलॉर्ड को वोट देते हैं, इज दैट रियली अ फ्री वोट? देखो हाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ऑब्वियसली हमारे सिस्टम में और हमें इसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि यार देखो डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम जो है ना, ये एक मेसी सिस्टम है, जिस ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, राइट। इट्स द बेस्ट ऑफ द अवेलेबल, राइट। मेन्यू पे क्या क्या आइटम क्या है, मेन्यू पे से चूज करना है ना। परफेक्ट सिस्टम तो हम बना नहीं सकते, इंसान है आखिर, तो मेन्यू पे से चूज करना है आपने कि यार अच्छा यार ठीक है, इसके ये मसाइल हैं, इसके मसाइल हैं, सारों में से बेस्ट कौन सा है जिससे ह्यूमन फ्रीडम मैक्सिमाइज होंगे। दिस इज द वे आई लुक एट इट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग निर्वाणा इन ह्यूमन सोसाइटी, राइट, पॉसिबल नहीं है। सो नंबर 1 तो ये है कि परफेक्शन नहीं क्रिएट हो सकती। व्हाट वी कैन डू इज कि हम ये लोगों को कहें कि यार फ्री विल है तुम्हारी, जिसको मर्जी वोट डालो, आज भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 5 इयर्स बाद भी तुम्हें राइट मिलेगा, उसके 5 इयर्स बाद भी मिलेगा, उसके 5 every 4 to 5 years you will get the right to choose who your representatives are. And historically हमने क्या देखा है, मिसाल के तौर पे US का भी इलेक्शन हुआ है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जी लोगों ने 2016 में एक मिस्टेक की है ना, लोगों ने एक जो है एक एक्सट्रीमली ऑड किस्म के पॉलिटिकल कैंडिडेट को इलेक्ट करके सदर बना दिया मुल्क का। 4 साल बाद जो है वो रिवर्सल हो गया, ठीक है। वही इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, लोगों ने 4 साल सोचा, गौर व फिक्र किया, देखा, ऑब्जर्व किया कि यार गलती हो गई है। एक्चुअली दो साल बाद ही। इससे भी यार घटिया एग्जांपल्स आपको मैं माशरे से, हिस्ट्री से दूं, लोगों ने हिटलर को यार डेमोक्रेटिकली इलेक्ट कर दिया। आज जर्मनी में आप जब जाओ, बर्लिन में, उसको बात करो कि यार आपके ग्रैंडफादर ने किसको वोट किया था, तो वो शर्मिंदगी से आपको मुंह छुपाते हुए बताएगा कि यार आई एम रियली सॉरी यार, ये हो गया था मेरे से गलती से, मेरे एंसेस्टर्स से, और हम शर्मिंदा हैं इस पे। किताबों में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके बारे में सारा कुछ है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और उस लॉन्ग टर्म आपको यू हैव टू ट्रस्ट द मेथड। आपको मेथड को ट्रस्ट करना है कि यार इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इस प्रोसेस के नतीजे में तरक्की भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, आर्ट कल्चर भी चलता है, सारा कुछ होता है। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, सिर्फ मैशत तो नहीं है, सिर्फ रोटी पानी तो नहीं चाहिए ना इंसान को, कुछ और भी चाहिए लाइफ में, कुछ और भी तो हो रहा है। डेमोक्रेसी के नतीजे में अच्छी किताबें लिखी जाती हैं, अच्छे नॉवल बनते हैं, अच्छा थिएटर होता है, अच्छी फिल्म बनती है, सारा कुछ होता है ना। इट्स ऑल द थिंग्स दैट मेक्स लाइफ वर्दी ऑफ लिविंग। इट्स नॉट जस्ट यू नो थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट टॉयज दैट वी वांट रियल स्टफ, आइडियाज, लव, एम्पथी, आर्ट, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, ऑल द रेस्ट ऑफ इट। So if you trust the method, आप ये realize करोगे कि हाँ, sure enough, बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में मजारत की वजह से वोट डाल रहे हैं कि जी हमारा जो पीर है हमने उसको जाके वोट डाल देना है। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जो है एक माशरे में डेमोक्रेसी नहीं होती और एज अ रिजल्ट एजुकेशनल और हेल्थ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होते, तो वो मज़ारा जो है उसका बेटा भी मज़ारा रहेगा, उसका ग्रैंडसन भी मज़ारा रहेगा, उसका ग्रेट ग्रैंडसन भी ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी मज़ारा रहेगा, और ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी को एज अ मेथड ट्रस्ट करते हो, क्यों ट्रस्ट करते हो? इसलिए नहीं कि यार ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसलिए ट्रस्ट करते हो कि जो इलेक्ट होके आया है उसने 5 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा भी इलेक्ट होने जाना है, तो वो कुछ करेगा तो अपना मुंह लेके जाएगा ना वहां वापस, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा प्योरली बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। तो वो जब पॉलिसी की डोमेन में चेंज होगी, जब तालीम की शरह बढ़ेगी, सारा कुछ बढ़ेगा, तो लोग सोचेंगे ना। देखो ना, आपको मैं जितना मर्जी जो है कन्विंस कर दूं या जो मर्जी कर दूं, आप एज अ वोटर इंडिपेंडेंट चॉइस से जाके वोट डालोगे, आप अपना एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि यार अच्छा पीएमएलएन के दौर में ये ग्रोथ हुई, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, इधर डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज का आप अपने दोस्तों से डिबेट करोगे। इवेंचुअली आपने इतना कुछ पढ़ा लिखा है, आप जाके उसकी बुनियाद पे, क्यों, व्हाई कुड यू डू इट? बिकॉज यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आपके पास तालीम है, आप जो है यू नो सॉवरन इंसान है। तो इंसान की सॉवरेनिटी जो है वो एक रिजल्ट भी है और एक प्रोसेस का नतीजा भी है, राइट? तो वो कैसे काम किया जाए कि हमारा जो वोटर है वो भी एजुकेटेड बने। सो दोनों काम करने की जरूरत है, एक तरफ डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम को ट्रस्ट करने की जरूरत है, दूसरी तरफ वोटर की कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज करने की जरूरत है कि यार थोड़ा सोच समझ के डाल यार, क्या कर रहा है। दोनों चीजें एक साथ होने की जरूरत है। सो आई फर्मली बिलीव इफ वी ट्रस्ट द मेथड, तो वो ओवरऑल जो है अम्मार अली जान जैसे लीडर भी आपको नजर आएंगे 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, वरना नहीं होगा तो कभी भी अम्मार अली जान जैसा लीडर नहीं बन सकता पाकिस्तान का वजीर आजम। यू आर राइट कि कुछ तो डिलीवर करना है। आई मीन वी लुक एट मोदी एंड वी सी फैसिज्म, लेकिन पीपल आल्सो सी इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल आल्सो सी देयर लाइव्स इंप्रूविंग। तो वो फिर एक बड़ी लंबी डिबेट है कि आर पीपल वोटिंग फॉर हिम डिस्पाइट दैट और बिकॉज ऑफ दैट, कि वो वाकई चाहते हैं कि एक्सक्लूजनरी हो या वो कोलैटरल डैमेज समझ के देते हैं कि चलो इकोनॉमिक ग्रोथ तो अगर कुछ माइनॉरिटीज का नुकसान हो रहा है तो होता रहे। इन टर्म्स ऑफ वीक कोएलिशंस, डू यू फील कि ये भी एक सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम की एक फॉल्ट है कि वीक कोएलिशन से ही बनकर आते हैं, तो वो हमेशा डामाडोल ही रहते हैं? देखो ना यार, पीएमएलएन कोएलिशन माइट बी एबल टू काउंटर। यार देखो, कोई भी ऐसा माशरा ना पाकिस्तान जैसा, इंडिया जैसा, जिस जो कि मल्टी नेशनल भी है, मल्टी एथनिक भी है, मल्टी लिंग्विस्टिक भी है, इंडिया के केस में मतलब और भी ज़्यादा किस्म की वेरिएशंस हैं जिसमें, तो उसमें आप गौर करो, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर ऑफ नेसेसिटी कि लोगों की इतनी ज़्यादा डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, है ना। और डेमोक्रेसी क्या है कि मेरी जितनी भी शनाख्तें हैं सब रिप्रेजेंट हों, राइट। मैं अगर मेरी कोई एथनिक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो भी रिप्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी मेरे दिल के करीब है। मेरी कोई नेशनल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक वगैरह वगैरह। सो इट इज गोइंग टू बी मैसी। आप इंडिया के पार्लियामेंट में देख लो, इतनी सारी पार्टियां होती हैं, फिर उनके कोएलिशंस आपस में बनते हैं। दिस इज द वे इट इज एंड दिस इज द वे इट शुड बी, ताकि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी रहे कि रीजनल पार्टियां हैं कुछ, वो सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स करती हैं, कुछ पार्टीज हैं वो सिटी लेवल की सिर्फ पॉलिटिक्स, कराची की जिस तरह MQM है वो सिर्फ सिटी लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है या हैदराबाद तक जा रही है ज्यादा। तो डिफरेंट इलाकों में दैट्स द ब्यूटी ना, कि सारे शेड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फ्लिप साइड क्या है, लाइक एवरीथिंग इफ इट्स अ गुड थिंग इट आल्सो हैज सम बैड पॉसिबिलिटीज व्हिच इज, एंड इफ यू लाइक द गुड थिंग्स यू हैव टू डील विद द बैड थिंग्स, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये निज़ाम जो है इसकी अच्छाइयाँ तो सिर्फ पसंद है, इसमें कुछ फ्लिप साइड भी होगा प्रॉब्लम का। फ्लिप साइड यही है कि पिछले काफ़ी सालों से हमारे यहाँ वीक गवर्नमेंट्स आ रही हैं, राइट। कुछ तो इसमें ये मामला है कि हम एक डाइवर्स कंट्री हैं तो डाइवर्सिटी का ये एक नतीजा होगा। कुछ इसमें जो है जाहिर है कि कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं जो डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, पर अपना जो उनके उनके हक में ही ये नहीं है। सारी बातें खुलकर करके अब आप सेटल हो रहे हैं। You're like, अब मैं इंटरेस्ट ग्रुप कह देता हूँ, पिछले घंटे कॉर्नफ्लेक्स तक जलील हो चुके हैं। Now you're like, maybe I should be a bit more subtle about this. So वही ना, so वो establishment के जो representatives हैं, जो beneficiaries हैं, उनका भी इसमें इंटरेस्ट है कि एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट रहे। क्यों वीक रहे? ताकि वो कंट्रोल हो सकती है। फिर आप देखो जब 2/3 मेजोरिटी आई थी नवाज की 97 में, तो वो काफी ज्यादा पॉलिसी की डोमेन में काफी ज्यादा चीजें कर पा रहे थे, लेकिन वो इसीलिए 99 में फिर कू हो गया। तो इन अ सेंस जो है, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्लस नॉन डेमोक्रेटिक इतने ज्यादा हैं, तो वो जब टसल क्रिएट होती है तो सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ शेयर बनाना है, और सब ने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है कि यार वर्स्ट केस सिनारियो में इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। अब आप देख लो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी थिन सी कोएलिशन मेजोरिटी से आई हुई है, तो एज ए रिजल्ट उस पर भी कॉन्स्टेंटली तलवार लटक रही है कि जी यार ठीक है, ये बंदे हमने तेरे साथ जोड़े थे, है ना, काफ लीग तेरे साथ जोड़ी थी, वगैरह वगैरह तेरे साथ जोड़ी थी, ज्यादा अगर चूं चढ़ा की, ज्यादा मिन-मिन की तो ये साइड पे भी हो सकते हैं। So, constant threat है। आपने जो सिस्टम की बात की, एक तो चलें वो सिस्टम के अंदर वैल्व्स हैं, सिस्टम की खूबसूरती है, बट एक आउट ऑफ सिस्टम भी तो है ना, कि इवन दो पीटीआई की टिकट से जीते हैं वही लोग हैं जो पीएमएलएन की टिकट से जीते थे, वही लोग हैं जो पीपीपी की टिकट से जीते थे। सो दैट इट्स नॉट representative democracy, it's these electables के even though on paper ये आपकी majority है, ये आपके candidates हैं, but वो किसी के candidates नहीं है, वो fair weather candidates हैं। पाकिस्तान के मसले हम अगर discuss करते रहे तो हम करते ही रहेंगे। I've taken up more time of yours than you've been very kind to give so much time, but I would be remiss to not ask you these questions before we end, कि ये क्यों हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि लेफ्ट के लोग अक्लमंद भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और फिर गाते भी इतना अच्छा हैं, ये क्या बदतमीजी है? आप और अम्मार राशिद is two of my favorite voices in the country. Is it that के जब जुल्म होता है तो फिर दर्द से आवाज निकलती है, ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा? यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर नोटिस करो पाकिस्तान में जितने भी, क्योंकि सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड है ना क्रिएशन के लिए, इस तरह की चीजों के लिए, और फिर कुछ ना कुछ ऐसी फैमिलियों में एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अगर कोई बच्चा जो है वो म्यूजिक और पोइट्री में इंटरेस्टेड है तो माँ बाप ये ना कहें कि पुत्र है कि मरासियाँ वाला काम शुरू करता है ना। तो वो कुछ तो इसमें ये है कि अमार के केस में भी, मेरे केस में भी, कुछ हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हैं कि हमारी फैमिली सपोर्टिव थी, मिडिल क्लास के लोग हैं लेकिन सपोर्टिव लोग थे। फिर ये है कि यार एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें खुल के बात करना जो है वो पॉसिबल ना हो, तो आपको तशबीह में बात करनी पड़ती है ना, आपको डिफरेंट लफ्स यूज़ करना पड़ता है सेम चीज़ के लिए। तो वो थैंकफुली आप नोटिस करो हमारे जो बुजुर्ग थे बाबा बुल्ले शाह वगैरह, वो भी जो हैं वो सारे मेटाफर में बात कर रहे थे, शायरी में बात कर रहे थे। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट इसमें जिस तरह हम हमारे जो उर्दू के टीचर होते हैं ना, वो भी हमें गलत सिखाते हैं चीज़ें कि नहीं रूमी तो खुदा के इश्क के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं रूमी शम्स के इश्क के बारे में बात कर रहा है। दिस इवन दिस नोशन दैट यू नो लोग पोस्ट दैट रूमी कोट इज नॉट अबाउट योर बॉयफ्रेंड, इट इज अबाउट गॉड। नो, द ओनली रीजन इट वर्क्स इज इट इज आल्सो अबाउट गॉड एंड इट इज आल्सो अबाउट योर बॉयफ्रेंड एंड इट इज आल्सो अबाउट रूमीज बॉयफ्रेंड। मतलब बुल्ले शाह वुड लिटरली वुड बी लाइक कंजरी बन के यार मनावट दे, एंड पीपल वुड बी लाइक नहीं ये इसमें खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। नहीं वही ना, थिंक अबाउट इट ना, यू कांट से एवरीथिंग इन प्रोज, राइट? सो इन अ सेंस आपको जो है यूज करने पड़ते हैं डिफरेंट मेथड्स अपनी बात करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू यार ये कि जो है म्यूजिक जो है इन अ सेंस ये हमारी सेंसिटिविटीज के साथ कनेक्टेड है ना, ये एक आर्ट की एक्सप्रेशन की फॉर्म है जिसमें हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। कई बातें आप गौर करो, मैं चाहूँ भी ना तो मैं जुबान में नहीं कह सकता, मैं चाहूँ भी तो मैं कई अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो ट्रॉमाज हैं, जो अपने अंदर जो दुख दर्द भरे हुए हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर ओन मिजरीज, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज की लिमिट्स हैं, लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, तो कई चीज़ें सिर्फ बात ही जो है वो उसमें हो सकती है, वो मैं चाहूँ भी तो नहीं हो सकती। जितनी मेरे ऑथेंटिक मैं बात करना भी चाहूँ तो वो एक जॉन ने कहा ना, बंद बाहर से मेरी ज़ात का दर है मुझ में, बंद बाहर से, आप सोचो दरवाजे दो किस्म के बंद होते हैं। अभी आप अपने बैठे हुए अपने कमरे में, आपने खुद अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ, लॉक किया हुआ कि कोई आके तंग ना करे, आपका जब दिल करेगा आप खोल लोगे। लेकिन कुछ दरवाजे हैं जो बाहर से बंद हैं। जॉन कह रहे हैं बंद बाहर से, अंदर से नहीं, बंद बाहर से। मेरी जात का दर है मुझ में, मैं नहीं खुद में, ये एक आम खबर है मुझ में, है कि मुझे खुद भी अपना जो है एक नहीं पता। जब तक मैं उस आर्टिस्टिक प्रोसेस के अंदर नहीं जा रहा, जब तक मैं उस क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर अपनी लिमिट्स को, अपने माइंड की लिमिट्स को टेस्ट नहीं कर रहा, तो वो खुद भी मेरा जो सबकॉन्शियस है वो कहीं रिप्रेस्ड है। तो वो कब खुलेगा, वो कब वाह होगा मेरे लिए, जब मैं अपने लैंग्वेज के बियॉन्ड, लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव जो प्रोसेसेस हैं, उनको फ्रीली एक्सप्लोर कर सकूँगा। तो वो हमें बाकी चीज़ों में इजाज़त नहीं थी करने की पाकिस्तान में, जिस तरह का माशरा है। तो वो हमें सिर्फ म्यूज़िक में उसका एक कैथार्सिस मिला। और शायरी हमारी इतनी ज़बरदस्त है उर्दू पंजाबी की कि वो नेचुरली जो है पर एक अलाइंस बनती है। तो आप यू हैव वन ऑफ माय फेवरेट वॉइसेस एंड ऑब्वियसली ट्रेन हुए में लगता है या प्रैक्टिस हुआ हुआ है, बट योर टेक्सचर इज सो यूनिक, इट मेक्स मी थिंक दैट दैट इज अ गिफ्ट। डिड यू क्रिएट दैट और वर यू जस्ट बॉर्न विद दैट वॉइस टेक्सचर? पहले तो थैंक यू आपका कि आपने ये कहा। यार ऐसा था कि मैं जब था ना 3 साल का, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे, आपने देखा होगा वो पाकिस्तान में एक टॉय मिलता है छोटा सा पियानो सा ना, इतना सा, जिसमें बच्चे जो टू टू करते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया। मैं 3 साल का था, तो मैंने उस पर खुद ही जो है ना ट्यून्स वगैरह बनानी शुरू कर दी। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यार इसमें कुछ है, तो सिंगिंग भी मैं ऑटोमेटिकली खुद ही करता था, मुझे शौक था इसका, एक नेचुरल, बट इट जस्ट केम फ्रॉम विद इन। तो फिर व्हेन आई टर्न्ड 7, तो फिर मेरे वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया था जब मैं 6 साल का था। तो जब मैं 7-8 साल का था, तो मेरी अम्मी ने जो है मुझे एक म्यूज़िक टीचर थे, उनके साथ उन्होंने कहा कि बेटा तुम सीखने की कोशिश करो इसको। उस्ताद महफूज खोकर थे, उनका नाम पिंडी के, काफ़ी बड़े थियोरेटिशियन है म्यूज़िक के, तो उनके साथ फिर मैंने सीखा भी इसके ऊपर। सो इट्स अ बिट ऑफ बोथ, इसमें कुछ नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से होता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स कैसे बने हुए हैं, क्या सीन है, और ये माइंड का भी काम है इसमें कि माइंड आपका किस तरह से ऑपरेट करता है। फिर इसमें ऑब्वियसली लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड रियाजत और रियाजी जो है, प्रैक्टिस जो है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो कुछ दोनों ही हैं मामला, यार नेचर और नर्चर दोनों हैं। तो बैंड, आप लोग काफ़ी क्यूरियस थे कि बैंड क्यों टूटा आपका? अच्छा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। एक तो जिस तरह मैं इसको समझता हूँ, मैं इसके बारे में जनरली पब्लिकली बात नहीं करता, क्योंकि एक तो हमारे घर का मामला मतलब तैमूर स्टिल माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, इज लाइक अ ब्रदर। मेरे टीचर थे, आपको शायद पता हो गया नहीं, लम्स में मेरे उस्ताद थे वो। तो लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो इंसान के व्यूज़ डिफरेंट चीज़ों पे चेंज होते जाते हैं। आपने शायद देख ही लिया होगा कि मेरा हर पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर, इवन मार्क्सिज्म के ऊपर मेरा डिफरेंट स्टैंड है। मैं उस तरह का ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है मेरा। आई कंसिडर माई सेल्फ मार्क्सिस्ट बट नॉट एन ऑर्थोडॉक्स ऑफिशियल काइंड ऑफ मार्क्सिज्म में दूर भागता हूँ। मैं उसका भी उतना ही क्रिटिसिज्म करता हूँ जितना सरमायादारी का करता हूँ। सो कुछ तो उसमें हमारे ख्यालात में डिफरेंसेस हैं, कुछ हमारे म्यूज़िक की अप्रोचेस में फ़र्क है। तैमूर ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक से इंस्पायर्ड हैं, मैं ज़्यादा नॉर्थ इंडियन क्लासिकल देसी म्यूज़िक में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। सो कुछ हमारे म्यूज़िकल टेस्ट्स का भी डिफरेंस था, कुछ हमारी सियासी पोजिशंस का भी डिफरेंस था, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि लोग डिफर करें, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो उस पर आपस में। तो इसलिए बेसिकली जो है डिफरेंट हम कर रहे हैं। तैमूर अपना कर रहे हैं, मैं अपना इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। और इस साल होपफुली जो है मैं अपना कुछ नया म्यूज़िक लॉन्च भी करूँगा, तो आपके ज़रिए जो है मुझे हम इसमें डाल देते पॉडकास्ट के शुरू ही एंड में ना टीज़र डाल देते ताकि लोग उसको सुन सकें। No, it's beautiful, and आपने भी जिस तरह कहा ना that marriage of poetry के it's I don't know हमारी ये दुख है या ये अच्छी बात है हमारे लिए कि 20-30 साल 40 साल पहले भी जो बातें कर रहे थे शायर, अगर हबीब जालिब कुछ कह रहे थे वो इतनी पॉइंटेंट है कि लगेगा आज अभी की बात कर रहा है ये इंसान ने घंटा पहले ये चीज़ लिखी है। वाह वाह वाह। नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। मतलब जालिब और फैज़ ने तो यार जिस तरह माशरे की नब्ज़ पे हाथ रखा है ना, जैसे उन्होंने समझा है, मैं कहता हूँ यार ये पाकिस्तान के बेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ये एग्जैक्टली समझते थे कि यार इंसान के जहन के अंदर जो है ना क्या मिजरी चल रही है ना, कैसे उसके ख्वाब टूटे हैं। आप सोचो ना यार, 1947 में जब ये मुल्क बना था, हमने जब अंग्रेजों से, गोरों से आज़ादी ली थी, क्या क्या ख्वाब, क्या क्या इमेजिनरीज थे कि यार अब अपना मुल्क होगा, मजा आ जाएगा यार, दाग दाग उजादा, ये सब कसीदा शहर, वो सोचो ना नहीं शहर, आई डोंट नो व्हिच वन इट इज नाउ, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, शहर तो वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लिए चले थे यार, वो है यार। और वो आज भी कहीं वो ख्वाब जो है वो हमें जो है वो उसकी जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है ना, इसीलिए वो आज भी खूबसूरत साउंड करती हैं वो चीज़ें, आज भी वो लगती हैं दिल को जाके, क्योंकि ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक बात जो होगी ना, जो सच्ची बात होगी, जो दिल की बात होगी, वो हमेशा दिल को लगेगी जाके। वो है ना एक पंजाबी का एक शेर है कि तेनू दिल दा मसला दस्या, तेनू दिल दा मसला दस्या, वो ऐ भी दस्या मसला तू है, तेनू दिल दा मसला दस्या, तेनू दिल दा मसला दस्या, ऐ भी दस्या मसला तू है, तेरे वल्लों कोई तसल्ली ना कोई हल है, ऐ कोई गल है। वाह, ऐ कोई गल है। डू यू फील कि जालिब को शायद इतना क्रेडिट नहीं मिलता बिकॉज़ फैज वाज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंसिया, व्हेयरएज जालिब वाज मे बी मोर ऑफ अ मैन ऑफ द पीपल? मतलब मैं इस तरह से उनको आपस में कंपटीशन में नहीं लेके आता हूँ, दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों हमारे लिए। लेकिन जालिब पढ़ाया नहीं जाता, फैज पढ़ाया जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, हाँ, that's true, क्योंकि एक तरह से उर्दू की पोएटिक ट्रेडिशन में ना एक तरह का ये एक एलिटिज्म है कि यार जो मुश्किल लफ्ज यूज करता है ना उसको जरा ज्यादा हायर लेवल पे है जी, कि फुगां पे ना जा तश्तरी कफस के फुगी, ये वाली जो है, जो कि कम से कम मास्टर्स लेवल के उर्दू स्टूडेंट को ना समझ आए, वो जो है हम समझते हैं ये बहुत जबरदस्त बात की है। लेकिन जालिब जो है मिसाल के तौर पे, या इवन जॉन, अब कंटेम्प्रेरी उसमें अगर देखे जाएं तो वो कितने सादा अल्फाज में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, है ना। फिर जालिब का जो एक और बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यार, प्रॉब्लम इन द सेंस कि रूलिंग क्लास के लिए प्रॉब्लम है, आवाम के लिए नहीं, वो ये है कि यार वो बहुत डायरेक्ट ठा करके मारते हैं ना, कि भाई हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, है ना। तो वो जो है वो उसमें कोई वो नहीं रहता, मेटाफोरिक एलिमेंट थोड़ा कम हो जाता है, ज्यादा क्लियर हो जाती है बात, है ना। तो वो थोड़ा सा उसमें है, जुल्मत को ज़िया, क्या कहना, अब ज़िया का नाम आ गया डायरेक्टली, है ना। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है वो एक कॉन्स्टेंटली आपको नजर आएगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैज साहब को एफएससी में भी पढ़ाया जाता है, बीएससी में, मास्टर्स में भी। जालिब को वो नहीं दिया जा रहा स्टेटस जो वो डिजर्व करते हैं। हालांकि जालिब की गज़लें अगर आप देखें वो बड़ी क्लास की गज़लें हैं, बड़े नेक्स्ट लेवल की हैं। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने नज़्म को जान के चूज़ किया, इसलिए नहीं चूज़ किया कि वो कर नहीं सकते थे गज़ल। बड़ी ज़बरदस्त गज़लें हैं जालिब की। नो नो, आई एम अ ह्यूज फैन। मैंने कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैंने एक मूवी लिखनी है उन पर, ये मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, बिकॉज आई थिंक स्टिल अनफॉर्चुनेटली जॉन को इंटरनेट ने ज़्यादा फेमस कर दिया है। इंटरनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉन्स फेम मोर देन एनीथिंग एल्स। तो अक्सर हमारे जो हीरोज हैं, जिस तरह मे बी मंटो, अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड आउट बिकॉज ऑफ द मूवीज। ट्रू, वेयर इज मंटो को भी आपको पढ़ाना चाहिए, पॉपुलराइज और होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विरसा है भाई, ये हमारा बहुत बड़ा विरसा है, और ये सिर्फ इंडो पाक तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। इन लोगों को ट्रांसलेट होना चाहिए दूसरी जबानों में, जिस तरह फैज साहब की तो है ट्रांसलेशन स्पेनिश में, वही तो फैज साहब पे आप इंटरनेशनल भी, आपको बहुत लिटरेचर मिलेगा, बहुत एनालिसिस मिलेगा। मे बी आई एम नॉट आल्सो दैट एक्सपोज्ड, मेरा मास्टर्स एक्चुअली थिएटर में, तो मैंने काफी ये पढ़ा हुआ है। जालिब का आपको बाहर नहीं मिलता, वेस्टर्न स्कॉलर्स एनालाइज कर रहे हैं, उस तरह से नहीं मिलेगा। नहीं, फैज ज्यादा ग्लोबल पर्सनैलिटी थे यार। कुछ तो उसमें सोवियत यूनियन का भी था मामला कि उनको लेनिन पीस प्राइज वगैरह मिला पाब्लो नेरुदा के साथ। तो फैज साहब के ऊपर तो रूस में बाकायदा स्टडीज होती थी, लोग रूसी लोग, रशियन लोग जो है उनकी शायरी पढ़ते थे, क्योंकि जिस तरह से लव के मेटाफर को उन्होंने कंबाइन किया है रेवोल्यूशन से, इन दो थीम्स को जो कंबाइन किया है वो सर जी बहुत नेक्स्ट लेवल का काम। आई मीन दैट आल्सो हिस्टोरिक रूट्स इज, आई नो आई मॉक्ड इट, बट दैट नोशन ऑफ पर्सोनिफाइंग गॉड इन सूफी पोएट्री, उसको इन पर्सोनिफाइंग द कंट्री। एंड आई थिंक आपने अगर हैदर देखी है, विशाल भारद्वाज हैज यूज्ड इट वेरी मास्टरफुली टू टेक दैट आइडिया दैट Hamlet is Denmark as a diseased country, and to use that for Kashmir, and then use Faiz's words for that. I think it did quite a beautiful job with that. हाँ, नहीं बिल्कुल यार, ये देखो ना, ये हमारे दिल को लगने वाले metaphors हैं, ये native metaphors हैं। जिस तरह अब देखो ना यार, अभी तक तो हम जब ये Marxism वगैरह भी करते हैं, जब हमारे official left के जो दोस्त हैं, वो सारा वही जो है वो रूसी फिगर्स और वो सारे वो वाले उसमें फिगर्स हैं, जबकि यार देखो ना कैसे कमाल कमाल हीरे हमारे खित्ते ने पैदा किए हैं। ऐसे कमाल कमाल क्यों नहीं हो सकता कि यार जालिब की फिगर लगी, तस्वीर लगी हुई हो हमारे झंडों पे, फैज साहब की हो, जनाब भगत सिंह की हो। मजा तो तब आता है ना। किया ना शहबाज शरीफ ने विदाउट अ सेंस ऑफ आयरनी, यूज जालिब एंड लाइक सर ये आप ही के खिलाफ लिखे जा रहे हैं। दैट्स लाइक ज़ियाउल हक बीइंग लाइक जुल्मत को ज़िया, सर को सबाब, बंदे को खुदा क्या लिखना। बट आई थिंक आयरनी और सैटायर भी इस मुल्क में समझ नहीं आता। अगर कहते हैं कि ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं प्रॉब्ली मोस्ट पीपल भी लाइक हाँ सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा है ये, क्या है जहल, आवाम जाहिल है। हालांकि वो सैटरिकली कह रहा है, वो बिट में कह रहा है कि यार वो तुम ट्रस्ट नहीं करते हो उनकी, उनको जाहिल समझते हो, है ना, जाहिल का निचोड़ समझते हो। हालांकि इन्होंने क्या हुक्मरान बनना है, वो तो सैटरिकली बात कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मुझे कहते थे लिख के, यार बिल्कुल ठीक गाया तूने, बिल्कुल ठीक बोला है, वाकई जाहिल का निचोड़ है, बिल्कुल ठीक बोला। वो बहुत अच्छा है। वो मैं रोड साइड, अब कराची आते हैं, रोड साइड कैफे है, वहाँ पे मैं अक्सर चाय पीने जाता था, और ये हर चौथा गाना ये होता था एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच। मैंने उससे ये कहा, बहुत ज़बरदस्त, मुझे, मैं रोक देता हूँ इससे पहले कि मैं वो जलालत करूँ जो, जिससे मुझे नफरत है। मतलब द वन थिंग आई हेट द मोस्ट इज़, अगर मैं कहीं कोई जाऊँ, पीपल आर यू कॉमेडियन टेल अस अ जोक, तो इससे पहले कि मैं सेल्फिशली वो जलालत आपके साथ करूँ, बोला यार प्लीज, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर टू स्टॉप इट बिफोर आई डू दैट। आप वैसे, आप अभी जब ट्वीट पढ़ रहे थे, आपने वो somebody also tweeted saying कि आपने जब वो बेनज़ीर के इंतकाल के बात किया था, so let's just answer that as well and conclude with that. How did that come about? What were the thoughts? ये जो अभी recently वो लड़की लाल कलंदर थी, नहीं वो मैंने उससे ये कहा कि वक्त में नहीं बेनज़ीर वाला था ना कि मैंने उससे कहा मत समझो हमने भुला दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें जो है वो ये है कि यार एक दो बातें, एक तो ये कि ये एक पुराना एक गीत है पीटीवी का, इसकी जो पहली 2 लाइनें हैं, मत समझो हमने भुला दिया, ये पुराना एक सॉन्ग के ऊपर बेस्ड है। तो जब अहमद फराज की जब डेथ हुई और उसी ज़माने में बीबी का भी वाकया हुआ था सारा कुछ, तो उसका एक बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ। कौन सी वाली? 2 दफ़ा अहमद फराज की डेथ हुई है ना, एक दफ़ा उनकी डेथ और एक दफ़ा जब शबली फराज दो डेथ्स हैं उनकी, जब उनकी रियल फिजिकल डेथ हुई, तो बीबी का भी वाकया उसी जमाने में हुआ था और अहमद फराज का भी, तो उसका एक बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि एक तरह से वी ग्रू अप लुकिंग अप टू बीबी एंड अहमद फराज साहब। इस्लामाबाद में रहते थे, अक्सर हमें नजर भी आते थे, मैं पिंडी में था, तो उसका बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ। तो ये एक पुराना एक गाना था जो मैं बचपन में गाता होता था, तो उसको हमने एक तरह से उसमें नए लिरिक्स ऐड किए, मैंने उसमें नए लिरिक्स ऐड किए, उसके 2 बंद जो आगे लिखे। तो उसका यही था यार कि भाई मतलब इनकी लेगेसी को आगे चलना ज़रूरी है। ये जो वाकया हुआ है, हमने बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स लूज़ किए हैं यार पिछले 20 सालों में। बीबी बीइंग, जो भी बीबी के आप जो भी कहें, उनकी यार एक ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, इतने जो है मिसोजिनिस्टिक और पेट्रियार्कल समाज के अंदर निकल के आना, और ऐसे आफ्टर ज़िया, आफ्टर 10 years ऑफ ज़िया, हाँ सोचो ना। तो जो भी आप उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिसीज से डिसएग्री भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, नहीं, बट सोशो, माय ओनली इशू आप सोशो पॉलिटिकली कंटेक्चुअलाइज करके कर लेना कि यार आप जब आप कि 2021 देयर सर्टेन फेमिनिस्ट नैरेटिव्स के वो बीबी ने पूरे नहीं किए, वो 10 साल ज़िया के बाद आ रही हैं, टू द एक्सटेंट के आर्मी ऑफिसर्स वर लाइक कि नहीं इनका पीरियड होता है, हमको सलाम नहीं करेंगे। नेशनल नैरेटिव में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, इनके तो पीरियड होते हैं। इस माशरे में वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सोचो। तो इसलिए यार मेरे पे बड़ा उसका प्रोफाउंड एक इम्पैक्ट हुआ था, बीबी की डेथ का भी और फराज साहब, ये आगे पीछे दो 3 साल के मार्जिन के अंदर, ये 2 साल के मार्जिन के अंदर ये 2 पर्सनैलिटीज की डेथ हुई है। तो वो तब उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये सारा ख्याल आया था कि यार इनको एक कमेमोरेट करने की ज़रूरत है एक सॉन्ग के थ्रू। और उसमें अगर आप देखें, उसका जो पहला बंद है वो यही है ना कि भाई मेहनत कश को जिस जन्नत का तुमने दिखाया सुंदर सपना, वो कुछ अहमद फराज के लिए है, कुछ इस तरह है ना, अब इस देश की कोई बेटी मुल्ला राज में गर्क ना होगी, ये उसमें एक ख्वाहिश का इजहार था। तो वो सारी जो थाट्स हैं जो मेरे जहन में चल रही थी कि यार एक तरह से इन लोगों को कमेमोरेट करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि इनके मैसेज को, इनके मिशन को, इनके इमेजिनरीज को, इनकी एस्पिरेशंस को आगे लेके जाया जाए, फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाया जाए कि ये देखो यार क्या क्या, फख्र करो, हमें सिर्फ गोरों की ज़रूरत नहीं है, यू नो, हमें जो है हमारे अपने लोगों ने भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें पैदा की हैं, बड़े ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। I just want to ask one last thing before we end this. Do you miss being in Pakistan? Do you feel like every day, every second, man? यार मैं तो आपको पता है कि मैं तो यहाँ से ख़त्म करने के बाद जो है मैं पाकिस्तान ही चला गया था 2013-14 में. That's where I wanted to live. और मैं हबीब यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ा रहा था, 4 साल मैंने वहाँ पे किया. लेकिन वो यही मामला है यार कि जिस तरह की ये बातें हम करते हैं, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं बातें करता हूँ, वो जो है, हालांकि मैं हमेशा, आप कभी मेरे से ये अनसिविल बिहेवियर नहीं देखेंगे, चाहे मेरे से कोई डिसग्री भी करे ट्विटर पे कुछ भी, मैं उसको हमेशा थैंक यू, प्यार मोहब्बत से सारा कुछ, एवरीवन यूनिवर्सल लव का प्रिंसिपल है. लेकिन ये आइडियाज जो हैं ये लोगों को खतरनाक साउंड करते हैं, ये थ्रेटनिंग साउंड करते हैं लोगों को, फॉर व्हाटएवर रीजन व्हिच इज कंप्लीटली बियॉन्ड मी. आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ लव, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ हेट. तो वो यही हुआ कि यार मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे तो जॉब करनी है, मुझे नौकरी तो करनी है, मेरे पास कोई एसेट्स नहीं है जिनकी बुनियाद पे मैं बैठ के खा सकूँ, तो मुझे जॉब करनी है. सो ये है मसला. वो इफ्तिखार आरिफ की बड़ी इसके ऊपर खूबसूरत बात है, वो कहते हैं उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते. उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते. पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते. वाह, ये है मामला इसमें. तो इट्स अ ट्रॉमा दैट आई कैरी एंड डील विद. तो किसी ना किसी तरीके से बस कोशिश करते हैं आप जैसे दोस्तों के थ्रू किसी ना किसी तरीके से हम एक और करेंगे पॉडकास्ट जिसमें हम कोई इकोनॉमिक बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ पोइट्री डिस्कस करेंगे. आई थिंक 2-3 घंटे, आई थिंक दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन एज वेल. थैंक यू सो मच, it was quite a pleasure and an honor to talk to you. I've been a fan for way too long, so thank you for the opportunity and God please हमें भी देखें ये क्या है, कितने टैलेंटेड, इतने अक्लमंद. एक एंगल से इरफान खान लगते हैं, एक एंगल से देवेंदुर लगते हैं. अगर किसी ने मिर्ज़ापुर देखा है, आपने देखा मिर्ज़ापुर? नहीं, आपने मिर्ज़ापुर नहीं देखा. अभी किसी ने लाहौर मार्केज, एक ट्विटर है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर अर्तुगरुल देख रहे हैं और मुल्क में मिर्ज़ापुर चल रहा है. तो मिर्ज़ापुर के जो मुन्ना भाई हैं, एक एंगल साहब वो लगते हैं, एक एंगल साहब इरफान खान लगते हैं, फिर गाते ऐसे हैं, फिर पोइट्री इतनी. सो प्लीज़ गॉड, व्हाई हैव यू समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया.